हेलो क्यूटी पा हाय गाइस हाय त्रिशा ओके सो बेसिकली बच्चा आज हम लोग वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे बिना किसी चीज को डिले किए हुए या फिर छोड़े हुए हम सारे डिटेल को कवर करने वाले हैं मैटर्स एंड नॉन मैटर्स की तो आई होप गाइस एक्साइटेड इन सब एक्साइटेड होगी नहीं फाइनली केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तीन चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं ये लास्ट चैप्टर है इसके बाद केमिस्ट्री ऑल सेट Good evening, good evening guys. Hi Aman. Hi Anmol. Hello Silent Boy. Hello Shivangi. यस yes, पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज चैप्टर एक बार में वन शॉट में तो रेडी हो जाओ नोट पैड पेन लेके ले बैठ जाओ बच्चा क्योंकि आफ्टर दिस क्लास आपको होना चाहिए कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आपको आराम से अटेम्प्ट कर सको बिना किसी चीज से डरे हुए एग्जाम कैसा भी आए चैप्टर से आप आराम से अटैम्प्ट कर पाओगे हाय सिद्धमा हेलो अनमोल हेलो बच्चा हेलो हा जानवी हेलो रक्षिता वेरी गुड इवनिंग ऑल वेलकम यू ऑल तो एक काम करते हैं विल विल वेट फॉर वन मोर मिनट एंड देन स्टार्ट द चैप्टर चैप्टर कैसे पैटर्न रहा है आपके जो सैंपल पेपर डिस्कशन था हमने किया है क्या फिर आपके एम जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या अभी जो आपका रिसेंट आया है सैंपल पेपर उसमें क्या डिफरेंसेस है प्रैक्टिस पेपर में क्या डिफरेंसेस आ गए हैं सैंपल पेपर से तो आपको पता ही होगा बेटा पेपर आपने देख ही लिया होगा सैंपल पेपर भी देख लिया होगा प्रैक्टिस पेपर भी देख लिया होगा क्या डिफरेंसेस है वो भी आपको पता चल गए होंगे तो उसके ही बेसिस पे हम सारी चीजें बिल्कुल हाई लेवल पे प्रिपेयर करके जाएंगे जैसे एग्जाम कुछ भी आ जाए हम उसको अच्छे से अटेम्प कर पाए बिना डरे हुए हाय कृष्णा हेलो हेलो बच्चा हेलो एवरीवन चलो आई थिंक आ गए हैं काफी स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने के लिए एकदम रेडी है तो स्टार्ट कर ले बच्चा इफ यू ऑल आर रेडी जेन थम्स अप ऑन द चैट बॉक्स जल्दी से थम्स अप ऑन द चैट बॉक्स इफ यू आर रेडी फॉर द क्लास और बिल्कुल नोट पैड और पेन लेके रेडी बैठ गए हो क्लास के लिए जल्दी से थम्स अप कर दो चैट बॉक्स में मुझे ही पता चल जाए कि बच्चे रेडी है ओके नाइस क्लाउडी स्टडी डन है ओके हरप्रीत क्यूटी भी डन है सारे लोग आ गए हैं नव्या यस तो एक काम करते हैं बच्चा बिना किसी डिले स्टार्ट करते हैं क्लास को तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि, कि किस तरह से मैट्रिक्स सही है मार्क्स किस तरह डिवाइड हुए थे सैंपल पेपर में या फिर आपका जो प्रैक्टिस पेपर आया है उसके बेस में थोड़ा सा एक बार रफ आइडिया लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर में जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा चेंज आया है बट येस आई मस्ट से दैट इस चैप्टर से अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया आप अच्छे मार्क्स अटेन कर लोगे बिना किसी चीज के राइट right? अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा इसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दी तो दिक्कत हो जाएगी और मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगी कौन से टॉपिक से मेजरली क्वेश्चन आए हैं तो ये सारी चीजें हम कवर कर लेंगे हाई हेलो आदर्श हेलो एवरी वन वन मिनट ओके विक्ट्री विक्ट्री वैद से भी बच्चे हैं क्या यहाँ पे वेरी गुड चलो विक्ट्री आंचल मैम ओपी थैंक यू चलो साहिल थैंक यू बच्चा प्लीज टेक माय नेम वन सेकेंड आपका नेम लेते लेते वो स्क्रॉल हो गया बच्चा मैं लेने वाली थी आपका नाम बट मिस हो गया टेक माय नेम टेक माय नेम चैट बहुत जल्दी चल रहे हैं तो आई एम नॉट एबल टू तो रीड इट प्रॉपरली दिक्कत आ रही है ओके 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 ठीक है बच्चा स्टार्ट करते हैं ओके चलो तो बेसिकली अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं बच्चा तो हम कवर क्या क्या कर करने वाले सबसे पहला सवाल ये है कि इस टॉपिक में हम कवर क्या क्या करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपने क्लास एथ में पढ़े हुए हैं ऐसा नहीं कुछ बहुत नया है क्लास एट में आपने कुछ टच किया हुआ है अभी बोलते हैं ना बेसिस आपके क्लास सिक्स सेवन एट में आ जाते हैं ये बेस आपका क्लास एथ में आ चुका था तो फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज को आप ऑलरेडी टच कर चुके हो थोड़ा सा वर्जन है और जो मेजर पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट आई मैट से दैट गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज मेटलर्जी ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में है बेटा लिख के ले लो इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है एट एनी कॉस्ट यहां से और यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा और रही बात आपके एमसीक्यूज बनाने की तो एमसीक्यूज तो बेटा कहीं से भी बन सकते हैं लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर सबसे बड़ी बात है सॉन्ग फॉर यू आपका नाम ही नहीं लिखा है बेटा तो मैं आपका नाम लू कैसे वहां पर यह भी तो सोचो ओके okay, तो बच्चा अभी चैट छोड़ते हैं ठीक है अभी आई थिंक आपको चार्ट छोड़ते हैं नोटबुक लेके आ जाओ अपनी पेन लेके बैठ जाओ हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली बच्चा एक प्रॉब्लम इस चैप्टर में ये है कि इस चैप्टर से आए हैं केस बेस्ड क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया चैप्टर से और उससे क्वेश्चन आ जाएगा केस बेस में वो सारे चैप्टर्स को क्या करेंगे समराइज करके क्वेश्चन क्रिएट करेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट को चेक कर लेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन में चार मार्क्स का क्वेश्चन होगा और चार मार्क्स के क्वेश्चन में टॉपिक हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं वो इतनी टेंडेंसी है इस चैप्टर में तो इस चैप्टर को एकदम लाइटली नहीं लेना है कि कोई नहीं एकदम छोटा है ज्यादा मार्क्स का नहीं आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है जिससे आपको जल्दी नंबर मिल जाएगा ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैटल नॉन मैटल के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि कैसे केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पे काम करती हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है तो आज की क्लास में अभी हम लोग जो शुरू कर रहे हैं मेरे वॉरियर्स यहाँ हैं और मैम भी यहां पे हैं और चैप्टर खत्म करने का हम लोग यहाँ पे क्या करें प्रॉमिस कर रहे हैं और टॉपिक कौन से कवर करेंगे ये सारे तो ये सारे टॉपिक डिटेल में कवर होने वाले तो okay, हैं तो गाइस बी रेडी फॉर दिस ओके आई थिंक सब रेडी हैं ओके ओके इज माय फर्स्ट डे टैक्टिलिटी बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे गुड इवनिंग एवरीवन गोमल यादव क्या हो गया बच्चा क्रेजी गेमिंग कितने कितने इनोवेटिव नेम्स रख रहे हो आप लोग चलो स्टार्ट करें तो बच्चा बेसिकली अभी हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें टारगेट पे करना है है सबसे पहला हमें होता ना हम लोग कहा जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें होना चाहिए कि हमें टारगेट टारगेट क्या है हमारा तो इस चैप्टर से अगर फोकस करोगे अगर हम प्रैक्टिस पेपर पे जा रहे हैं राइट अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर पे जा रहे हैं तो यहां पे आपको मिलेंगे तीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है तीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब है यहां पे आपको मिल जाएंगे थ्री मार्क्स यहां पे आपको मिल जाएंगे थ्री मार्क्स और एक केस बेस क्वेश्चन आ गया है तो बेटा जो हम लोग ने एनालिसिस किया था सैंपल पेपर में एज पर द सैंपल पेपर चार नंबर का ही आना था ये ओके एज पर द सैंपल पेपर एक केस बेस क्वेश्चन आना था जिसके मार्क्स थे फोर राइट right. लेकिन यहां पे क्या है बेटा यहाँ पे थोड़े नंबर बढ़ गए हैं तो आप देख लो खुद ही इंपॉर्टेंस बढ़ा दी गई है चैप्टर की हम इसको चार नंबर का लेके हल्के में ले रहे थे बट ऑटोमेटिकली यहां पे फोर मार्क्स का एक सैंपल पेपर में आपका अगर देख रहे हो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखोगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में तीन मार्क्स के तो एमसीक्यूज आ गए हैं और फोर मार्क्स का आपका आ गया है दैट इज केस बेस क्वेश्चन तो कितने हो गए टोटल हमने एक्सपेक्ट किया था चार नंबर और यहां पे बन कितने गए हैं बेटा सेवन मार्क्स तो यहां पे आपके जज्बात पलट गए हैं एकदम चार से सात हो गया है तो हम साथ साथ हैं आज अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट फड़ से टॉपिक को कवर करना अब पता चल गया कि चेंजेस क्या आ गए पहले से और अभी क्या बदला है बदलाव पता चल गए हैं आपको दिन मतलब बोलते हैं रातों रात जज्बात पलट गए आपके यही हुआ था चार नंबर से सात पहुंच गया है तब तो स्टार्ट कर लेते हैं तो बेसिकली सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे एज यू नो दैट क्या हो गया बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग हैप्पी टैटर डे ओके टेक माय नेम टेक माय नेम मैं आपका टेक माय नेम ही पढ़ पाती हूँ नेम तो निकल जाता है तब तक चलो तो बेटा बेसिकली हम लोग को जो यहाँ पे फोकस करना है वो मेटल नॉन मेटल है तो मेटल की कुछ ऐसी बातें कुछ नॉन मेटल की ऐसी बातें जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अब इसमें एक और कैटेगरी आती है वो होती है मेटलॉइड्स मेटलॉइड्स क्या होते हैं बीच के होते हैं मेटल नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टीज रख लेते हैं उन्हें बोल देते हैं तो यहाँ पे मेटलॉइड कैटेगरी में सिर्फ इंट्रो है बट मेजर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या 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 है कि मेटल होते है, क्या होते हैं हैं नॉन मेटल्स इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है रिएक्टिविटी सीरीज कैसे बिल्ड हो रही थी क्या चीजें बन रही थी वो सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर अप हो जाएंगी ओके अनुष्का राज हेलो बच्चा सुनील सर सुनील सर बिल्कुल सुनील सर आएंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में सुनील सर ही मिलेंगे आपको टेंशन मत लो ठीक है चलो तो यहाँ अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता क्या है कोई बता सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा कोई बताएगा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कृष्णा अग्रवाल हाय बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है अभी मैंने आपसे एग्जाम्पल फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है आई एम आस्किंग दिस ओनली तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज आउटर टेक्सचर हाउ वी लुक एग्जैक्टली राइट जैसे कि अगर बोलोगे अगर बताना है कि कैसे दिख रहे हैं तो ये बोलोगे हाँ हाँ शीज शीज ब्यूटीफुल बाहर से दिख रहा है ना अंदर से क्या पता कौन है कैसा है तो वही चीज है बेटा यहाँ पे ये होता है ना कौन है जिसने मुझे दोबारा पलट के नहीं देखा कौन है वो राइट तो ये जो मेटल नॉन मेटल है इनकी जो पू वाली क्वालिटीज होती है ना सो कॉल्ड पू वाली क्वालिटीज उसे हम बोल देंगे ये क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है कैसी चीजें दिख रही हैं कैसी चीजें हैं बाहर से हम इंटरनली नहीं जाएंगे हम इंटरनली नहीं जा रहे हैं हम सिर्फ बाहर को देख रहे हैं कि आउटर लुक क्या है इनका बस इतने से मतलब है हमें इंटरनली हम नहीं जाएंगे बेटा देखो आई ट्राई टू टेक योर नेम टेंशन मतलब यहां पे बहुत तेज चल रही है चैट तो मैं रीड नहीं कर पा रही हूं आपका नेम बट टेंशन मतलब मैम सारे चैट रीड कर ले रही थोड़ा सा समझो बेटा यहां पे बहुत चैट्स हैं तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दैट इज आउटर लुक की बात करेंगे कि कैसा दिख रहा है ये आउटर लुक क्या है इसका इस पे सवाल है तो अब जब इस पे सवाल है तो कुछ प्रॉपर्टीज भी थी जो हमने पढ़ी थी वो क्लास एट में ही पढ़ी थी ऐसा कुछ पोर्शन है जो बहुत पुराने से पढ़ते आ रहे हो क्लास एट में कवर कर चुके हो प्रॉपर तरीके से ऐसा नहीं आपने छोड़ा है प्रॉपर तरीके से कवर किया हुआ है और अभी हम उसको दोबारा पढ़ने वाले हैं थोड़ा और डिटेल में ओके डक्टिलिटी लक्सटीरियस यस प्लीज ओके okay, आयुष गुप्ता बहुत अच्छी बात है मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा खुश है हेलो अनस चलो मेलेबल ठीक है ओके काफ़ी सारे हार्ट्स काफी सारे इमोजीज बच्चा अगर आप चैट छोड़ के ना यहाँ पे फोकस कर लो कि बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जाम में सात नंबर मिल जाएंगे समझ रहे हो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं जहां पे आपको पता है कि ये मैटर से हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे ये यह क्या है क्या आप मुझे बता पाओगे कि यहां पे ये क्या है मैटल एग्जैक्टली exactly है क्या ये कोई बता सकता है यहाँ पे ओके okay, कोई बताएगा ये क्या है बेटा इट्स मर्क्यूरी यस यस मर्क्यूरी है मर्क्यूरी एक बात बताओ मैटल होती, होती है कि नॉन मैटल होती है वॉट डू यू थिंक मर्क्यूरी इज अ मेटल और नॉन मेटल मर्क्यूरी मर्क्यूरी ओके मैटल है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही जवाब है बेटा मेटल होती है मेटल के साथ साथ इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट तो में होती है अगर इसकी हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होती है मेटल जो होते हैं वो लिक्विड में होते नहीं तो एक्सेप्शन पार्ट है ये अपवाद बोलते हैं हिंदी में इसको तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन तो यहां पे ही एक्सेप्शन पार्ट है मैटर कैटेगरी में तो है लेकिन बस समझ लो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिल जाती है आपको ओके okay, अच्छा ये बीच में क्या दिख रहा है रेड रेड हार्ट नहीं है ठीक है वेलेंटाइन में सेलिब्रेट करने लग जाना मैम क्या ही करेंगे पढ़ के एग्जाम तो बाद में आते जाते रहते हैं ऐसे नहीं करना है पढ़ाई करनी है ठीक है तो यहां पे पर क्या है बेटा आपके ब्लड सेल्स है ब्लड सेल्स में भी आपके पास क्या होता है मेटल होता है दैट इज आयरन ओके अब इसके बाद नेक्स्ट में जाते हैं तो ज्वेलरीज होते हैं ये किसके बने होते हैं मेटल से बनते हैं जैसे कि गोल्ड प्लेटिनम व्हाइट गोल्ड ये सारे मेटल कैटेगरी से तो तो आते हैं राइट कहीं भी जाओ तनिष्क में जाओ जो भी है वो सारे मेटल्स ही हैं आपके अब अगर हम आगे जाते हैं तो मैटर्स होते क्या हैं? क्या यहां से कुछ समझ सकते हो कि अच्छा बात बताओ यहाँ पे मैटर्स कौन सी कैटेगरी में आएगा कैटेगरी ए और बी कौन है मैटर? ये है कैटेगरी ए हमारे और ये है कैटेगरी बी इसमें से मैटर कौन सी कैटेगरी है ए है कि बी है मैटर? ए है डेफिनेटली हमारी अंबानी फैमिलीज तो ये हमारी क्या है बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज ए कैटेगरी अब ए कैटेगरी में ऐसा नया क्या है मैम आपने बोल तो दिया मेटल है अब यहाँ पे आपने बोल दिया ये क्या है पता नहीं हमें ये तो गरीब है बेचारा तो बेसिकली बेटा मेटल जो होते हैं ना उनके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं डोनेट कर सकते हैं तो अच्छा होता है ना डोनेशन तो इज गुड तो दे कैन डोनेट अब डोनेट कौन कर सकता है अब मेरे पास हंड्रेड रुपीज है सिर्फ हंड्रेड रुपीज है और मुझे खुद का भी सर्वाइवल करना है तो मैं हंड्रेड जाके डोनेट तो नहीं कर दूंगी क्योंकि मेरा सर्वाइवल कैसे होगा फिर जब मेरे पास थाउजेंड होंगे तब मैं कहूंगी चलो अच्छा ठीक है तुम्हें हंड्रेड चाहिए यू नीड हंड्रेड रुपीज ले लो हंड्रेड रुपीज राइट तो अगर हमारे पास ज्यादा होगी ही नहीं चीजें तो हम डोनेट कैसे करेंगे डोनेट तब कर सकते हैं जब हमारे पास भी सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट हो तो मेटल के साथ भी ऐसा ही केस होता है मेटल हमारे हैं अंबानी फैमिली उनके पास अमाउंट अच्छा खासा होता है इलेक्ट्रॉन का और ये क्या कहते हैं सुनो ले जाओ टैक्स नहीं देना पड़ेगा थोड़ा सा टैक्स बचेगा राइट ये डोनेट कर देते हैं तो इन पर टैक्स नहीं लगेगा तो यही सेम चीज हो रही है यहां पे बच्चा कैसे हो रही है मेटल्स की अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो मेटल्स होते हैं राइट अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं ये मेटल्स जो है अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को देंगे तो क्या होगा जब देते हैं तो क्या होता है पॉजिटिविटी आती है हमें लगता है हम बहुत अच्छे इंसान हैं हम कितनी मदद कर रहे हैं सबकी वाह तो हमें पॉजिटिविटी आई है तो वहां पे क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है राइट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अगर हम नीचे जाते हैं राइट इसकी बात करते हैं बी की अब बी के पास क्या है बी को पैसा चाहिए बी को पैसा मांगता है उसको पैसा चाहिए ये पैसे दे सकते हैं इन्होंने दे दिया राइट ये हमारे साक्ष है साक्ष ने पैसे दे दिया ये हमारे एंटरप्रेन्योर जिनके पास पैसे है ही नहीं खत्म हो चुके हैं अब अभी मांगने आए हैं पैसे तो उन्होंने कहा चल ठीक है ले जा कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे एक चीज रखो कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रख रहा है जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रख रहा है तो बी हमारा क्या है बेटा इट इज अ नॉन मेटल पार्ट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रख रहा है और मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बस यही है यहां पे कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो हो रहा है अगर देने वाला प्रेजेंट है तो लेने वाला भी तो होना चाहिए वरना वो जाएगा कहाँ इलेक्ट्रॉन तो एक्जैक्टली exactly यही केस होता है अगर मेटल दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो नॉन मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन को कहता है ठीक है आई नीड इट वाइस दे दो मुझे तो ऐसा चलता है ओके okay, समझ आ रहा है कैटायन आयर एंड आइनिक बॉन्ड बिल्कुल पढ़ेंगे हम आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे बेटा टेंशन मत लो ओके चलो नेक्स्ट में चलते हैं बच्चा नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे तो नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं लेट्स नो मोर अबाउट द मेटल्स थोड़ा मेटल्स के बारे में जानते हैं कि मेटल एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं होते कैसे हैं तो यहां पे अगर आप देखोगे मेटल आर द सब्सटेंस विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लिया है इलेक्ट्रॉन दे रहा है जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या कर रहा है वो पॉजिटिव चार्ज को अटेन कर रहा है अब यहां पे टेंडेंसी क्या और इसको इलेक्ट्रॉन देने की तो अगर हम बात करते हैं सिंपल मेटल्स की बात करेंगे बच्चा तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की या फिर आप बोल सकते हैं और शेयर भी कर सकता है

राइट अब वहां पे क्या क्वेश्चन था कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यू लाइक न्यूट्रल सोडियम एटम एंड अ पॉजिटिव सोडियम आयन। जस्टिफाई योर आंसर अच्छा बताएगा क्या होता है कोई मुझे बताएगा सोडियम क्या होता है वॉइस प्रॉब्लम आ रही है एम आई प्रॉपरली ऑडिबल गाइस ओके बच्चा एम आई प्रॉपरली ऑडिबल प्लीज आंसर मी ऑन द चैट बॉक्स एम आई प्रॉपरली ऑडिबल नॉट Uh, कब तक चलेगी बेटा बहुत लंबी चलेगी अभी तो शुरुआत है ये तो बस शुरुआत है बच्चा अभी नोट्स <स्ट्रीणागी> भी मिल जाएंगे बेटा आपको टेंशन मत लो नोट्स भी मिल जाएंगे आफ्टर द क्लास सारे नोट्स मिलेंगे सारे नोट्स एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छा प्लीज गाइस प्लीज गाइस लिसन टू मी इफ आई एम नॉट प्रॉपरली ऑडिबल प्लीज मेंशन ऑन द चैट बॉक्स वॉइस डन है पक्का वॉइस डन है थम्स अप कर दो वॉइस डन है तो ओके आई आई थिंक एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू राइट ठीक है डन है डन है डन है अब बेटा क्या है सोडियम हमारा एक मेटल है जब सोडियम हमारा मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा इसके बाद टेंडेंसी होगी पक्का इलेक्ट्रॉन देगा अब जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे एक चीज समझो हमारा सोडियम है राइट सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो ऑक्टे रूल एज पर तो रूल यहाँ पे क्या होना चाहिए पूरे आठ इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट आपके ऑर्बिटल में हैं, तो वो स्टेबल है हर एक चीज या हर एक इंसान अपनी स्टेबिलिटी चाहता है हमेशा दे ऑलवेज रन और दे ऑलवेज वॉन्ट द स्टेबिलिटी हमारे एलिमेंट्स भी ऐसे ही हैं इनको भी स्टेबिलिटी चाहिए अब स्टेबिलिटी कैसे होगा इनकी एनर्जी बहुत हाई हो रही लो हो रही उसको आराम से कर लेंगे चिल बैठ जाएंगे रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं एकदम कंप्लीट होके तो यहां पे इसके पास का अलग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये होगा टू एट वन अब अगर ये एक जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर यह कर रहा है हमें परेशान अब इस एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें बड़ी दिक्कत है बड़ी दुविधा आ गई हमारे पास यहां पर है हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं यहां पे एट इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं हमारे पास राइट right? अब ये बाहर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अब ये इलेक्ट्रॉन हमारी क्या कर रहा है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमें इसको निकालना है अगर हम इसको निकाल लेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा नोबल गैस ले लेगा ये और नोबल गैस कॉन्फ्य का मतलब है स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी इसमें राइट जब स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा एकदम आसान तो यहां पे यही होता है बेटा मेटल है हमारा सोडियम मेटल क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है अभी यहां पे क्या है ये सोडियम है न्यूट्रल है न्यूट्रल स्टेट में है यहां पे ये ओके तो यहां ये क्या है ये सिर्फ सोडियम है एक अपने न्यूट्रल स्टेट में है जब ये न्यूट्रल स्टेट में है बेटा तो एक बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे दोनों ग्यारह होंगे राइट अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वो भी ग्यारह है हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो वो भी ग्यारह है तो यहां पे क्या हुआ है ग्यारह प्रोटोन ने ग्यारह इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है किसी तरह से पकड़ रखा हो कि भाई तुझे नहीं जाने दूंगा। जाने दूंगा तो दूंगा नहीं तो यहाँ पे ये ये सीन चल रहा है अब इसने ये सोचा कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन जाने देता हूं तो मैं आराम से पकड़ पाऊंगा इलेक्ट्रॉन को ग्यारह बेचारे ग्यारह प्रोटोन पे ग्यारह इलेक्ट्रॉन का बोझ है तो उसने कहा ठीक है जा बेवफा जा इसने कहा जा तो इसने क्या किया अपना एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया अब जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बना है बेटा अगर हम सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्योगेशन हमारी नोबल गैस कॉन्फ्योगेशन हो जाएगी नोबल गैस कॉन्फ्योगेशन होने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास दस हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्यारह ही रहेंगे याद रखना हम जब भी डोनेशन कर रहे होते हैं शेयरिंग हो रही होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है प्रोटॉन्स की नहीं होती है तो इसी वजह से जब हमारा पीरियोडिक टेबल बनी थी कुछ पता है इस बारे में जब हमारी पीरियोडिक टेबल बनी थी बच्चा तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस में बनी थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस में नहीं बनी थी लो वॉइस है अभी अभी भी भी सही आ रही आवाज अभी भी नहीं आ रही है क्या नो वॉइस नो वॉइस क्या हो रहा है बेटा अब बाकी को तो आवाज आ रही है काम करो जिसको नो no वॉइस है एक बार रौनक एक काम करो बच्चा जल्दी से इसको रिफ्रेश करके देखो शायद उससे ठीक हो जाए इंडियंस का यही तरीका होता है रिफ्रेश कर दो रीस्टार्ट कर दो रिबूट कर दो चीजें क्लियर हो जाती हैं तो यह करके देख लो बेटा टेक्निक लगा के देखो तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां पे अब इसके पास प्रोटॉन क्या दस सॉरी ग्यारह हो गए इलेक्ट्रॉन दस हो गए अब जब इलेक्ट्रॉन दस हो गए प्रोटोन ग्यारह हो गए तो यहां पे इस पर चार्ज क्या आ गया इट इज सोडियम आय राइट अब यहां पे अगर आप देख रहे हो बेटा सोडियम आयन बन चुका है पॉजिटिव चार्ज आ चुका है कैसे पॉजिटिव चार्ज आया है प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन तो चार्ज आ गया है आपके पास प्लस वन तो प्लस वन आपके पास यहां चार्ज आ गया ये स्टेबल हो गया है स्टेबिलिटी को अटेंड किया क्यों क्योंकि यहां पे नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन है और यहां पे नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन नहीं है और होल्डिंग कैपेसिटी भी सही है यहां पे इसीलिए क्या हुआ है सोडियम आपका आयन जो बना है ये स्टेबल बना है और मेटल की टेंडेंसी भी होती है इलेक्ट्रॉन को देने की तो जो भी इसकी क्वालिटीज़ थी इसने उसको फुलफिल कर दिया है और इलेक्ट्रॉन को दे दिया है तो यहाँ पे इस तरह से इसका आंसर आप कर सकते हो ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में एग्जाम में नहीं आया सॉरी आपके पेपर्स में आया हुआ है जो अभी आए हैं रिसेंटली मैं फास्ट पढ़ा रही हूं क्या अच्छा सब कुछ समझ आ रहा है एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर हमारा एक टैग होगा दैट इज सी सी इफ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर यू हैव टू मैंशन सीसी ऑन द चैट बॉक्स दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म इफ एवरीथिंग इज क्लियर दैट इज सी सी आप इसको आराम से ओके okay, बहुत अच्छा बहुत अच्छे बहुत जल्दी आपने देख लिया चलो अच्छी बात है रिपीट कीजिए क्या रिपीट करना है बेटा वो बताएं आप कौन सी चीज अभी समझ नहीं है अभी तक तो मैंने सिर्फ मैटर और नॉन मैटर को इंट्रोड्यूस किया है इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है अभी तक नोट्स कहा मिलेंगे नोट्स आई थिंक आपको बेटा आप डाउनलोड करोगे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो राइट ऐप आप लोगे ऐप को इंस्टॉल करना लॉग इन करना और वहां से आई थिंक यू आर एबल टू एक्सेस ये जो भी आपके नोट्स हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बेटा कॉन्फिडेंस बिल्कुल आएगा देखो बच्चा तीन चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आपके तीन चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं आज ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा अगर जो रीसेंट क्वेश्चंस आए हैं उसके बेस पे पेपर आ गया तो सेवन मार्क्स का सीधे सीधे चैप्टर आ गया मार्क्स का सीधा सीधा चैप्टर आ गया है आप आराम से सेवन मार्क्स ला सकते हो अभी भी मौका है अभी भी टाइम है आज अच्छे से पढ़ लो फोकस करके पढ़ लो सात नंबर हाथ में है उसके बाद जितना भी बैकलॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे यहां पे प्रेजेंट रहो सब कुछ अच्छे से पढ़ो ठीक है चलो तो बेटा अब यहाँ पे हम देखते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज रिपीट द टॉपिक बेटा रिपीट द टॉपिक लेट हो गया हो कोई बात नहीं एक बात समझो अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया है मैं फिर बता देती हूँ जो अभी तक मैंने बताया है मैंने सिर्फ इतना बताया है कि मैटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की नॉन मैटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की बस ये दो चीजें बताई हैं अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैटल और नॉन मैटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन नोट्स नहीं मिल पा रहे बेटा टेंशन मत लो अभी टेंशन मत लो मतलब मतलब जैसे जैसे लेक्चर होगा एंड में बता दूंगी नोट्स नोट मिल जाएंगे ठीक है टेंशन मत लो मैं बता दूंगी आप को लेक्चर से एंड होने से पहले पहले कि आपको नोट्स कहां मिलेंगे टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी ओके चलो तो यहां पे प्यां अगर आप देखोगे तो क्या प्रॉपर्टीज स्नोरेस क्या होता है मेलेबिलिटी क्या है डक्टिलिटी क्या है हार्डनेस क्या है कंडक्टिविटी क्या है और अपियरेंस क्या है हमें ये सारी चीजें आज कवर करनी है भैया जितनी जल्दी हम ये छोटा मोटा चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना पोर्शन कंप्लीट करेंगे उतना ही ज्यादा हम टाइम दे पाएंगे अपने मेटलर्जी पार्ट को क्योंकि मेटलर्जी पार्ट नया है आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है मैं पहले बोल रही हूं बेटा यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस नाइन्टी है वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का से आएगा तो उस क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम लास्ट में पढ़ रहे हैं मैम हम बिल्कुल थक गए हैं ऐसा ना हो तो बिल्कुल एनर्जी बचा के रखो ड्रिंक्स लेते रहो राइट चलो तो यहाँ पे अब एक एक करके हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अपीयरेंस की राइट वैसे तो मैं सख्त दिखता है राइट लेकिन कभी कभी यहाँ पे मैं पिघल गया तो मेटल्स मोस्टली बेटा अगर आप जाके देखोगे तो हार्ड इन नेचर होते हैं हमेशा आपको सख्त दिखेंगे एकदम सख्त जाकिर भाई की तरह लेकिन कभी कभी कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो पिघल जाते हैं जल्दी से तो बेटा वो हमारा मर्क्यूरी है राइट right? हमारा मर्क्यूरी यहां पे एक्सेप्शन पार्ट है क्योंकि मर्करी जो होता है वो मेटल कैटेगरी से तो होता है लेकिन लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है थर्मोमीटर में यूज करेचर जब भी टेम्परेचर हमारे बॉडी का बढ़ता है तो ये एक्सपेंड होता है जब यह बढ़ता है तो हमें दिख जाता है कि अच्छा अगर इसमें इतना टेम्परेचर इतना बढ़ गया है तो हमें फीवर इस लेवल पे है तो यहाँ पे क्या है ये मर्करी है आपका जो कि लिक्विड स्टेट में है और ये हमारा अपवाद है और एक्सेप्शन पार्ट है इसका अब आप एक बार बताओ गैलियम और सीजियम जो मैटर्स होते हैं उनकी क्या स्पेशलिटी है कोई बता सकता है गैलियम और सीज़ियम के बारे में किसी को कोई बताना है हाय अनुष थैंक यू कोमल गैलियम सीज़ियम आल्सो ओके चल चलो सब जो बताओ 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 लैगिंग हो रही है क्या लैगिंग तो नहीं हो रही है लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड सॉफ्ट मेटल्स टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बीपी एमपी क्या कर रहे हो बेटा पाम, दे आर सॉफ्ट ओके 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 एज एक्सपेक्टेड सीजम एंड गैलियम में हमेशा प्रॉब्लम रहती है बेटा याद रखो हमारा रूम टेम्परेचर होता है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं आपका 25 डिग्री सेल्सियस को हमारा रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है अब जो गैलियम एंड सीजियम होता है इस ये हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर ना रूम टेम्परेचर उसमें लिक्विड स्टेट में नहीं होता है राइट right? तो ये अगर आप सोच रहे हो आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि भाई साहब जो गैलियम और सीजियम है ये भी लिक्विड स्टेट में होते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चा क्यों नहीं होता है यस yes, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है लेकिन वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा ही होता है इट्स 47, 48 की रेंज में जाता है 47 टू 49 की रेंज में जाता है गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से तो बहुत कम है है कि नहीं है वी आर तो हॉट पीपल्स गाइज वी आर तो हॉट पीपल्स तो भाई क्या होता है कि जब हमारे हम लेते हैं अपने पाम में गैलियम को या फिर सीजियम को तो वो क्या होता है पिघल जाता है अभी तक तो शक्ति बना के रखा था उसने लेकिन हमारे हाथ में आते ही वो क्या होता है पिघलने लगता है तो तब वो लिक्विड स्टेट में जाता है आपको कंफ्यूज नहीं होना है तब वो लिक्विड स्टेट में जाएगा यहां पे वो लिक्विड में प्रेजेंट नहीं होता है रूम टेम्परेचर में सिर्फ अगर आप बात कर रहे हो वो आपका मर्क्यूरी है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है अपने रूम टेम्परेचर पे तो एक यही एक्सेप्शन पार्ट है गैलियम सीजियम इसका एक्सेप्शन नहीं है बेटा राइट right? वो भी हार्ड होते हैं वो मेल्ट जल्दी होते हैं बस थोड़े से सॉफ्ट हार्डेड होते हैं तो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं बस इतना सा डिफरेंस होता है उनमें थैंक थैंक यू यू बच्चा अब डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी बेसिकली है क्या अब देखो यहां पर चल रहा है कॉन्सर्ट देखो ये कंडीशन है अगर एग्जाम में अच्छे नंबर आए आप लोगों के इस चैप्टर को अच्छे से किया केमिस्ट्री को एकदम फोड़ के आ गए बिल्कुल अच्छी तरीके से कॉन्सर्ट करेंगे मजे से पार्टी करी जाएगी तो पार्टी होगी बहुत भयंकर कब जब नंबर अच्छे आएंगे तो यहाँ पे अगर पार्टी देख रहे हो किंग का कॉन्सर्ट चल रहा है कॉन्सर्ट में लोग बहुत ज्यादा है राइट कॉन्सर्ट में आप देख सकते हो कितना क्राउड है भाई इतना भीड़ ओ माय गॉड तो अब यहाँ पे भीड़ ज्यादा है तो अगर इस भीड़ का एक कॉर्नर मैं उठा लू मान लो मैं इस भीड़ का ये वाला कॉर्नर उठा लेती हूँ तो क्या बोल सकते हैं यहां पे बहुत ज्यादा क्राउड प्रेजेंट होगा अगर मैं इस भीड़ का उठा लेती हूं कॉर्नर तो हां हां मान मेरी जान बिल्कुल मानेंगे बेटा आप एक बार पढ़ लो नंबर ले आओ सब मानेंगे सब मानेंगे आपकी बात लेकिन अभी क्या करना है पढ़ाई करनी है येस हैंस्टेकिंग नो आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी वन बेटा पे चार्ट बहुत जल्दी चल रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती आई एम सॉरी इफ योर फीलिंग सो बट आई एम नॉट इग्नोरिंग एनी वन आई एम ट्राइंग टू रीड ऑल दट नेम पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है राइट right? तो यहाँ पे बेटा क्या दिक्कत है डेंसिटी का मतलब क्या है कि क्या चीज है अब हैवी कैसे फील होगी सोच के देखो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है हमारे पास राइट फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है हमारे पास इसमें पूरा पानी भरा हुआ है राइट right? इसमें पूरा पानी भरा हुआ है मतलब इसमें क्या है मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या है बहुत हेवी है फॉर मैम नहीं उठा पा रहे बिल्कुल नहीं उठ रहा है इसमें क्या करें ये उठ ही नहीं रहा है राइट लेकिन अगर मैं इसको खाली कर दूं धीमे 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 खाली करती जाओ तो क्या होगा इसमें जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स वो कम हो जाएंगे तो यहाँ पे मेटल की डेंसिटी का भी यही केस होता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं और सॉलिड में क्या होता है जो भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं बहुत पास पास होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो राइट तो यहाँ पे क्या है इस तरह से इनके बीच में दोस्ती होती है एकदम बेस्ट फ्रेंड्स वाली आपके भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे उनके साथ भी आपकी ऐसी बॉन्डिंग होगी इतनी अच्छी दोस्ती होगी उनके साथ तो कुछ ऐसी ही दोस्ती होती है अब जगह दोस्ती हम देखें इतने पास पास पे हैं और मैंने एक कॉर्नर उठा लिया इसका तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो होंगे बहुत ज्यादा अगर मैं लिक्विड की बात करूंगी और लिक्विड में हम देखते हैं तो लिक्विड में क्या होता है इनके बीच में थोड़ी दूरियां होती हैं दे आर लाइक कजन सेकेंड थर्ड कजन तो उनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरियां होती हैं तो अगर इसमें मैं एक पोर्शन उठाऊंगी तो एक आ रहा है इसमें अगर मैंने एक पोर्शन उठाया तो चार आए तो चार ज्यादा होता है कि एक ज्यादा होता है चार ज्यादा होता है ना तो यहाँ पे ये क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ मोलिक्यूल सरफेस में जो सरफेस हमने पर यूनिट उठाया है हम जब भी कंपेयर करते हैं बेटा तो ऐसे ही कंपेयर करते हैं एक एग्जैक्ट अमाउंट उठाते हैं दोनों जगहों से हम कभी ऐसा नहीं करते इससे हमने इस वाला पोर्शन उठा लिया उससे हम छोटा सा उठा रहे हैं तो हम कंपेयर कैसे करेंगे कंपेरिजन के लिए तो हमें एकदम इक्वालिटी रखनी पड़ेगी एकदम होना पड़ेगा यहाँ पे तो वही चीजें कर रहे हैं इसीलिए मैटर्स की डेंसिटी ज्यादा होती है हाई डेंसिटी होती है क्यों क्योंकि इसमें यहाँ पे स्टेट की वजह से पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं तो अगर हम किसी भी यूनिट वॉल्यूम को उठाते हैं तो वहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो ज्यादा होते हैं बिल्कुल कराएंगे बेटा थोड़ा रुक जाओ मेटलॉजी पार्ट जब आएगा ना तो सारी चीजें आ देंगे आप टेंशन मत लो मेटलॉजी पार्ट आप सब कुछ बढ़ोगे बिल्कुल लिथियम भी होता है एक्सेप्शन बेटा टेंशन मतलब वो भी होता है एक्सेप्शन ओके okay. तो यहां पे एक्सेप्शन पार्ट हम करेंगे बेटा एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एक एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन पढ़ेंगे उसकी टेंशन मत लो कि कि पढ़ पढ़ रहे रहे हैं हैं नहीं तो डेंसिटी हाई है कैसे है वो आपको बता दिया है हमने आगे हम देखते हैं बेटा यहाँ पे हार्डनेस की बात हमने करी ली है लिथियम सोडियम जो होते हैं ये हार्ड मेटल नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं मेल्टिंग एन बॉली पॉइंट की तो ये अभी देखा है रिसेंटली सोशल मीडिया में तो यही चल रहा है आजकल राइट right? बिल्कुल टफ क्वेश्चन करवाए जाएंगे बेटा टेंशन मत लो राइट बिल्कुल 96 परसेंट मिल जाएंगे सबको टेंशन मत लो बेटा धीमे धीमे सारी चीजें कवर हो जाएंगी धीमे धीमे होंगी अभी तो बस शुरुआत हुई है बच्चा अभी बहुत कुछ पढ़ना है हमें चलो तो अच्छा जॉब लगवा दू अच्छा अच्छा ठीक है ओके डेंसिटी बेटा मास अपॉन वॉल्यूम होता है याद रखना मास अपॉन वॉल्यूम हमने वॉल्यूम यूनिट ले लिया है तो जितना मास होगा वही डेंसिटी हो जाएगा हमेशा की तरह अगर मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर है और वॉल्यूम हमने इक्वल ले लिया यूनिट ले लिया है एक यूनिट ले लिया तो उसकी वैल्यू हो गई वन तो डेंसिटी किसके बराबर हो गई मास के बराबर हो गई अब मास क्या होगा जिस एरिया को हमने लिया है जिस वॉल्यूम को वन यूनिट वॉल्यूम जो लिया है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है उनके वेट को हम बोल देंगे क्या बोलेंगे उनको दैट इज उसकी डेंसिटी वो है जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी अगर हम यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं तो ब्रोमिन लिक्विड स्टेट में ही होता है बेटा हैंडवेंड में वो लिक्विड स्टेट में ही होता है राइट तो यहाँ पे क्या है बेटा ये क्या है यहाँ पे इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है अच्छी खासी बॉन्डिंग चल रही है अच्छी खासी बॉन्डिंग है तो अभी इनकी शादी हो गई राइट इनके अभी रिसेंट शादी हो गई है तो अब ये चीज क्या है बेटा स्ट्रांग बॉन्डिंग का ही रिजल्ट है राइट रिजल्ट स्ट्रांग बॉन्डिंग अब बेटा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं तो मेटल से अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा जहां पे पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे राइट दे आर इन सॉलिड स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्शन पार्ट ये आर देयर बट यहां पे क्या है यहां पे सॉलिड है क्योंकि बहुत पास पास है क्लोजली पैक्ड है तो इसलिए यहां पे इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है मेल्टिंग एंड बोलिंग पॉइंट होता क्या है मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्लोजली पैक्ड है चीजें राइट right? ये चीजें क्लोजली पैक्ड हैं और अगर हम इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हीट देके के टेम्परेचर दे के, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो जितना क्लोज बॉन्ड होगा जितना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो उसको तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो वही सेम चीज होती है बेटा हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं उसको मेल्ट करने के लिए या उसको बॉइल करने के लिए वही कहलाता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो डेफिनेटली जब उसको टाइम इतना ज्यादा लग रहा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा हो ही जाएगा समझ नहीं आ रहा है बेटा अच्छा क्या समझ नहीं आ रहा है रुको एक मिनट एक मिनट रुको गाइस देखने लो क्या समझ नहीं आ रहा है अभी तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है अभी तक कोई प्रॉब्लम आ रहा है ओके okay, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से अब बात कर रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट की कि क्या हो रहा है मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट में क्या आपको इसका मेजर डिफरेंस पता है? ये तो हमारी नॉर्मल जिंदगी थी कि हम बोल रहे थे तो मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है बट मेंटोस लाइफ तो तब होगी जब आप उसको एग्जैक्ट बता पाओगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में राइट तो डेफिनेटली हमें नॉर्मल लाइफ तो पसंद नहीं वी ऑल लाइफ मेंटोस लाइफ तो यहां पे अगर हम बात करते हैं बच्चा इसकी तो एक चीज ध्यान रखो बहुत अच्छे से हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग मतलब मेल्ट होना चीजें पिघल रही हैं लिक्विड स्टेट में जा रही हैं तो यहां पे क्या है बेटा मेल्टिंग में अगर आप ध्यान दोगे स्टेट का सबसे बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें देखना है मेल्टिंग में जो है वो सॉलिड स्टेट से जा रहा है लिक्विड स्टेट में और इसको हम क्या बोल रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं जब वो मेल्ट होना शुरू हो गया है पिघलने लग गया है अब अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है बेटा लिक्विड से हमारा गैसे स्टेट में जाता है वेपर बनते हैं तो ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट जब चीजें बॉइल होने लगती हैं और लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाती हैं तो इसे हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट ठीक है समझ आ गया सब कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम ओके मेरा डाउट पूछ लेंगे अभी अभी स्लो मुझे लग रहा है काफी स्लो ऑलरेडी चल रहा है इससे भी स्लो जाना है no गुजराती मीडियम मेरा गुजराती मीडियम गुजराती तो हमें आती नहीं ठीक है गुजराती तो नहीं आती है लेकिन हिंदी आती है इंग्लिश आती है उसमें बता सकते हैं आपको मेरा नाम है आचल बेटा ठीक है तो अब यहां पे देते लस्टर लस्टर क्या होता है चमकीली चीजें चमकदार लस्टर का मतलब क्या है चमकदार चमकना तो यहाँ पे बेटा बेसिकली चमकता कैसे है हमने बोल दिया चलो मैम ने बोला मैटर चमकता है हमने मान लिया लेकिन मेटल चमक कैसे रहा है ये भी तो सवाल है दिमाग में मेटल चमक कैसे रहा है हमें चमकता दिख रहा है एकदम लस्टीरियस है मत जगमगाता हुआ लेकिन हो क्या रहा है बेसिकली तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा रिफ्लेक्शन हो रहा है राइट वो क्या हो रहा है रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट जाके जा रही है वापस आ रही है जा रही है वापस जा रही आ रही है तो क्या एक तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे तो ये साइनी सर्फेस जो होती रिफ्लेक्ट होती है सर्फेस से तो इसे हम क्या बोलते हैं मेटल को इसका लस्टीरियस नेचर बोलते हैं तो दे आर लस्टीरियस इन नेचर और लस्टर बोल सकते हैं इस प्रॉपर्टी को क्या बोल सकते हैं लस्टर बोल सकते हैं इस प्रॉपर्टी को <laughs> माई फेस इज लस्टीरियस ओके वेरी गुड थैंक यू फास्ट प्लीज मैं बटा मैं जल्दी कराने की कोशिश कर रही हूँ एक बात समझू यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्लो भी समझ रहे हैं तो मुझे सबके पेज से चलना पड़ेगा एकदम से फास्ट नहीं जा सकते हैं हम लोग राइट right? एक्सेप्शनल हाँ, केसेस बिल्कुल पड़ेंगे बेटा टेंशन मत लो एक्सेप्शनल केसेस का आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा लोड मतलब उसका अब बात करते हैं मेलीबिलिटी की अगर मेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपने घरों में देखा होगा मेलिबिलिटी के बारे में मैं लाई थी दिखाने के लिए आपको ओके आई मिस्ड इट तो यहां पे क्या होता है मेलिबिलिटी की अगर बात कर रहे हो बच्चा तो मेलेबिलिटी में क्या होता है ठोक ठुकाई करके प्लेन सर्विस बना दी वो क्या हो गया उसकी मेलेबिलिटी हो गई है राइट right? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है अल्मोनियम फॉल हाँ मैं लाई तो थी अल्मोनियम फॉल मिस हो गया आपका अल्मोनियम फॉल बेटा राइट right? तो यहाँ पे क्या है थोक छुकाई करके यहाँ पे आपकी शीट का फॉर्मेशन हो गया है और इसे हम क्या बोलेंगे कि यस दे आर मेलेबल इन नेचर तो मेलेबल के अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं तो सॉफ्ट मैटर तो एक्सेप्शन पार्ट हो गए क्योंकि वो मेलेबल तो हो नहीं सकते राइट right? वो मेलेबल ही नहीं होंगे तो यहां पे अगर आप देखते हो मेलेबिलिटी के बारे में बिल्कुल 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 ठीक है तो अब बेटा मेलेबिलिटी में हो क्या रहा है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हमारा एक मेटल है फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक मेटल है और इस मेटल में क्या किया है बच्चा लगाया गया है फोर्स फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये चीज है और मैं इसको दबाना शुरू करूंगी दोनों साइड से राइट right? तो ये क्या होगा इसमें प्रेशर जनरेट होगा एक प्रेशर जनरेट होगा ये क्या होगा दबना शुरू होगा अगर ये दब सकता है तो राइट right? तो यहां पे वही होता है फोर्स लगाए जाते हैं आपको यहां से फोर्स लगाने शुरू किया गया यहां से फोर्स लगाना शुरू किया और जब दोनों तरफ से फोर्स लगाना शुरू किया तो शीट बननी शुरू हो गई है राइट right? शीट बननी शुरू हो गई है तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे मेलिबिलिटी बोलेंगे इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी बोलेंगे बिल्कुल होता है गोल्ड होता है बेटा ओके okay? तो बेटा एक चीज याद रखना एक यहां पे लस्टीरियस की अगर हम बात कर रहे हैं ना चमक की बात कर रहे हैं याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाल लो इसके लिए कि ये जब जो लस्टीरियस होते हैं ना मेटल राइट right? जो मेटल लस्टीरियस होते हैं वो प्योर स्टेट में होते हैं राइट right? ये प्योर स्टेट में होते हैं लस्टीरियस में होते हैं प्योर स्टेट में होते हैं याद रखना चाहिए दिमाग में अच्छे से बैठा लो प्योर स्टेट में है जब कंबाइंड स्टेट में जाते हैं तो अलग हो सकते हैं या फिर इसको बोल सकता है फ्री स्टेट में होते हैं ओके ये ध्यान रखना बच्चा क्योंकि अगर हम बात करते हैं कभी किसी को मिक्स कर दिया कोई अलॉय बना दिया गया या किसी भी तरह की मिक्सिंग शुरू कर दी गई है तो हो सकता है वो लस्टीरियस ना हो राइट right? क्योंकि उसमें उसकी कंबाइन और वो से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं रहती है यहाँ हम इंडिविजुअल मेटल की बात कर रहे हैं एकदम फ्री स्टेट में एकदम फ्रेश माल हमारा मेटल है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा फ्री स्टेट में अगर बात करोगे प्योर स्टेट में बात करोगे तो यस वो लसियस इन नेचर होता है चमकदार होता है स्टील बेटा मेटल नहीं है किसने बोला स्टील मेटल है बिल्कुल सॉफ्ट होता है 100 परसेंट जो आपका गोल्ड होता है बेटा अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की अच्छा यहां पे ध्यान दो यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा समझने वाली बात है कंडक्टिविटी के, के केस में हम दो चीजें पढ़ सकते हैं या तो ये इलेक्ट्रिकल होगा या तो ये क्या होगा बेटा यहां एक चीज समझो हीट को कंडक्ट कर पाएगा या फिर किसको कंडक्ट कर पाएगा बेटा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी को तो अब यहां पे एक चीज समझो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं और थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं राइट यहां पे हम बात करेंगे क्या ये दिख रहा है कलर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरा क्या है आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी राइट

वो देखने वाला सवाल है यहाँ पे अलॉय भी पढ़ेंगे बेटा टेंशन मत लो भागो मत जिस जिस पेस में हम जा रहे हैं जो जो टॉपिक कवर करते जा रहे हैं हम सारे कवर करेंगे आप आई प्रॉमिस आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छूटेगा आप टेंशन मत लो राइट right? तो हम यहाँ पे क्या है कंडक्टिविटी की बात करें थर्म, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो इतना तो दिमाग आप नाम से लगा सकते हो बच्चा कि अगर मैं ये बात कर रही हूं यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो मतलब यहां वाले खेल में कुछ तो रिलेटेड होगा टेम्परेचर से और यहां वाले केस में कुछ तो कनेक्टेड होगा इलेक्ट्रिसिटी से उस तो कनेक्टिविटी होगी होगी डेफिनेटली होगी तो अभी कनेक्टिविटी है किस तरह से वो थोड़ा समझो ये थोड़ा थोड़ा ट्रिकी को, ये थोड़ा ट्रिकी ये है इसको ध्यान ध्यान से सुनो मेरी बात बिल्कुल सुनना थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है थर्मल में अगर हीट को वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंचा पा रहा है तो वी कैन से दैट बिल्कुल आराम से यस इट इज थर्मल कंडक्टिविटी इट इट हैज थर्मल कंडक्टिविटी अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा है तो वी कैन इजली से दैट इट्स इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, राइट अब मुझे सवाल यह है कि कंडक्टिविटी होती कैसे है यह फ्लो होता कैसे है हीट का फ्लो हो गया इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो गया यह हो कैसे रहा है क्या आपके पास इसका आंसर है क्या आंसर है आपके पास इसका फ्लो ऑफ पार्टिकल्स कंडक्टिविटी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट ओके इलेक्ट्रॉन्स से होता है ठीक है ओके ओके फाइन 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 ओके ठीक है तो समझो बेटा बेसिकली हो क्या रहा है यहां पे खेल क्या चल रहा है जब भी हम बात कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी की या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमेशा होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यह हमेशा होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसकी वजह से होती है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी तो अगर हम बात कर सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नॉट थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉरी फॉर माइ स्लिप ऑफ टांग तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिकल थर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो इसका रीजन क्या होता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है हमारे प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं कैरियर्स का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन लिफ्ट देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कि चलो तुमको छोड़ के आता हूं आजा मेरी फरारी में आ रही बैठ जाओ इधर ड्रॉप कर देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन ये काम करते हैं ये एकदम बिल्कुल रैपिड काम कर रहे हैं बैठाते ड्रॉप करते हैं बैठाते ड्रॉप करते हैं ये इलेक्ट्रॉन ने कर दिया अब थर्मल कंडक्टिविटी में भी क्या इलेक्ट्रॉन का ही रोल होता है कोई बताएगा थर्मल इलेक्ट्रिविटी में भी कंडक्टिविटी में भी इलेक्ट्रॉन का रोल होता है क्या सुनील भैया कहा है सुनील भैया आएंगे बिल्कुल आएंगे सुनील भैया लोन मत लो आप लोग सुनील भैया बिल्कुल आ जाएंगे जल्दी आएंगे नेक्स्ट क्लास में वो आपसे मिल लेंगे मैंने पूछा है बच्चा कि थर्मा कंडक्टिव आई एम आस्किंग कि थर्मा कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल होता है क्या नहीं होता है नो ओके ठीक है नो बिल्कुल सही बोला बेटा एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से होता वाइब्रेशन कैसे होते हैं काइंड ऑफ दिस राइट ये हमारे ऐसे हैं दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो पास पास है तो कंटिन्यूसली इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ये क्या है ये वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो ये किसके वजह से होता है अगर बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें बच्चा थर्मल कंडक्टिविटी की तो इसका रीजन होता है एटॉमिक वाइब्रेशन यहां पर रीजन क्या है एटॉमिक वाइब्रेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रोल नहीं है तो आप देख सकते हो किस तरह से क्या हो रहा है इस तरह से वाइब्रेशन आ रहे हैं इमेज में देख पा रहे हो कुछ इस तरह से वाइब्रेशन आ रहे हैं और वाइब्रेशन के थ्रू क्या कर रहा है वो थर्मल कंडक्टिविटी कर रहा है थर्मल को भेज रहा है इस तरह से क्या हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है किस तरह से बढ़ रहा है इस तरह से मान लो यहाँ पे है और यहां तक पहुंचाना है लाइक फॉर एग्जाम्पल यहां तक पहुंचाना है और यहाँ पे है तो इट इज लाइक दिस राइट तो क्या कर रहा है ये इस तरह से इसको वाइब्रेशन से पहुंचा रहा है लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो हमारे आराम से मन मोजी है घूम रहे हैं मस्त ऐसे ऐसे टहल रहे हैं और काम अपना कर रहे हैं अब यहाँ पे सवाल एक्सेप्शन पार्ट इसीलिए आता है ग्रेफाइड हमारा नॉन मेटल है ओके okay? ग्रेफाइट हमारा नॉन मेटल है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर पाता है अब समझ आए वो क्यों कंडक्ट कर पा रहा है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो एक्सेप्शन पार्ट आ गया नॉन मेटल का ग्रेफाइट कर रहे कर फैजल बिल्कुल फास्ट कर रहे हैं बस थोड़ा टाइम दो बेटा चीज बंदे पे पे फोकस करो टाइम मत जाओ आज बैठ गए पढ़ने चैप्टर को तो सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ जब कोई चीज करने शुरू करो बच्चा सारी चीजें हटा दो माइंड से अभी इस टाइम पे यहां पे हैं। हम लोग क्लास में हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास की चीजों पर फोकस करो बिल्कुल कितना क्या हो रहा है बाद में देखेंगे अभी फिलहाल ये चैप्टर जब खत्म होगा ना तो सात नंबर अपने हाथ में होने चाहिए चाहे सीबीएसई कैसा ही पेपर बना दे इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है जब ये क्लास खत्म होगी तो तो बिल्कुल मेरे पे रखो फेथ चैप्टर कंप्लीट करो सारी चीजें समझो अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन पार्ट जो आपका बहुत खतरनाक आएगा वो है डायमंड डायमंड अच्छा बताओ क्या होता है थर्मा कंडक्टिविटी शो करता है कि नहीं करता है डायमंड कौन सी कंडक्टिविटी शो करेगा थर्मल की इलेक्ट्रिक कबीर का नाम लेना है किसका नाम लेना है बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे चार्ट भी प्रोवाइड होगा बेटा टेंशन मत लो अभी फिलहाल समझो चीजों को थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर बेटा अभी जस्ट मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है जैसे ये बड़ा छुटकू सा फ्री इलेक्ट्रॉन है भाग रहा है इसकी वजह से होती है और आपके पास डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है ग्रीफाइड में होता है इसलिए ग्रीफाइड गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का एग्जैक्टली बेस्ट कंडक्टर है थर्मल कंडक्टर बेस्ट थर्मल कंडक्टर है हमारा डायमंड याद रखना डायमंड हमारा बेस्ट थर्मल कंडक्टर है बिल्कुल इसके आगे कुछ नहीं इसके आगे कुछ नहीं सब खाक बराबर कुछ नहीं डायमंड सबसे अच्छा है अगर थर्मल कंडक्टर की बात कर रहे हैं और थर्म, अगर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी तो ये होता नहीं इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से होता है और इसी वजह से डायमंड क्या है सबसे अच्छा कंडक्टर है थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है अब अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स नॉन मेटल है एक्स हमारा ही क्या है बेटा एक तरह से अब मान लो इट इज आर नॉन मेटल तो जब ये नॉन मैटल है तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमारा एक्स हमारा नॉन मैटल है तो उसके पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सही बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो बताओ जल्दी से क्यों इतना दुखी क्यों हो रहे हो बच्चा इतना दुखी नहीं होते खुश रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं मान रही हूं आप मिस कर रहे हो पक्का टेंशन मतलब आज काम चला लो बेटा अभी तो आ गए हो ना क्लास में पढ़ लो ठीक है बुला देंगे सर को ही बुला देंगे तो यहां पे क्या है नॉन मैटल है अब नॉन मैटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन तो इनके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन तो ये नीडी होते हैं इलेक्ट्रॉन के इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है दे आर वेरी नीडी ओके okay, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई अब मोस्टली अगर हम देखते हैं यहाँ पे चार्ट पे आते हैं मेटल नॉन मेटल का देखो यहाँ पे चार्ट पे देखो अभी आपको चार्ट चाहिए था ना तो यहाँ पे चार्ट में आते हैं और एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज फिर से रिवाइज करते हैं फाइनली फिजिकल प्रॉपर्टी डन हो जाएगा हमारा तो अगर यहाँ पे हम ध्यान देते हैं बच्चा सबसे पहले बात कर रहे हैं हार्डनेस की हार्डनेस का मतलब है सख्त एकदम मस्त इसमें हम कुछ भी कर इसको घीस ले खरोच दे कुछ नहीं होगा एकदम रफ एंड टफ सुनील पाजी सुनील पाजी बोल रही सॉरी सनी पाजी आई एम सॉरी सनी पाजी ओके okay? तो बिल्कुल वैसा ही है कि यहां पे क्या है वो बिल्कुल रफ एंड टफ एकदम रफ एंड टफ है अब हार्ड होते हैं जनरली मैटर्स नॉन मैटर जनरली सॉफ्ट होते हैं जनरली मेंशन किया गया है याद रखना जनरली मेंशन क्यों किया गया है मजा नहीं आ रहे थे ज्यादा इंग्लिश लिखने के लिए जनरली मेंशन करने का रीजन ये है बच्चा कि एक्सेप्शन अवेलेबल है जब तक एक्सेप्शन अवेलेबल है तो यहां पे महाराष्ट्र ओके बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा एनी कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे लोड मत लो। अब सर को बता मत देना मैंने ऐसे बोल दिया गलती से बोल दिया है, ठीक है चीजों को पकड़ के नहीं बैठते बेटा भूल जाते हैं ठीक है चलो जनरली हार्ड होंगे और जनरली सॉफ्ट होंगे एक्सेप्शन पार्ट यहां पे भी अवेलेबल है अगर हम बात करते हैं हार्डनेस केस में तो हमारे पास सोडियम हो गया लिथियम हो गया लिथियम हो गया सोडियम हो गया पोटेशियम हो गया ये सारे क्या है सॉफ्ट मेटल हैं इनको आराम से हम लेके आएंगे चाकू और आराम से काट लेंगे बहुत सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट है एकदम सॉफ्ट है तो इनको आराम से काटा जा सकता है अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हार्डनेस के केस में तो मोस्टली हमने ये पढ़ा है कि सॉफ्ट होते हैं लेकिन हमारे पास डायमंड का एग्जाम्पल भी तो प्रेजेंट है हार्डनेस सबसे भी तो प्रेजेंट है तो ये हमारा डायमंड हो जाएगा एक्सेप्शन पार्ट इसका राइट दिख नहीं रहा है पेन रुको लिथियम सोडियम पोटेशियम ये तो दिख रहा होगा ना ये पेन दिख रहा है ना अभी भी नहीं बोले एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद ठीक है एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद चल रहे हैं यहां पे, अब यहां पे आते हैं बच्चा लस्टीरियस की बात करते हैं मतलब चमकदार तो देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है लस्टीरियस जनरली वनर कुछ मैंशन नहीं किया लस्टीरियस लस्टीरियस है यहां पे क्या है नॉन लस्टीरियस है नॉन लस्टीरियस चमकते नहीं है अब चमक की बात आ गई यहां पे तो चमक के भी केस आ जाएगा अब क्या कर सकते हैं तो प्योर स्टेट में बात कर रहे हैं यहां पे इसकी बात कर रहे हैं याद रखना ये प्योर स्टेट की बात हो रही है चमकते हैं रिफ्लेक्शन कब देते हैं जब प्योर स्टेट हो गए या फ्री स्टेट में होंगे इनमें कुछ मिक्स करके अगर कर बना दिया गया है तो वहां पर लस्टीरियस होने की कंडीशंस डिपेंड करती है ये नहीं बोल सकते कि पक्का वो लस्टीरियस होंगे ही इन नेचर ग्रेफाइट, ग्रीफाइड ग्रिफाइड भी है बेटा उसके अल, वो अलग जगह एक्सेप्शन है हर जगह पे सेम एक्सेप्शन नहीं होगा राइट तो यहाँ पे क्या है अलग एक्सेप्शन पार्ट होंगे तो यहाँ पे आगे आते हैं इसमें हमारे पास आयोडीन है आयोडीन मस्त चमकदार होता है शाइन मारता है एकदम जब बड़े हो जाओगे ना लैब में जाओगे तब देखोगे चमकता है आयोडीन अच्छा खासा चमकता है अब मेलीबिल्टी की बात कर रहे हैं तो मेलीबिल्टी का मतलब क्या है बेटा जो अगर हमने फोर्स लगाया दोनों तरफ से तो वो एकदम शीट का फॉर्मेशन कर दे तो वो क्या है मेलेबल इन नेचर है तो अगर हम मेलेबल की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो हमारा बेचारा मर्कुरी है वो मेलेबल तो होगा नहीं क्योंकि वो तो लिक्विड स्टेट में है तो मेलेबल कैसे हो सकता है और अगर हम बात करते हैं नॉन मैटल्स की तो नॉन मैटल नॉन मेलेबल इन नेचर होते हैं वो नहीं होते हैं मेलेबल इन नेचर अब बात करें डक्टिलिटी की डक्टिलिटी कैसे बन रहा है फॉर एग्जाम्पल डक्टिलिटी कैसे बनेगा हमने ये लिया मैटल राइट right? ये हमारा मेटल मैटेरियो पकड़ा दोनों तरफ से उसको बोला खींच दिया एक हाथ ऊपर खींचा एक हाथ नीचे खींचा इस तरह से फोर्स लग रहा है राइट right? ऊपर और नीचे ये दो तरह से फोर्स लग रहा है तो इससे क्या हो रहा है वायर का फॉर्मेशन और एकदम थिन वायर बनता चला गया है तो थिन वायर तब बन रहा है जब उसके पास क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी खासी उसको खींच रहे हैं तो तार बन रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कोई भी कोई भी सब्सटेंस हम खींच रहे हैं और जस्ट टूटने से पहले की उसकी जो शक्ति होती है या स्ट्रेंथ होती है उसको हम उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं यहां पे मैम वाटर क्या बोल रहे हो फास्ट 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 मैम करते फास्ट फास्ट बिल्कुल फास्ट फास्ट फास करते हैं ऐसे, ऐसे 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 उड़ा देंगे चैप्टर को ठीक है फिर ऐसे 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 सेवन मार्क्स भी उड़ जाएंगे आपके आराम से चलो ना बेटा किस बात की जल्दी है शादी में जाना है क्या किसी अभी एग्जाम है अभी कुछ नहीं करना है अभी सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है अभी से ब्रेक अभी से ब्रेक अभी अभी टाइम ही कितना हुआ है बेटा अभी से ब्रेक लोगे कैसे चलेगा का काम एग्जाम में जाओगे कहोगे अरे मैं तो थक गया अरे बाबा ब्रेक दे दो ब्रेक नहीं मिलेगा वहां तीन घंटे का पेपर है अगर डक्टिलिटी की बात करें तो उसे खींच के हम वायर बना रहे हैं तो ये डक्टाइल इन नेचर है तो यहां भी एक्सेप्शन पार्ट आपका ही आ जाएगा क्योंकि मर्कुरी डक्टाइल नहीं होता है अगर हम बात कर रहे हैं नॉन मैटर की और डक्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो नॉन डक्टाइल होते हैं नेचर लेकिन एक कार्बन फाइबर होता है आपके पास आपके पास एक कार्बन फाइबर होता है वो डक्टाइल इन नेचरों से वायरस बनते हैं अब स्नोरस की बात करो स्नोरस होता क्या है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होना टन से जो आवाज आती है ना टन से जो आवाज आ रही है ना मेटल को जब हम लोग मारते हैं ऐसे ऐसे करते हैं और भी टन से आवाज आती है देखो प्लास्टिक है तो कैसी आवाज आ रही है राइट right? इसमें से आवाज टना नहीं रहा है तो नहीं रहा है तो वो स्नोरस नहीं होगा जो टंटनाएगा वही स्नोरस होगा स्नोरस का मतलब क्या है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना टंटनाहट हाँ प्रोड्यूस करना तो यहां पे अगर आप देखोगे जो नॉन मैटर्स होते हैं वो स्नोरस नहीं होते हैं और यहां पर आपको स्नोरस मिल जाएंगे नेक्स्ट में चलते हैं ओके साउंड रिंगिंग साउंड रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होना बेटा बिल्कुल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होना अब बात कर रहे हैं मेटल्स की गुड कंडक्टर्स होते हैं क्यों होते हैं गुड कंडक्टर देखो एक बात समझो हमने क्या पढ़ा था मेटल्स क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल्स बोला था कि नहीं बोला था मैंने जल्दी बताओ सेम है रिद्धिमा हेलो आशु लेट हो गए हो क्या क्लास में मत बताना प्लीज हाय मनोज ले लिया आपका नाम अब देखो यहां पे जल्दी जल्दी देखो बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको अपना ब्रेन दे दूंगी लेकिन फिर आप केमिस्ट्री कर पाओगे बाकी सब्जेक्ट में फिर आपका बेड़ा कर गए बाकी सब्जेक्ट कैसे करोगे <laughs> राइट तो यहां पे बात आ रही बेटा कंडक्टिविटी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है क्यों क्योंकि दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था के बाद टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की जब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री घुमा सकता है वो इधर उधर राइट टेंडेंसी तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घुमा घुमा सकता सकता है जब सकता है जब तो डेफिनेटली वो वही जो इलेक्ट्रॉन उसने निकाला है वो कहेगा चल 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 घुमा के लाते हैं तो वो घुमा के ले आएगा इलेक्ट्रिसिटी को तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जनरली जो नॉन मैटर्स होते हैं पुअर कंडक्टर्स होते हैं एक्सेप्शन पार्ट्स आर है, है क्योंकि तो पास क्या है दैट इज ये है हमारा ग्रेफाइड क्या आपको ग्रेफाइड दिख रहा है स्ट्रेट यहाँ पे फ्लोर पे या स्क्रीन पे सॉरी फ्लोर पे तो मैम दिख रही होंगी स्क्रीन पे हाँ बेटा डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो जहां पे क्लोजली पैक्ड नहीं होगा बॉन्डिंग ज्यादा नहीं होगी क्लोज वहां पे डेंसिटी लो हो जाएगी ऑटोमेटिकली दैट्स अ रियल फैक्ट क्लास कब तक चलेगी क्लास बहुत लंबी चलने वाली बेटा रेडी हो जाओ बिल्कुल तैयार बैठ जाओ क्लास बहुत लंबी होने वाली है अब यहां पे बात आ रही है थर्मल कंडक्टर्स की थर्मल कंडक्टर का मैंने क्या अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी होती कैसे जल्दी बताओ थर्मा कनेक्टिविटी होती कैसे बताएंगे बेटा रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज में बताएंगे कैसे याद करनी है रुक जाओ रुको जरा सबर करो चीजें पढ़ो आगे पर भागो आगे भागोगे पीछे की गाड़ी छूट जाएगी समझ लो अभी जिस जिस ट्रेन में हो उस ट्रेन में रहो आगे की ट्रेन में मत जाओ एग्जैक्टली exactly. तो वहां पे क्या है वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है वाइब्रेशन हो रहे हैं इस तरह से यहां पे क्या इस तरह से वाइब्रेशन होंगे तो वो क्या हो रहा है थर्मल इधर से उधर जा रहा है तो यहां पे अगर आप देखोगे थर्मल कंडक्टर जनरली पुअर होते हैं लेकिन डायमंड है अपने पास हीरा अपना बैठा हुआ है यहाँ पे जो कि बहुत अच्छा थर्मल कंडक्टर है हमारे पास है डायमंड राइट जो कि बहुत अच्छा थर्मल कंडक्टर है अगर हम बात कर रहे हैं मैटर की तो यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल है वो है लेड ये हमारा क्या है लेड है

बिखर गया ब्रिटल का मतलब क्या है वो एकदम सॉफ्ट है उनको हमने दबाया और जैसे दबाया वो टुकड़े टुकड़े होकर हाथ में आ गया तो वो क्या हो गए ब्रिटल इन नेचर हो गए हैं तो अगर हम नॉन मैटर की बात कर रहे हैं राइट हम नॉन मैटर की बात कर रहे हैं और यहां पे मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो डायमंड आपका एक्सेप्शन पार्ट हो जाएगा डायमंड बेटा ऐसी चीज है जो तो नॉन मैटर में रह के बिना नॉन मैटर का सगा नहीं है वो अपनी अलग ही प्रॉपर्टी दुनिया में चलता है कहता है मैं हूं अश्व धामा सब मेरे हिसाब से होगा तो डायमंड सारे एक्सेप्शन में आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम पे आप देखोगे तो हर्ष हाय बेटा हर्ष अभी क्लास पढ़ लेते हैं बिल्कुल 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 जल्दी से पढ़ते नॉर्मैट मैटर्स तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी हो गई हैं अब एक चीज याद रखो बच्चा क्योंकि हमने सबसे पहले एक चीज देखी थी वो थी सीजियम की लाइक गैलियम एंड सीजियम की तो जनरली हाई होते हैं लेकिन हम बात करते हैं गैलियम एंड सीजियम की तो वो एक्सेप्शन पार्ट में आ जाता है क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होता है इवन हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम होता है राइट right? हमारे बॉडी टेम्परेचर से मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो अगर हम बात करते हैं गैलियम की अच्छा आपको दिखने रहा होगा ये राइट हमारा रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस अब हम बात करते हैं गैलियम की गैलियम हमारे पास मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो कितना होता है वो 29 अराउंड अराउंड 29.4 होता है डिग्री सेल्सियस में राइट ट्वेंटी ट्वेंटी होता है सॉरी 29.7 डिग्री सेल्सियस है तो डेफिनेटली हमारे बॉडी के टेम्परेचर में तो मेल्ट हो ही जाएगा हमने हाथ में लिया पिघल गया आज ब्रेक अभी नहीं बेटा प्लीज अभी नहीं राइट अभी हम लोग को कंप्लीट करने दो तो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगा फिर आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू वन शॉर्ट ब्रेक उसके बाद हम लोग मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेटलर्जी में एनर्जी चाहिए आपको इसलिए आई गिव दैट ब्रेक दैट टाइम जब आपको चाहिए होगा राइट तो यहाँ पे सीजियम का और गैलियम का अगर बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो ये भी एक्सेप्शन पार्ट में आते हैं नेक्स्ट अब चलते हैं हमारा फाइनली जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो कंप्लीट हो चुकी है अब कैसे याद रख सकते हो उनकी प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे है मेटल दैट इज मेलेबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर थर्मल कंडक्टर अलॉय फॉर्मिंग में इसका यूज किया जाता है मेटल अलॉय में क्या होता है दो या दो से ज्यादा मेटल वेन वी मिक्स विद द मेटल और द नॉन मेटल देन वी गेट द अलॉयस तो अलॉयस में भी मेटल का यूज होता है दो नॉन मेटल मिक्स भी अलॉय करता है एक मैटल चाहिए ही चाहिए वहां पे तो अलॉय फॉर्मिंग में यूज होता है लस्टीरियस होता है एंड स्नोरस इन नेचर होता है टंटना टन टन तारा तो यहां पे क्या होता है बेटा टन टंटन साउंड राइट इट इज टंटन साउंड

तो दोनों की प्रॉपर्टी रख रहे हैं एग्जाम्पल आपके पास यहां पे आ गए हैं कुछ ही है जो याद रखने हैं ज्यादा याद नहीं रखना है ऐसा कुछ याद रखने की चीज नहीं है बस तो थोड़े से आपको पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन तो अभी तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी डन हो गई है क्या अभी तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है जल्दी बता दो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरी जल्दी बोलो ओके एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन राइट चलो आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल जवाब राउंड करें रेडी हो सब लोग सवाल जवाब राउंड करिए रेडी हो जल्दी बताओ डन है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है प्लीज रीड द क्वेश्चन आंसर ऑन द बॉक्स जल्दी जल्दी से बेटा ये क्वेश्चंस आपके टॉपिक से रिलेटेड जो हमने कवर किया है फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जल्दी बताओ बेटा क्या है थैंक यू गौरी हाय बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया बच्चा श्रे आई थिंक श्रेज फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुका है बेटा आप कैमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉपर डी ओके तो पहला क्वेश्चन है देखो 2015 में आया हुआ है ये ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के बेटा कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल नहीं आया होगा सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में हम राइट तो यहां पे क्वेश्चन था 2015 में इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट गोल्ड गोल्ड आ गया हीट का कंडक्टर कहां से गोल्ड कहां से आ गया गैलियम कैसे अच्छा ठीक yes, है आगे क्या क्या आंसर दे रहे आप लोग अ वेरी लो मेल्टिंग बोल सकते हो आप राइट right? इसके बाद अगर आओगे डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट लो टेम्परे लाइक हाई टेम्परेचर दैट इज गोल्ड और प्लैटिनम वो रिएक्ट नहीं करते हैं तो गोल्ड और प्लैटिनम बोल सकते हो आप मोस्ट डकटाइल मोस्ट डक्टाइल आप सिल्वर बोल सकते हो बेटा यहाँ पे या गोल्ड बोल सकते हो गोल्ड को बोलोगे गोल्ड या सिल्वर को बोलोगे राइट right? बिल्कुल 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 और इट्स योर बर्थडे हैप्पी बर्थडे बेटा नाम तो मैं नहीं देख पाई बट स्टिल हैप्पी बर्थडे तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है राइट right? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते पढ़ते हम एक चीज पढ़ेंगे जो आपको बोनस में मिलेगा पता है आपको क्या मिलेगा बोनस में केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ोगे तो आपको कुछ बोनस मिलेगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग कुछ आइडिया है कौन सा बोनस पॉइंट मिलेगा यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको नहीं पता तो बेटा जैसे जैसे हम अपने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी खत्म करेंगे वैसे वैसे हमारे पास एक सीरीज रेडी हो जाएगी जिसको हम जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से पांच रुपए मिलेंगे बड़े इतने सारे बच्चे सबको पांच रुपए देंगे मैम तो गरीब हो जाएंगे मैम मेटल नहीं है ठीक है मैम मेटल नहीं है मैम मेटेलॉयड बोल सकते हो बीच में है मेटल भी नहीं है नॉन मेटल भी नहीं है में है एक बार मैले बीर्ची बताना ऐसा कुछ बोलाया गया किसी ने अरे बेटा अभी तो शुरू हुआ है अभी से ब्रेक ले लोगे क्या ऐसे नहीं चलेगा मैं ये वाला नहीं खेलूंगी आप लोग के साथ ब्रेक ब्रेक नहीं चलेगा अभी अभी पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है तो अब बेटा यहां पे क्या है जब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो धीमे धीमे हम क्या करेंगे जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स थे उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस में हम उनको जज कर सकते हैं जज नहीं करते बट यहां हम उसको जज कर सकते हैं कैसे हाई पीयूष बेटा जल्दी जल्दी ले कर लेते हैं I'll, I'll अभी क्लास में फोकस करो बेटा मैथ्स की क्लास नहीं है सर कैसे आएंगे सोचो मैथ्स की क्लास होगी तब सर भी आएंगे केमिस्ट्री क्लास में सर कैसे आएंगे चलो तो बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं करेंगे कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ेंगे -मैटर को करेंगे। -मैटर की क्या हम पढ़ेंगे वाटर के साथ रिएक्शन एसिड के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नॉन मैटर के साथ रिएक्शन ये सारी चीजें हम आज कवर करने वाले हैं आज अभी इसी क्लास में तो रेडी हो ओके पीयूष ओके चलो बढ़िया है great, 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 guys. चलो अभी स्टार्ट कर ले बिल्कुल तो बेटा पहला हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से जब ऑक्सीजन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग मैटर से तो एक चीज समझो वेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन राइट वेन आ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब हमारी एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेटा एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस आई होप यू नो दैट राइट आई होप यू नो दैट दैट एयर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस बट हम अब क्या बात कर रहे हैं जब एयर की प्रेजेंट एयर में जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन रियक्ट करेगी राइट right? वो ऑक्सीजन रियक्ट करेगी किसके साथ मेटल के साथ तो हमें क्या मिलते हैं मेटलिक ऑक्साइड्स मिलेंगे राइट right? हमें क्या मिलेंगे मेटलिक ऑक्साइड्स मिलेंगे अगर हम बात करें यहां पर राइट यहां पर मेटेलिक लिया था अब खेल कहां पे आ रहा है बेटा इनका नेचर पे खेल आएगा राइट मेटलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है कोई बता सकता है मेटलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है कोई बताएगा एग्जैक्टली सबने बोला है बेसिक सबने बोला है बेसिक वेरी गुड बेटा ठीक है अभी के लिए इसको रखते हैं आपकी इंफॉर्मेशन है अभी तक आपने बोला बेसिक होता है मैंने मान लिया मैंने बेसिक लिख दिया है बाद में बारे में बात इसके बारे में बाद में बात करेंगे ठीक है तो अब बेटा क्या होता है जब रिएक्शन करवाते हैं मैटर की तो ऑक्साइड बनते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलो चलो पता है आप लोगों को वेरी गुड आपको पता है एम्फेटेरिक भी बोला जा रहा है that's really good, आपको पता है इसका मतलब ओके okay? तो यहां पे बेटा हम बात कर रहे हैं मेटल तो जब रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है हमने क्लास ए तक पढ़ा था कि वो बेसिक इन नेचर होता है डेफिनेटली बेसिक इन नेचर होता है बट वो एम्फेटेरिक भी होता है

चलता है दोनों पैर चलता है तो, तो एम्फिटेरिक भी होते हैं राइट एम्फिटेरिक भी होते हैं बिल्कुल 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 बच्चा तो यहां हैं मैग्नीशियम की जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बनाता है क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड अब मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ना ऑक्सीजन से तो एक लेयर भी क्रिएट करता रहता है हम जब भी यूज करते हैं लैब में मैग्नीशियम रिबन को हम जब भी यूज करते हैं जलाने के लिए तो हम उसको हमेशा क्या करते हैं क्लीन करते हैं रब करते हैं सैंड पेपर होता है ना उस सैंड पेपर से उसको अच्छे से रब करते हैं उसको एकदम शाइनी बनाते हैं क्यों क्योंकि जो उसके ऊपर की लेयर होती है ना वो हमारे रिएक्शन में उस तरह के प्रोडक्ट बनाने में क्या करती है इंटरफेरेंस क्रिएट करती है तो हम उसको क्या करते हैं एकदम क्लीन करते हैं पहले बिल्कुल बुला रहे बेटा टेंशन मत लो अभी बुलाते हैं को फोन करके बुला लेते हैं ओके okay? अब यहां पे देखते हैं इसके आगे देखते हैं क्या हो सकता है अभी तक नहीं पढ़ा तो क्या करे बेटा अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ाई कर लो अभी टाइम है अभी दूर नहीं है राइट दिल्ली अभी दूर नहीं पढ़ लो तो यहां पे क्या है वन मैग्नीशियम हमारा मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड स्टेट में रिएक्ट करता है हमारे ऑक्सीजन के साथ है हमारा गैस स्टेट में हमें तो बना के देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड हीट भी निकलती है याद रखना बेटा यहां में हीट भी निकलती है अगर हम इसको करेंगे बैलेंस तो ये कुछ इस तरह से आएगी राइट तो यहां पे इस तरह से रिएक्शन क्या हो रही है आपकी प्रोड्यूस हो रही है बन रही है और लाइट भी आएगी और लाइट कैसी बनेगी बेटा यहां पे हीट प्लस लाइट डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम आती है राइट दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम दार्जिलिंग व्हाइट स्माइल सुना है ना तो ये दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम है दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम एकदम जग वहा के साथ जगती है जलती है ये तो यहाँ पे क्या डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम आ रही है आपके पास ओके okay, चलो तो ये समझ आ गया, गया बेटा अभी हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ली आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पता था कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर आपके पास बेसिक भी होता है और एम्फेटरिक भी होता है एम्फेटेरिक क्या होते हैं वो सामने से जैसा भी उनके साथ आता है रिएक्शन करने उस हिसाब से अपने प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं सामने से बेस आ गया है तो एसिड की तरफ रिएक्ट कर जाएंगे सामने से एसिड आ रहा है तो आजा बेस रिएक्शन कर जाएंगे अच्छा एक सवाल है आपके लिए एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं जल्दी से है बताओ एक्टलीशन और न्यूट्राइजेशन रियाक्शन भी right? तो तो मैग्नीशियम पास, पास है? है, है आपके पास सिल्वर है लेड है, है तो ये क्या करते हैं बेटा एक तरह से एक तरह की लेयर क्रिएट करते हैं राइट right? एक तरह की लेयर क्रिएट कर रहे हैं ध्यान दो प्रोटेक्टिव लेती है जो की अनरिए राइट प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो अनरियाक्टिव नेचर होती है जिंक है बेटा ये एयर नहीं है इट इज जिंक ओके जिंक क्या करता है एक लेयर क्रिएट करता है अपने चारों तरफ जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया एक लेयर क्रिएट कर दिया अब लेयर क्रिएट हो गई लेयर छिपक चुकी है टूटकर गिरने है, है रही है बिखरने रही है आयरन के केस में जो लेयर होती है वो बिखर के गिरने लगती है जब उसने लेयर बनाई आयरन ऑक्साइड की वो निकल के गिरने लगती है तो सरफेस फ्री हो जाता है आगे रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए बट इस केस में क्या होता है लेयर चिपक गई है एकदम चिपक गई है से गोंद लगा के और फिर वो नहीं निकल रही है तो वो एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का, का काम करती है और वो फर्दर रिएक्ट नहीं करती है एक बार रिएक्ट कर गई उसने सेव कर दिया अपना काम हो गया एकदम शील्ड बन के खड़े हैं अपने किसी को कुछ नहीं होने देंगे लेकिन वो खुद भी ना करी प्रोटेक्ट और कर रही है ये अच्छा काम करते हैं ये लोग अब अगर हम बात करें एक चीज को जो भी आपने बता दिया कि ऐसा नहीं होता है आई एम फिटरिक भी होता है नेचर में और आई एम वेरी हैप्पी गाइड दैट यू नो दीज डिटेल्स आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि आपको ये सब पता है एग्जाम में कभी ऐसा कुछ आया तो आपको हेल्प रहेगी आपको आते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं मतलब एम्फिटेरिक क्या होते हैं जो एसिड से भी और बेस से भी रिएक्ट करते हैं और सोल्ट का प्रोडक्शन करते हैं वॉटर का अब आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वॉटर ही तो प्रोड्यूस होता है अगर हम बात करें न्यूट्राइजेशन रिएक्शन की तो ये क्या बनाते हैं बेटा अगर हम न्यूट्राइशन रिएक्शन की बात करें तो वो बना रहे हैं सॉल्ट और पानी और हमारे पास एम्फेटेरिक ऑक्साइड कौन से मेटल्स की होती है वो सबकी नहीं होती है बेटा ये मत बोला कि सारे मेटल्स की ऑक्साइड जो एम्फेटेरिक होगी नहीं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है वो आपके पास गिवेन है जैसे कि जिंक की हो गई राइट अल्मोनियम की मोस्ट कॉमन होती है जो आप हमेशा देखते हो अल्मोनियम की मोस्ट कॉमन है यहाँ पे हमेशा एग्जांपल आप जब भी देने को आता है तो आप अल्मोनियम वाले उठा के चिपका देते हैं अमोनियम ऑक्साइड का एग्जांपल चिपकाते हैं हम लोग तो यहां पे फिर से करते सवाल जवाब रेडी हो सवाल जवाब लिए रेडी है गाइस ओके क्रिस्टल क्लियर है सब कुछ बढ़िया है तो मेरा यहां पे अगर बताओ व्हाट इज मेंट बाय द एम्फेटेरिक ऑक्साइड्स वो तब अभी जस्ट पढ़ा है जस्ट अभी पढ़ा है अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें से कौन सी ऐसी है जो एम्फेटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे अभी जस्ट पढ़ा है जल्दी जल्दी आंसर दो देखते हैं कितनी जल्दी आप कोई आंसर दे पाते हो ये आपका आया था 2014 में क्वेश्चन आ चुका है इनमें से कौन से कौन से ऐसे हैं मेटल के ऑक्साइड जो एम्फेटेरिक ऑक्साइड देंगे मतलब नेचर में एम्फेटेरिक होंगे ओके हमने बोला एल्यूमिनियम बिल्कुल और किसने क्या क्या बोला है ज़िंग बोला है ओके और किसी को कोई और आंसर ठीक है बच्चा तो यहां अगर आप ध्यान दोगे, मैंने बताया था आपको कि ये है जिंक एल्मोनियम राइट right? ये क्या कर रहे हैं मोस्टली आपके एम्फेटेरिक नहीं याद है, इतना बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मैटल कैटेगरी में, तो हम में हमेशा जो भी होगा क्योंकि राइट तो जनरली बोलेंगे हम लोग जब भी ऐसा कोई कंफ्यूजन आया ना कि हाँ तो जनरली यूज करते हैं हम लोग हमेशा क्या करते हैं जनरली यूज करते हैं कि हाँ हो सकता है जनरल अब सवाल जवाब का भी राउंड का आपने दे दिया अब अगर लो टेम्परेचर लो हीटिंग की बात की जा रही है राइट डिटेल में डिटेल में तो पढ़ रहे बेटा इस सारा डिटेल में क्या पढ़ोगे इस सारा इस डिटेल क्या पढ़ोगे बेटा ये बताओ मुझे इस सारा डिटेल कैसे पढ़ाया जाएगा ओके तो अब यहां भी बात कर रहे हैं बेटा टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और हमारे पास मेटल दे दिया है तो अच्छा एक बार बताओ देखा है कभी सोडियम और पोटेशियम को कैसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं क्यों रखते हैं उनको उसमें चलिए बताओ क्यों रखते हैं उसको कैरोसिन ऑयल पे सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर किया जाता है सो दे रिएक्ट सराउंडिंग्स राइट बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर तो अगर तो हम बात करते हैं सोडियम एंड पोटेशियम की सोडियम एंड पोटेशियम की अगर हम बात करेंगे बच्चा तो दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं धुआंधार रिएक्शन देते, देते हैं विघ्रस रिएक्शन देते हैं विग्रस का मतलब क्या है बहुत जल्दी बहुत खतरनाक तरीके से दे रहे हैं रिएक्शन तो दे रियक्ट वेरी विग्रेसली वेरी विग्रेसली बोल रहे हैं तो अब ये इनके लिए हमें टेम्परेचर देना नहीं पड़ेगा ये सेल्फ सफिशियंट है इनको हमें कोई भड़काने की जरूरत नहीं है अपने आप ही आग लगा लेंगे ये ऐसे लोग हैं कि अपने आप ही आग लगा लेंगे और हमें कुछ नहीं करना है तो ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये तो हीट करेंगे और ये आराम से धुआं धुआर काम लगा देंगे हीट के बिना भी कर लेंगे थोड़ा सा भी हीट किया तो जलने लग जाएंगे तो हमें यह पता चल गया कि सोडियम पोटेशियम तो बहुत रिएक्टिव है तो सोडियम पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर राइट दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर तो इसलिए लो टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाते हैं तो यहां पे अगर बात करे जाएगी बेटा कि स्ट्रांगली हीटिंग दी जा रही है बहुत स्ट्रांग हीटिंग दी जा रही है मतलब एकदम खतरनाक तरीके से गर्म कर रहे हैं जला दिया बिल्कुल ही फूक दिया तो यहां पे अगर हम बात करेंगे बच्चा तो यहां पे प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा तो ये कुछ प्रोडक्ट्स जो बनेंगे ऑक्साइड्स होंगे डेफिनेटली ऑक्सीजन से रिएक्ट किया है तो मेटल के ऑक्साइड ही बनेंगे नो डाउट तो यहां पे वही बने बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम है आपका ना बच्चा ये रिएक्शन दिखाएगा ही नहीं डू नॉट react. इट विल नॉट रिएक्ट इट विल नॉट रिएक्ट प्लैटिनम, गोल्ड अगर बात कर रहे हैं सिल्वर की तो रिएक्शन ही नहीं देते हैं यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं हमें ये पता है कि जो हमारा पोटेशियम एंड सोडियम है, इस वेरी रिएक्टिव इन नेचर ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है तो हमें ये पता है सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी किसको देनी है रिएक्टिविटी के बेसिस में अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पोटेशियम और सोडियम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे जब पापा बैठे हैं तो छोटे पापा कहाँ से आएंगे तो ये तो बहुत रिएक्टिव है अब नीचे आते हैं कैल्शियम है मैग्नीशियम है एल्मोनियम है जिंक है आयरन है लेड है कॉपर है अब इनमें अगर हम बात करें बेटा तो वाइड फ्लेम आ रही है यहां पे फ्लेम आनी बंद हो गई है तो हमें यह पता है कि ये भी कम रिएक्ट करेंगे या स्पार्कल्स आ रहे हैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल स्पार्कल पर फ्लेम नहीं आ रही है स्पार्कल आ रहे हैं बट फ्लेम नहीं आ रही है और यहां पे हमें फ्लेम मिल रही है हमने इस वाली कैटेगरी को तो बिल्कुल अलग कर दिया राइट पोटेशियम और सोडियम की कैटेगरी को बिल्कुल अलग कर दिया बहुत फास्ट रिएक्शन शो कर रहे हैं एकदम फटाफट रिएक्शन दे रहे हैं क्योंकि बेटा ये वेरी दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर तो अगर इनको खुले में रखेंगे ना तो ये आग पकड़ लेते हैं और बहुत लाइक बोलते हैं विगरसली रिएक्ट करते हैं तो अगर आपने कहीं खुला रख दिया सोडियम और आप वहां पे हो तो इट वेरी रिस्की फॉर यू बहुत रिस्की होता है इसलिए अब बात करते हैं बाकियों की अगर बाकी चीजों की हम बात कर रहे हैं बेटा बाकी यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी क्या नहीं होगी तो यहाँ पे हम बात करें विगरस रिएक्शन तो देंगे लेकिन यहाँ पे एकदम मॉडरेट रिएक्शन होगी यहां पे एकदम मॉडरेट रिएक्शन शो होगी याद रखना इस बात को राइट right? समझ आ रहा है सब कुछ बेटा एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर कोई किसी को दिक्कत आ रही है बताओ जल्दी किसी को कोई दिक्कत ठीक है क्लियर है ओके हाय पुष्पा तो बेटा तो हम कैल्शियम मैग्नीशियम अल्मोनियम की बात कर रहे हैं तो ये क्या है विगरेसली रिएक्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में दो की तो बात ही हटा दो वो तो टॉपर्स हैं उनकी तो बात ही हटा देते हैं बाकी में कंपेरिजन लेके आते हैं जिंक की अगर बात करेंगे तो मॉडरेटली रिएक्ट कर रहा है राइट राइट right? और ये जो है हमारे पास कैच है जब हम बहुत ज्यादा हीट कर रहे हैं राइट right? ये विगरसली कर रहे हैं बाकी नीचे वाले तो कर नहीं रहे अब हमें इतना पता है बेटा यहां से हमें क्या पता चल गया कंक्लूजन क्या निकल गया यहां पे राइट right? यहां से हमें क्या मिला यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि कैल्शियम मैग्नीशियम अल्मोनियम से ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम मतलब एक ग्रुप ए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फिर ग्रुप बी रिएक्टिव है फिर ग्रुप सी रिएक्टिव है लेकिन अब इस ग्रुप में कौन लीडर बनेगा वो नहीं पता हमें हमें ग्रुप पता चल गए हैं लेकिन ग्रुप का लीडर कौन है वो सीक्वेंस समझ नहीं आया अभी तक जब तक हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई है तो हमने कहा यार अब लीडर तो ढूंढना पड़ेगा अब क्या करें इलेक्शन तो करा नहीं सकते तो हमने कहा ठीक है देखते हैं तो यहां पे रिएक्शन हो गया वाटर से हम कर रहे हैं पानी से रिएक्शन अब पानी से जब रिएक्शन होती है बेटा तो क्या करता है मेटल जब पानी से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटलिक ऑक्साइड मेटलिक ऑक्साइड बनाता है और वो पानी में जब डिजोल्व होती है जब पानी में डिजोल्व होती है तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन बढ़ती है और इसी से प्रूव होता है यहीं से प्रूव होता होता है 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 कि जो ऑक्साइड होती है, उनका नेचर बेसिक मोस्ट ऑफ द टाइम राइट मोस्ट ऑफ द टाइम देयर बिहेवियर और देयर नेचर इज बेसिक बिकॉज व्हेन वी डाइल वेन वी डिजोल्व द ऑक्साइड इन वाटर वी गेट द हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड तो बेस होते हैं आपको पता है <coughs> हाइड्रो हाइड्रोक्साइड तो बेस होते हैं आपको बात बहुत अच्छे से पता है तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन गए हैं तो अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए हो जो हमारे बेसिस है मतलब जो हमारे ऑक्साइड बने हैं मतलब इनका नेचर बेस है बेसिक है वो वाटर सोलबल होंगे तभी तो हाइड्रोक्साइड बनेगा अगर पानी में घुलेंगे ही नहीं तो कहाँ से हाइड्रोक्साइड बनाएंगे सोच के बताओ तब तो हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा ना प्रोडक्ट हमारा बेटा हाइड्रोजन जो रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि वो मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो कर देता है वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसलिए उसको मेटल वाली सीरीज में डाल दिया है बेचारे को और हमारे पास एसिड होता है वो पानी होता है तो वो हेल्प करेगा कि कहां डिस्प्लेसमेंट होगी कहां नहीं होगी इसलिए वो सीरीज में प्रेजेंट है हमें हेल्प करने के लिए या विनय बेटा मैं आपके डाउट ले लूंगी एक काम करो थोड़ा सा रुको लेट मी कंप्लीट मैं डाउट लूंगी डेन एल गिव यू द ब्रेक ठीक है एक बार कंप्लीट करते हैं फिर डाउट देके लेके फिर ब्रेक देंगे तो यहां पे क्या है बेटा आपके पास सोडियम का पोटेशियम का मैग्नीशियम का कैल्शियम के जो भी ऑक्साइड्स होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं वाटर सोल्यूबल है तो ऑक्साइड का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिक नेचर आपका प्रूफ हो गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से बेटा एम्फेटेरिक यहां पे नहीं एम्फेटेरिक एल्मोनियम हो गया जिंक हो गया उनके ऑक्साइड एम्फेटेरिक भी होते हैं राइट वो एम्फेटेरिक होते हैं तो अब हम बात करें यहाँ पे हमने एक चीज ध्यान दो बच्चा हमने पानी डाला है राइट हमने क्या किया यहाँ पे पानी डाला है आपका नॉर्मल वाटर डाला और हमने ये एक आइडियल रिएक्शन थोड़ी सी आपको बता दी कि ये होनी चाहिए या ऐसी होती है हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है मैंने ऐसे बता दिया लेकिन अब बेटा यहाँ पे सवाल ये है कि मैम हम पानी अलग अलग भी तो ले सकते हैं पानी को अलग ठंडा ले सकते हैं पानी को हम गर्म ले सकते हैं हम और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के पानी को स्टीम के रूप में ले सकते हैं तो अब इसमें क्या रिएक्टिविटी में वेरिएशन आएगा अगर मैंने पानी को अलग अलग टेम्परेचर में लिया तो क्या रिएक्टिविटी में वेरिएशन आ रहा है हमें ये सोचना है और उसके हिसाब से प्रोसीड करना है चीजों को लेके तो ये समझ आया ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया पढ़ेंगे मीमर मीमर पढ़ेंगे बटाओक्काजय पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे टेंशन मत लो सारी चीजें पढ़ेंगे हम ओके okay? तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा कि बिल्कुल फर्क पड़ेगा आपको पता है कि फर्क तो पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फर्क तो पड़ना चाहिए ही चाहिए तो अब यहाँ पे हमने इसको डिजोल्व कर दिया है जब डिजोल्व कर दिया है तो हमें पता चल गया यहाँ पे ओके तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है मेटल ने पानी से रिएक्शन किया है हाइड्रोजन गैस निकल रही है और हाइड्रोजन गैस जलने लगती है अगर उसको टेम्परेचर मिल जाता है तो उसको हीट मिल जाती तो वो जलने लगती है ये पता है ना आप लोग को हाइड्रोजन गैस की अगर प्रॉपर्टी पता है ना क्वेश्चन देंगे बेटा क्वेश्चन बिल्कुल देंगे अगर टॉपिक नहीं आएगा तो क्वेश्चन अटेम्प नहीं कर पाओगे पहले टॉपिक सीख लो फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे ओके टॉपिक सीख लो फिर क्वेश्चन पढ़ लेंगे टेंशन मत लो तो यहाँ पे क्या है बेटा अगर हम मेटल ले रहे हैं मेटल रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोजन गैस बन रही है हाइड्रोजन गैस बनने के साथ साथ हीट भी निकल रही है इस रिएक्शन में हीट भी निकलेगी याद रखो ये दिमाग में बैठा लो कि यहां पे हीट भी निकलेगी और ये हीट क्या करेगी हाइड्रोजन को जला देगी हाइड्रोजन कैचेस फायर क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है राइट यहां पे क्या होगा बेटा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और अब जब एक्सोथर्मिक है तो जो हीट प्रोड्यूस हुई है

तो आपको लगता नहीं हाथ सुन्न पड़ गया हिल नहीं पा रहा है ऐसा होता है ना सुन्न पड़ जाती नहीं पड़ जाती है राइट right? वो क्या हो रही है सुनने पड़ रही है अब जब वो सुन पड़ रहा है तो क्या हो रहा है हम मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं मोशन नहीं दिखा पा रहे हैं अपने हाथ का क्योंकि वो एकदम फ्रोज हो चुका है फ्रोजन है वो राइट right? तो अब यहाँ पे यही चीज हो रही है बेटा कि जो कोल्ड वाटर है वो रिएक्शन तो कर रहा है हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है हाइड्रोजन गैस भी बन रही है लेकिन कौन से मेटल यहाँ पे कर पाएंगे रिएक्शन वही सवाल है कोल्ड का मतलब है अगर कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर है जैसे कि सोडियम और पोटेशियम एक्सट्रीम रिएक्टिव इन नेचर है पानी के साथ या ऑक्सीजन के साथ तो उनकी रिएक्टिविटी को हमें अगर थोड़ा कंट्रोल करना है राइट right? उनकी रिएक्टिविटी को अगर हमें थोड़ा कंट्रोल करना है तो हम ठंडा पानी यूज करेंगे और उनकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा रोक सकते हैं ऑल्दो वो बहुत रिएक्टिव है और रिएक्ट तब भी करेंगे लेकिन उनके जो रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है ठंडा पानी यूज किया है और ठंडा पानी जो होता है ना वो मोशन को एक तरह से थोड़ी देर के लिए रोक देता है टेम्परेचर ड्रॉप होने पे चीजें रुकने लग जाती हैं जमने लग जाती वैसे यहाँ पे होता है तो वो मोशन इतनी तरह से नहीं हो पाता है रिएक्शन उस तरह से प्रोसीड नहीं हो पाती है, थोड़ा सा रेट ऑफ द रिएक्शन ड्रॉप हो जाता है टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से ही तो यहाँ पे हम लोग कोल्ड वाटर को यूज करके रिएक्शन के रेट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं राइट right? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछिए बेटा क्या पूछते हैं ओके तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है सोडियम का अगर हम बात करें सोडियम कंपेरिजन पोटेशियम का ज्यादा है तो यहां से हमें क्या पता चला है? एक कंक्लूजन निकला है कि हमारा जो ग्रुप ए था जो हमारा ग्रुप ए था जिसके मेंबर थे हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम इस मेंबर में इस ग्रुप में इनका लीडर है पोटेशियम सोडियम नहीं है इसका लीडर लीडर की किसको मिलती है यहां पे लीडर मिलता है लीडर है हमारा डाट इज डाट इज आर पोटेशियम तो कौन जीता यहां पे ग्रुप में ग्रुप ए का विनर कौन है डाट इज पोटेशियम क्यों क्योंकि पोटेशियम जल्दी रिएक्शन दे रहा है जब हम इसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं तो ओके okay. हाँ स्टीम बेटा स्टीम इसमें यूज कर दिया तो हो गया काम इस केस में स्टीम मत यूज करना ऑलरेडी इतनी ज्यादा रिएक्टिव आपने स्टीम डाल दिया ना तो सोने पे सुहागे के भी ऊपर कुछ होता है ना तो वो वाली चीज हो जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगा राइट अब हम बात करते हैं कैल्शियम की हमने कैल्शियम में भी ठंडा पानी डाला ये हम ग्रुप बी में आ गए हमने ग्रुप ए में देख लिया कौन लीडर है अब ग्रुप बी में देखते हैं कौन जीतेगा कौन लीडर है तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कैल्शियम हमने डाला है पानी और कैल्शियम पानी डालने में मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पानी बना है अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कैचस फायर क्यों कैचे फायर क्योंकि एक्सोथर्मिक है बच्चा एनर्जी निकल रही है हीट निकल रही है वो हीट हाइड्रोजन को कहती है आ मैं तुझे फूक देती हूँ तो उसको जला देती है अब यहाँ पे क्या होता है बबल्स बनने शुरू होते हैं छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं ये क्वेश्चन आता है बेटा कि जो कैल्शियम है वो फ्लोट क्यों हो रहा है सरफेस पे क्वेश्चन आ सकता है जो कैल्शियम है वो फ्लोट क्यों हो रहा है बेटा क्योंकि जब यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है तो इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस हो पा रही है कि हाइड्रोजन गैस जलने लग जाए समझ लो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या है कम है कंक्लूजन देखो कंक्लूजन समझो एक तरह से यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझो हमने लिया ग्रुप ए कहीं मेरी बात सुनेगा सब लोग ठीक है सब लोग मेरी बात सुनेंगे हमने लिया ग्रुप ए जिसमें हमारे पास दो मेंबर थे एक था सोडियम एक था पोटेशियम ये दो ग्रुप थे एक सोडियम पोटेशियम इसमें मेंबर थे ग्रुप ए में अब ग्रुप ए में जब हमने दोनों में ठंडा पानी डाला तो जो हमारा सोडियम था वो कम रिएक्ट किया एस कम्पेयर टू पोटेशियम पोटेशियम ने तो धमादार रिएक्शन कर दी मतलब उन दोनों में से जीता कौन पोटेशियम अब पोटेशियम के नीचे कौन आएगा सोडियम अब बात आ रही है थर्ड नंबर पे तो जो है कैल्शियम कैल्शियम की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो विगरे रिएक्शन दे रहा था मतलब ग्रुप नंबर टू जब ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई थी इसने विगरेसली रिएक्शन दी थी लेकिन यहाँ पे अगर हमने ठंडा पानी डाला है इस पे तो इसने रिएक्शन तो दिखा दी रिएक्शन बिल्कुल दिखाई है लेकिन उस लेवल की हीट नहीं प्रोड्यूस कर पाया है उतनी ज्यादा रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है कि जो हाइड्रोजन है उसको वो जला पाए राइट हाइड्रोजन को वो जला पाए इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई है तो जब इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई है तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बबल्स बनाती है राइट पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है और बबल्स का फॉर्मेशन करती है ये हमें पता है हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ साथ बबल का फॉर्मेशन कर रही है तो बेटा जब ये बबल का फॉर्मेशन कर रही है तो बबल कहीं तो जाएंगे ही ना कहा चलेंगे हवा में तोड़ नहीं जाएंगे तो वही बबल्स क्या करते हैं बेटा जो हमारे कैल्शियम होता है जो हमारा कैल्शियम होता है बच्चा यहां पे उसी के सरफेस में दिखते हैं उसी के सरफेस में दिखते हैं और इसलिए वो कैल्शियम आपको फ्लोट होता दिखता है तो ये हेन स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर इसलिए वो क्या होता है वो फ्लोट होने लगता है क्योंकि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई कि हाइड्रोजन गैस जलने लग जाए तो यहां पे बबल्स बन गए हैं अब एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो देखो अभी हमने इस को पढ़ा है देख इट्स इक्वेशन ऑफ द रियक्शन नेम टू मैटर विच डू नॉट रिएक्ट विद वॉटर सिल्वर हो गया आपका गोल्ड हो गया प्लेटिनम हो गया ये तो रिएक्ट नहीं करेंगे लेकिन अगर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो तो अभी हमने जैसे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि कैल्शियम जो है इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है जिसकी वजह से वो कैचेस लाइक दे कैचेस फायर तो यहां पे ये प्रॉब्लम आती है ओके okay, प्रत्युष सबने आंसर दिया है आंसर ऑन द बॉक्स आंसर ऑन द चैट बॉक्स ओके okay, चंदन ओके okay, डन है आगे देखते हैं अगर हमने लिया हॉट वाटर हॉट वाटर का मतलब क्या है हम यहां पे दे रहे हैं एक तरह की एनर्जी राइट हॉट वाटर का मतलब क्या हमने इसको एनर्जी दिया पुश दिया जैसे अभी आपको पुश मिल रहा है वॉरियर सीरीज से आपको क्या मिल रहा है पुश मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए राइट right? हेल्प मिल रही है तो वैसे ही हॉट वाटर क्या करता है एक तरह से पुश देता है रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए तो यहां पे क्या हो रहा है अगर मैग्नीशियम ले रहे हैं और रिएक्ट करवा रहे हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है मैग्नीशियम जब पानी में डालेंगे तो उस तरह से रिएक्शन नहीं करेगा यहाँ पे हॉट वाटर डाला है कोल्ड वाटर नहीं याद अंदर कोल्ड वाटर नहीं है इट इज हॉट वाटर मतलब हमने एक तरह का पुश ऑलरेडी दे दिया है रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तो जब ये रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन यहाँ भी इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो आग को पकड़ ले इतनी एनर्जी यहाँ भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है यहां पे भी टाइनी सर्फेसिस बनेंगे टाइनी बबल्स बनेंगे और बबल्स सर्फेस पे कलेक्ट होते जाएंगे और यहां यह से काम करेंगी तो ये भी फ्लोट होता दिखेगा तो अब हमारे पास रिएक्टिविटी के हिसाब से हम देखते हैं तो चार आ चुके हैं हमें पता है कि हमारा किंग जो है वो हमारा क्या है पोटेशियम है देन सोडियम है कैल्शियम ने रिएक्शन दी थी कोल्ड वाटर से मैग्नीशियम नहीं दे पाया था राइट कैल्शियम ने कोल्ड वाटर से रिएक्शन दी थी विगरे नहीं दी थी लेकिन रिएक्शन तो प्रोसीड हुई थी इसका मतलब वो रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर से तो वो मॉडरेटली रिएक्टिव है कोल्ड वाटर पे लेकिन मैग्नीशियम ने नहीं किया मतलब मैग्नीशियम नहीं है मॉडरेटली रिएक्टिव विद कोल्ड वाटर वो किससे मॉडरेटली रिएक्ट कर रहा है हॉट वाटर से तो डेफिनेटली कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा बताओ बच्चा एग्जैक्टली exactly. तो यहां पे क्या है कैल्शियम जीतेगा मैग्नीशियम और कैल्शियम के ग्रुप में कैल्शियम जीत जाएगा और कैल्शियम हमारा थर्ड बेस्ट रिएक्टिव तो फर्स्ट हमारा क्या है बेटा आपके पास अगर पोटेशियम है फिर हमारे पास क्या है कैल्शियम है राइट फिर हमारे पास क्या है कैल्शियम है तो यहाँ पे ये चीज़ होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है मेटल की सोडियम लाइक यहाँ पे बात करेंगे पोटेशियम सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अब चार तो रिएक्टिविटी सीरीज में आ गए आगे बढ़ते थोड़ा सा रिएक्शन देखते हैं स्टीम से रिएक्शन करवाएंगे मेटल की स्टीम का मतलब क्या है हमने और पुश दे दिया है रिएक्शन करने के लिए एकदम तहलका दे दिया कि भैया आप तो रिएक्ट कर दो अब तो कर दो रिएक्ट इससे इसके बाद भी नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हारा क्या कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टीम दे दिया है। स्टीम का मतलब क्या है वेपर फॉर्म में, मतलब पानी की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है इस केस में क्या रखना पानी की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा है इस केस में और जब बहुत ही ज्यादा है केस में पानी की एनर्जी तो ये रिएक्शन तो प्रोसीड करा ही देगा ना राइट रिएक्शन तो प्रोसीड कर रहा ही देगा तो अल्मोनियम जब रिएक्ट करता है पानी से तो अल्मोनियम ऑक्साइड बना रहा है जिंक और आयरन भी रिएक्ट कर रहा है पानी से लेकिन स्टीम फॉर्म में याद रखना यहाँ पे अगर मैंने कोल्ड वाटर डाला होता यहाँ पे अगर मैंने कोल्ड वाटर डाला होता तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती राइट यहाँ पे अगर मैंने कोल्ड वाटर डाला होता तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती क्यों क्योंकि ये उतने रिएक्टिव है ही नहीं नेचर में कौन रिएक्टिव है नेचर में सबसे ज्यादा वो हमारे पास सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम थे यहाँ पे हमें स्टीम देनी पड़ रही है यहाँ पे इनको थोड़ा सा देना पड़ रहा कि भाई जैसे आप लोग को होता है ना पढ़ लो नंबर आ गए तो फोन दे देंगे पढ़ लो नंबर आ गए तो आपको पी एस फाइव मिल जाएगा बस वही टाइप का यहाँ पे है स्टीम दिया हमने इनको और रिएक्शन को प्रोसीड कराया है लेकिन ये डोंट कैचेस फायर दिस डोंट कैचेस फायर हाइड्रोजन आग नहीं पकड़ेगा ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं सोडियम और पोटेशियम के, के केस में ही इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से हाइड्रोजन कैचेस फायर लेकिन इनमें इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है दैट दे कैन कैच फायर तो यहां पे ये चीज नहीं होगी बेटा अब बात करते हैं एसिड की राइट अब बात करते हैं एसिड की अब एसिड की अगर हम यहां पे बात करें एक चीज ध्यान रखना हमने अभी तक जो पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं हाइड्रोजन प्रेजेंट है हाइड्रोजन से वो डिस्प्लेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है उसके बेसिस पे ही होती है सारी चीजें तो हॉट वाटर से कौन रिएक्ट करेगा हॉट वाटर से बेटा कैल्शियम ने रिएक्ट किया तो था हॉट वाटर से कैल्शियम ने रिएक्ट तो कर दिया था अब स्टीम में अगर सोडियम डाल दिया ना हमने धमाका हो जाएगा वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होता है कैसे मैंने रिएक्ट किया था नहीं बेटा इग्नोर क्यों करूंगी आर जी आप लोग एक तो नाम आप लोग इतने ऐसे रख देते हो कि ईजी नाम रखा करो ना हम लोग के लिए भी इजी रहे आपका नाम लेना राइट चलो आगे बढ़ते तो यहां पे अगर हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है राइट डाइल्यूट एसिड से हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ डॉक्टर बेटा एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं एक रिएक्शन हम लोग बना लेते हैं कि ये ये आइडियल केस है कि रिएक्शन इस तरह से लाइक प्रोसीड होनी चाहिए राइट right? ये हमारा एक आइडियल केस होता है थैंक यू कृष्णा तो यहां पे क्या है बेटा जितना ज्यादा बबल्स बनेगा हाइड्रोजन गैस बबल्स बना के निकलती है राइट राइट right? बबल्स के फॉर्मेशन के साथ निकलती है ये चीज फिक्स हो गई यहाँ पे अब जितना ज्यादा बबल होगा मतलब उतनी ज्यादा हाइड्रोजन निकल रही है मैं बात सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ बताओ बेटा अगर मैं ये बोलती हूं अभी एक स्टेटमेंट कि जितनी ज्यादा बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन के उतनी ज्यादा रिएक्शन जल्दी हो रही है मतलब उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बन रही है मैंने बिल्कुल सही बोला स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली exactly वही चीज है बेटा कि जितना ज्यादा बबल का फॉर्मेशन होगा मतलब उतनी जल्दी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उतनी जल्दी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है ये फिक्स हो गया अगर पे बात करते हैं कि रेट कितना जल्दी प्रोड्यूस मतलब रेट ऑफ द बबल फॉर्मेशन क्या है राइट right? रेट क्या है बबल फॉर्मेशन का तो मैग्नीशियम के बाद अल्मोनियम अल्मोनियम का जिंक आयरन एंड देन आपके पास तेट है तो यहाँ पे ये चीजें इस तरह से प्रोसीड करें तो अब हमें एक सीक्वेंस बनता दिख गया है सबसे ज्यादा हमारे पास ग्रुप ए जो था उसमें ये दोनों थे तो ग्रुप ए में जीता हमारा कैल्शियम ग्रुप टू सॉरी पोटेशियम और हमारे पास जो ग्रुप टू था हमारे पास बच्चा ग्रुप टू में हमारे पास जीता कैल्शियम राइट अब आगे गए आगे जाने के बाद हमने देखा अब इसके बाद मैग्नीशियम है मैग्नीशियम के बाद अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं अल्मोनियम जिंक आयरन की तो यहां पे हमारे पास विनर है हमारा अल्मोनियम राइट यहाँ पे हमारे पास विनर क्या है हमारा अल्मोनियम है जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके जल्दी बबल्स बनाएगा बहुत ज्यादा बबल्स बनाएगा तो अगर हम इस वाली कैटेगरी को कंपेयर करेंगे तो हमारा विनर अल्मोनियम है देन जिंक है देन आयरन है तरह तो से एक सीक्वेंस बनता दिख रहा है आपको धीमे धीमे ओके okay? तो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं एक कंडीशन थी बेटा ये जब आपका एमआईपी आया था राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे तो मैं एक चीज को यहाँ पे क्लारीफाई कर रही हूं पहले आपको दे रही हूं क्लारीफिकेशन हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की ओके सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर आपके पास यहां पे आता है अदर मैटर के पास जाके वो वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो बनी थी लेकिन हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर दिया है नाइट्रिक एसिड ने ये क्या हुई हाइड्रोजन गैस क्या हो गई ऑक्सीडाइज हो गई और वॉटर का फॉर्मेशन हो गया है इसीलिए जब भी नाइट्रिक एसिड से कोई अदर मैटर रिएक्ट करता है तो जो आइडियल कंडीशन के हिसाब से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होनी चाहिए थी व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एसिड देन वी कैन से दैट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस ये हमारा आइडियल कंडीशन था तो वो हाइडियल कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होता है जब भी हम लेते हैं नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है हाइड्रोजन गैस को और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन तो हाइड्रोजन में पानी ऐड हो गया है और यहां पे हो गया है ऑक्सीडेशन राइट right? तो इसीलिए यहां पे बेटा रिएक्शन अदर मैटर के साथ नहीं होती है लेकिन दो केसेस होते हैं जहां पे रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है वो है आपका मैग्नीशियम और मैग्नीशियम राइट तो यहां पे आपको प्रोडक्ट जो आइडियल कंडीशन थी उसके हिसाब से ही मिलता है मतलब हाइड्रोजन गैस ही मिलती है इस कंडीशन में ये एक आइडियल कंडीशन में एक्सेप्शन पार्ट है राइट क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन इस दो केस में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है और आइडियल कंडीशन के हिसाब से रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है अभी सब कुछ क्लियर है एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर गाइस डू लेट मी नो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टेल मी ओके क्रिस्टल क्लियर है नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट में मूव करते हैं फटा फटाफट से तो यहां पे हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छा सिंचन किसने किसने देखा है जल्दी बताओ कौन कौन सिंचन देखता है एवरी थिंग इज क्रिस्टल क्लियर गाइड एवरीर क्या दोबारा करना बताओ ब्रेक मिलेगा ब्रेक मिलेगा एक बार कंप्लीट होता है break मिलेगा, जब मैं करेंगे, तब मैं आपको ब्रेक दूंगी ठीक है ओके, 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 ओके. तो बेटा यहां पर क्या होता था जब सिंचन जा रहे हैं वॉक कराने राइट सिंचन गया वॉक कराने शीरो को और वहां पे उसको ननिको दीदी दिख गई तो क्या करता है ननिको दीदी के साथ चला जाता है ना हमेशा शीरों के साथ रुकता नहीं है मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड एक कंपाउंड होता है मेटल ऑक्साइड जिसका नेचर बेसिक होता है और एम्फेटेरिक भी हो सकता है एसिड के साथ रिएक्शन एक बार फिर से रुक जाओ मैं बता देती हूँ बेटा एसिड के साथ रिएक्शन तो बेटा देखो यहाँ पे बेसिकली कंडीशन क्या है एसिड रिएक्शन हो रही है अ मेटल रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म एंड एंड वाटर सॉरी हाइड्रोजन गैस ये एक आइडियल कंडीशन है हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है बबल्स का फॉर्मेशन करती है बुलबुलाहट बनाती है तो जितने ज्यादा बुलबुले बनेंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा नेचर में ये फिक्स है राइट right? जितनी ज्यादा बबल्स बनेंगे उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा नेचर में अब अगर हम बात करते हैं बच्चा यहाँ पे कंपैरिजन करने की तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम वो सबसे याद करेंगे फिर कैल्शियम फिर मैग्नीशियम एल्मोनियम जिंक आयरन इस तरह से क्या है एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया है एस याद करने का अब एक्सेप्शन केस आपके पास क्या है नाइट्रिक एसिड का है नाइट्रिक एसिड कंडीशन में जो नाइट्रिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है तो जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी वो हाइड्रोजन गैस ना निकल के पानी का फॉर्मेशन कर देता है तो एस पर आर इंफॉर्मेशन हमें तो हाइड्रोजन गैस चाहिए थी Right? हाइड्रोजन बन गैस बन बनी थी लेकिन ऑक्सीडाइज होके पानी बना दिया मेटल अभी भी ऐसे हैं जो रिएक्शन प्रोसीड करके आइडियल कंडीशन को लेके चले जाते हैं तो यहाँ पे आइडियल कंडीशन भी मैच हो जाती है जब भी आप मैग्नीशियम और मैगनीश का केस ले रहे होते हो तो हाँ बेटा पूछो क्या पूछ रहे हो आप लोग आस्क विक्ट्री बैच का क्या समझ नहीं आया बेटा कुछ पूछो विक्ट्री बैच का एक तो इतनी जल्दी स्क्रॉल हो रहे हैं कि आई एम नॉट एबल टू रीड इट बट विक्ट्री बैच का पढ़ पा रही हूँ का रीड नहीं कर पा रही हूँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं तो यहां पे यही हुआ बेटा वॉक कर दे गए हमारे राइट यहां पे अगर आप देखोगे तो इसने क्या किया ब्रेक डाउन कर दिया अब इसने अपना पार्टनर छोड़ के दूसरे के साथ शिफ्ट कर लिया है राइट तो इसने यही किया अब इसने जब यहां ये यह किया है तो हमारा बेचारा शीरो रह गया अकेला, राइट शीरो तो कंडीशन यहां पे है कि हम लोग एक मेटल का सॉल्ट ले रहे हैं ये हमारा शीरो जो सिंचान है ये क्या है मेटल का सॉल्ट है अब यहां से एक मेटल आया जिसके पास टेंडेंसी है इस मेटल को इस सॉल्ट से हटा देने की तो यहां पे अगर आप बात करोगे तो ये एक मोर रिएक्टिव सुंदर आ गई है नीने को दी दी और नीने क्या किया इसको हटा दिया है अब यहां पे अगर आप देख रहे हो ये हमारा मोर रिएक्टिव मेटल के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया है और लेस रिएक्टिव मेटल रह गया है बेचारा अकेला तनहा दिल तनहा सफर बेचारा शीरो कितना सहे राइट right? स्टीम के साथ रिएक्शन बेटा देखो मैं बताती हूं एक चीज समझो कंप्लीट हु. नहीं हुआ है हो गया बेटा सुनील सर ने करा दिया कंप्लीट आपका सिलेबस जाके चेक करो हो गया कंप्लीट विक्ट्री का सिलेबस बताते हैं शुभम रुको जरा सबर करो अच्छा सुनो अभी सब कुछ सुनो समिट अब बता रही हूँ मैं समिट अब बता रही हूँ सुनो 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 बात सुनो सर लो जल्दी से जल्दी से बात सुनो सबसे पहली चीज हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ले रहे हैं ऑक्सीजन से पानी से एसिड से इनसे रिएक्शन करवाइए अब जो बहुत ही मिनिमल कंडीशंस में भी रिएक्शन कर देता है बहुत ही मिनिमल कंडीशन में भी रिएक्शन कर दे रहा है तो हम वहां पे उसको बोलेंगे कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बिल्कुल हमने पानी से रिएक्शन करवा के कर देखी उससे हमने क्या किया एक हीरो निकाला हमने एसिड से रिएक्शन करवाया हमने उससे एक हीरो निकाला इस तरह से टुकड़े जोर जोड़, जोड़ के जोर जोड़, जोड़ के जोर जोड़, जोड़, जोड़ के हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज का फॉर्मेशन किया है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पढ़ते हैं ओके नाउ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरी वन नाइट्रिक एसिड बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है इसीलिए जब हम लोग एसिड लेते हैं तो वो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी दगमगा जाती है खराब हो जाता है मामला ओके okay, अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अभी तक हमें पता था एक सीक्वेंस रेडी हो गया हमारे पास अब आगे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है सिल्वर गोल्ड कॉपर में सिल्वर गोल्ड कॉपर में रिएक्शन करवाते हैं एज यू नो दिसमेंट रिएक्शन होता है मोर रियक्टिव मैटल रियक्ट विद रियक्टिव मैटल्ट कैन डिसक्टिव मैटल फ्रॉम सोल्ट एंड सोल्ट राइट होता है, ये displacement reaction है तो वही यहाँ पे कंडीशन आ रही है अगर हमने लेड लिया है कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया है तो लेट अगर इसको डिसप्लेस कर पा रहा है तो मतलब lead, जो लेड है वो ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर है राइट right? वो ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर है अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं राइट कॉपर से सेम सिल्वर और कॉपर नाइट्रेट की रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रही है मतलब कि सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है यहां से हमें क्या प्रूफ हुआ कि कॉपर रिएक्टिव ज्यादा है सिल्वर से सेम अगर हम गोल्ड की बात करेंगे और कॉपर रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है गोल्ड से यहां पे ये प्रूफ हो गया है अगर हम यहाँ पे सिल्वर से रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर की तो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है मतलब कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है एक मिनट रुको ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है यहां पे सिल्वर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से यहां पे गोल्ड ओके यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं कॉपर और सिल्वर की कॉपर आया है यहां पे सिल्वर के पास तो कॉपर ने इसको डिस्प्लेस कर दिया है मतलब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से भी राइट तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे यहां पे ये प्रूव हो गया सीक्वेंस आराम से थैंक यू बच्चा थैंक यू ब्रेक मिलेगा बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल मिलेगा ब्रेक मिलेगा कॉपर स्पेलिंग गलत गलत है है अरे हाँ ये डबल पी होगा ठीक है कूपर लिख गया था कॉपर अभी ठीक है तो यहाँ पे रिएक्टिविटी मिल गई है सीरीज हमें तैयार हो गई हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेन गाइस नई सीरीज बनी है सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो क्या है सीरीज आपको दिख रही है राइट ओके यहाँ पे क्या है एक सीरीज बन रही है दैट इज यहां पे अगर आप देखोगे प्रॉपर सीरीज रेडी है इसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज क्या नाम है इसका रिएक्टिविटी सीरीज इसका नाम है तो बात तो सही है भाई जाकिर भाई ने बोल दिया बात सही है तो सही होगी राइट ठीक है डन है ब्रेक 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 मिलेगा 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 ब्रेक बिल्कुल मिलेगा बेटा बिल्कुल मिलेगा टेंशन मत लो ओके ब्रेक मिल जाएगा यहां पे कुछ कनेक्शन समझ आ रहा है मैं क्या लिख रही हूं ये क्या आप इसको करेक्ट कर पा रहे हो उसको रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या लिख रही हूं बेटा क्या करेक्ट कर पा रहे हो क्या इससे कनेक्ट कर पा रहे हो समझ आ रहा है बेटा क्या चल रहा है जल्दी देखो स्क्रीन पे अभी क्लियर हो रहा है समझ आया तो ये क्या है बेटा प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आर जेब आई लाइक हर कॉल बी क्यूट एंड गुड और जीनियस कुछ भी बोल सकते हो एग्जैक्टली exactly, ये है तरीका क्या तरीका है ये याद करने का तरीका है रिएक्टिविटी सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना बहुत जरूरी है बेटा क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद होगी तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने एक भी ऊपर नीचे कर दिया तो मेटलर्जी में भी दिक्कत आएगी ये रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना क्योंकि मेटलर्जी में रिएक्टिविटी सीरीज बहुत काम आने वाली है बच्चों बता रही हूं अभी बता रही हूं आपको बहुत काम आने वाली है तो प्लीज इसको याद कर लो कैसे याद करना है मैंने बता दिया है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अजेब्रा आई लाइक हर कॉल मी क्यूट एंड गुड क्यूट और गुड बोल सकते हो एंड हटा दो कंफ्यूज हो रहे हो तो क्यूट और गुड और जीनियस भी बोल सकते हो आप खाना खा रहा है जल्दी ठीक है फ्रेंड बन जाओ बन गई बन गई बन गई कोई आप आशु मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूं आपसे ठीक है लेकिन आपको नंबर लाने पड़ेंगे अल्लाह के बारे में पढ़ेंगे बेटा आप टेंशन मत लो अल्लाह के बारे में पढ़ेंगे स्टॉप कॉलिंग मी चलेगा ओके चलो कैटरीना कॉलिंग मी या समझ रही हूँ समझ रही हूँ कैटरीना से ऑब्सेशन छोड़ दो तो बेटा वो तो हो गई किसी और की अब कुछ नहीं हो सकता राइट right? अब कुछ नहीं हो सकता अब 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 बाजी निकल चुकी है ओके okay? अब नेक्स्ट में चले जल्दी से ब्रेक मिलेगा break मिलेगा, रुक जाओ अभी तो बेटा बहुत बहुत दूर जाना है रुको सबर करो ये क्वेश्चन देखो जब ब्रेक मिलेगा ना तो इसका आंसर सोच के बताना ठीक है जब ब्रेक मिलेगा ना तो इसका आंसर बताना क्या कर रहे हो मैम ब्रेक दे रहे हो पांच मिनट का उसमें भी होमवर्क दे दे रहे हो <laughs> नहीं 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 और तो जिसको फिर हम चलते हैं जहां बढ़िया है, ये भी याद कर सकते हो लेकिन उसमें ना बेटा कार्बन नहीं आएगा जो आप लोग यूज कर रहे हो ना उसमें कार्बन नहीं आएगा तो कार्बन आना जरूरी क्योंकि कार्बन आपको याद रखना पड़ेगा एज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका मेटलर्जी है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका मेटलर्जी है तो आपको वहां पे आना पड़ेगा तो इसलिए कार्बन ये वाला ट्रिक याद करो इससे कार्बन भी आपको याद रहेगा मैं बताती हूं बेटा मैंने बोला है यहाँ पे दैट प्लीज कॉल लाइक प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी क्यूट जेब्रा आई लाइक हर कॉल मी क्यूट एंड गुड ये एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से डिस्प्लेस नहीं होंगे ऐसे ही कार्बन की अगर बात करें तो हम रिडक्शन कर रहे हैं तो वहां पे कार्बन के नीचे वाले तो उसको कार्बन के नीचे वाले जो है वो कार्बन को नहीं कर पाएंगे इस तरह से तो वो थोड़ा सा टेक्निक वहां पे अलग हो जाएगी वो मेटलॉजी में भी हम ध्यान से पढ़ेंगे एक्स्ट्रेक्शन जब पढ़ेंगे ना तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे टेंशन मत लो उसकी दस मिनट ब्रेक दस मिनट ब्रेक तो ज्यादा नहीं हो जाएगा बेटा चलिए बोला मतलब दस मिनट ब्रेक ज्यादा नहीं हो जाएगा आप लोग के लिए इतना लंबा ब्रेक क्या करोगे दस मिनट ज्यादा हो जाएगा बेटा चलो इसका आंसर देना जल्दी से ना ना अभी ब्रेक नहीं मिल रहा है बेटा किसने बोला ब्रेक मिल रहा है अभी ब्रेक मिल ही नहीं रहा है बेटा अभी एक्वा को पढ़ना था क्या है तो बेटा तो मूवमेंट है, है पढ़ लो यहाँ पे बच्चा रॉयल वाटर बोलते हैं एक्वारीजिया को रॉयल वाटर बोला जाता है एकदम नवाबी पानी है ये ये बनता कैसे है वन रेशियो थ्री के वॉल्यूम में जब हम नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करते हैं एच एन ओ थ्री और एस के रेशियो को हम बोलते हैं वन रेशियो थ्री वॉल्यूम में जब इसको मिक्स किया जाता है तो इसको नाम बोलते हैं एक्वारिजिया की एक बहुत बड़ी अच्छी खासियत होती है कि बहुत क्रोजिव इन नेचर होता है फ्यूमिंग लिक्विड है मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या है वेपर्स का फॉर्मेशन करता है फ्यूमिंग का मतलब क्या है वेपर का फॉर्मेशन कर रहा है दैट इज अ फ्यूमिंग वन अब अगर बात करते हैं इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएक्टेंट दैट कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम वो जाते हो ना सफाई करवाने ज्वेलर्स के पास वो कहते हैं कि अरे लाओ गोल्ड की ज्वेलरी देते हो चमका के ले आते हो वो आपका पागल बनाते हैं आपको पता है ये बात सीधे शिवन एक मिल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया क्या ओके 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 पहले एक बार बताओ अगर हम लोग ज्वेलर के पास जाते हैं तो जब वो हम लोग को गोल्ड की ज्वेलरी साफ करके दे देते हैं तो क्या होता है वहां पे आपको लगता नहीं आपको कुछ पागल बनाया गया है हाँ नॉन मेटल है बेटा लेकिन रखा गया सीरीज में ओके, ठीक है तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे बच्चा तो गोल्ड और प्लाटन जब जाते सफाई करते हैं वो डिजोल्व कर देता है जो आउटर लेयर होती है ना गोल्ड की वो उसको डिजोल्व करवा देता है और वो गोल्ड उसके पास कलेक्टेड होता है वो सफाई करने के पैसे भी ले लेता है और आपका गोल्ड भी ले, ले लेता है तो दोनों तरीके से आपका लॉस होता है वहां पे इसलिए जब भी आप बहुत बार क्लीनिंग करवाते हो अपने ज्वेलरीज की तो उनका वेट कम होता जाता है क्यों क्योंकि वो आउटर लेयर को करता करता जाता करता था, एक टाइम के बाद तो खत्म होगा ही ना इसलिए उसका वेट ड्रॉप होता जाता है जितनी बार आप क्लीनिंग करवाओगे अपने ज्वेलरीज की उतनी बार उनका वेट लॉस होगा उतनी बार वो ड्रॉप होता जाएगा गोल्ड आपका हाँ बेटा बहुत बहुत देर का ब्रेक दे देंगे बिल्कुल 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 अब बात करते हैं यहां पे नॉन मेटल्स की तो जब नॉन मेटल रियक्ट करता है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनता है और इनका नेचर क्या होता है कोई बताएगा इनका नेचर क्या होता है कोई बता सकता है इनका नेचर क्या होगा कोई बताएगा जल्दी से बताओ इसका नेचर क्या होगा बेटा वन रेशो थ्री ही है ठीक है वन रेशियो थ्री ही है कंफ्यूज मत हो इट्स राइट नाइट्रिक एसिड और अमाउंट में होगा याद रखो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो बेटा राइट तो अब यहां पे अगर हम बात करते हैं नॉन मेटलिक की तो नॉन मेटल में अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कार्बन हमारा नॉन मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा उसका नेचर जो होगा वो एसिडिक होना चाहिए क्या सिर्फ एसिडिक होता है नेचर नॉन मेटलिक ऑक्साइड का सिर्फ एसिडिक होता है नेचर ठीक है इट्स फाइन बट आई हैंडल इट डोंट वरी मैं कर लूंगी हैंडल आप अभी फिलहाल इस पर फोकस करिए क्लास में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार और बताइए बिल्कुल 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 एक बार और बता रहे बच्चा मैंने बोला वेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म नॉन मेटिक ऑक्साइड वो तो फिक्स है अब इसका नेचर क्या होता है मैं बोल रही हजदीक होता है आप क्या बोलोगे जितना फोकस आप लोग ब्रेक में कर रहे हो उतना फोकस अगर आप पढ़ने में कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोग की पता ही बात वन रेशियो थ्री होगा बेटा वन रेशियो थ्री इज करेक्ट आंसर ओके ओनली एसडिक होगा ओनली एसडिक होगा ठीक है आप लोग बोल रहे हो ओनली एसडिक है ठीक है तो ऐसा नहीं होता है बेटा ये तो एसडिक है लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो ये न्यूट्रल इन नेचर होता है ये भी नॉन मैटर का ऑक्साइड ही है तो यहाँ पे एसडिक होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं वहां पे एम्फोचरिक थे और बेसिक थे यहां पे क्या है एसडिक है और न्यूट्रल इन नेचर है तो ये बात को ध्यान से समझ लो बेटा वन रेशू थ्री इज अ करेक्ट वन राइट थोड़ा फास्ट क्या करूं तनिष्ठ बताओ यहां पे मैराथन करने लग जाऊं मैं भागने लग जाऊं हाँ भागने लग जाओ ये पढ़ा रही पढ़ लो बेटा Okay, देखो हाइड्रोजन क्या होता है हाइड्रोजन पानी जो हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है ना आपको पता है जो पानी होता है उसका नेचर क्या होता है न्यूट्रल होता है पानी का नेचर न्यूट्रल होता है तो नॉन पे नॉन मेटल का ऑक्साइड ही तो हुआ ये ये न्यूट्रल इन नेचर है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स वेरी न्यूट्रल इन नेचर तो ये डन हो गया आपका नेक्स्ट देखते हैं ओके okay, अब नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट विद वाटर राइट नॉन मैटर जब रिएक्ट करता है वाटर से तो ये एसिड का फॉर्मेशन करता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखोगे नॉन अगर हम नॉन मैटर की बात कर रहे हैं राइट right? यहाँ पे अगर हम नॉन मैटर की बात कर रहे हैं तो नॉन मेटरिक ऑक्साइड सॉरी नॉन मैटेलिक ऑक्साइड की बात करेंगे यहां पे आई एम सॉरी वाइस यहाँ पे, पे नॉन मैटेलिक ऑक्साइड होगा तभी इसका नेचर एसडिक है राइट right? तब इसका नेचर क्या है एसिक है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम डाल देंगे पानी में तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा कार्बोनिक एसिड एसिड वीक एसिड है लेकिन है तो एसिड ही ना वीक एसिड है ऑल दो बट इट इज एसिड तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा सेम अगर नॉन मैटर जो बात करते हैं नॉन मैटर पानी से रिएक्शन नहीं शो करती हैं नॉन मैटर बेटा पानी से रिएक्शन शो नहीं करेगा ये याद कर लो ठीक है नॉन मैटर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर आ, बेटा डाउट मैं ले रही हूँ थोड़ा टाइम थोड़ा टाइम तो मैं डाउट लेती हूँ आप लोग का ठीक है डोंट वरी मैं डाउट ले लूंगी उसके बाद ब्रेक देंगे तो यहां पर रिएक्शन आपको दिख गई है कि रिएक्शन नहीं हो रही है अगर हम इससे बात कर रहे हैं पानी से तो ओके okay? तो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन और रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगी अब हम बात करें रिएक्शन विद नॉन मेटल्स थक तो नहीं गया कितना टाइम हो रहा है मैं एक काम का तो चेक करती हूँ रुको अभी मैं ब्रेक दूंगी ना मैं एक बार फिर चेक कर लूंगी ठीक है एक बार फिर मैं चेक कर लूंगी टेंशन मत लो वो मैं कंफर्म कर दूंगी मेरे हिसाब से वन रेशियो थ्री है आपके हिसाब से अगर थ्री रेशू वन है मैं एक बार देख लूंगी ओके आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे हो गए मैंने यहां पे क्या लिखा है ध्यान से देखो मैंने यहां पे लिखा है एच एन ओ थ्री रेशियो एस सी एल हो सकता है वहां पे उल्टा हो बेटा मेरे हिसाब से ये रेशियो है ओके okay. यहां पे मैंने इसके हिसाब से लिखा है रेशियो एक बार चेक करो आप लोग ठीक okay? है ओके ये रेशियो है ओके चलो आगे बढ़ते हैं वरना आप लोग फिर ब्रेक ब्रेक रोने लगोगे चलो अच्छा ये खत्म करके ब्रेक लेंगे पक्का ये टॉपिक खत्म करके ब्रेक लेंगे पक्का पक्का पक्का, पक्का, पक्का प्रॉमिस राइट है चलो जल्दी 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 देखो 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 यहां पे अगर मैटर्स की बात कर रहे हैं नॉन मैटर के साथ मैटर की बात करें नॉन मैटर के साथ मैटर जो है इलेक्ट्रॉन देगा जो नॉन मैटर है हमारा वो इलेक्ट्रॉन जो नॉन मैटर है हमारा वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा राइट मेटल इलेक्ट्रॉन देगा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पे क्या हुआ इलेक्ट्रॉन की लेन देन चल रही है एक ने इलेक्ट्रॉन दिया दूसरे ने ले लिया एक्सेप्ट कर लिया तो यहां पे जब आप ध्यान दोगे बेटा ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक ने दिया दूसरे ने लिया तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इस केस में किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इन दिस केस आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है एक ने इलेक्ट्रॉन दिया एक ने इलेक्ट्रॉन लिया राइट बेटा ब्रेक मिल जाएगा बेटा मिल जाएगा रुक जाओ बस ये टॉपिक कंप्लीट करना तो ब्रेक देते हैं आपको ठीक है टेंशन मत लो तो यहां पे क्या हो रहा है मेटल रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटल के साथ ना मेटल देने कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला तो होना चाहिए तभी तो मैट, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले पाएगा अगर कोई देने वाला ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन लेंगे कैसे कुछ सोचो एग्जैक्टली exactly, शेयरिंग भी हो सकती है यहां पे डोनेट हो गया पूरी तरह से दे दिया बेटा ठीक है पूरी तरह से दे दिया इलेक्ट्रॉन क्लोराइड का स्ट्रक्चर बता करना है मैग्नीशियम क्लोराइड का करना है तो एक काम करते हैं काफी देर हो गई है काम करते हैं आप लोग ब्रेक ले लो बेटा क्योंकि फिर आप लोग को समझ नहीं आएगा राइट दस मिनट का ब्रेक दे मिनट का ब्रेक इनफ है नहीं मेरा दस मिनट मेर का लेते हैं फिर मैं कंप्लीट करूंगी मेटलर्जी के बाद यू नीड ब्रेक फिर आपको रोजन पढ़ोगे तो इसके लिए टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो यू हैव हाँ टू बी वेरी लाइक यहाँ पे अलर्ट रहो और चीजें अच्छे से पढ़ो ओके okay, डन है दस मिनट का देते बेटा दस मिनट से ज्यादा का नहीं दूंगी मैं दस मिनट का दे रही हूं पक्का दस मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं ओके okay, दस मिनट का ब्रेक बेटा अभी आपका स्टार्ट हो गया है दस मिनट बाद मिलते हैं बेटा फिर बी से पांच मिनट का दे देंगे ओके मेटलॉजी जब पढ़ रहे पांच मिनट का दे दूंगी आपका पंद्रह पूरा कर दूंगी टेंशन मत लो। डन है ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, अच्छा याद दिलाया थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू बचा लिया मुझे <laughs> ओके डन है ठीक है थैंक यू दस घंटे का ब्रेक नहीं मिला आप लोग को चलो जल्दी मिलते हैं ठीक है चलो तब तो तक जल्दी से पानी पी के आओ नोटबुक लेके आओ और बैठ जाना पढ़ने क्योंकि इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेटलर्जी वहां से क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आने वाला है कोरोजोन टॉपिक से भी क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आने वाला है अभी तक हम सिर्फ बेस बिल्ड कर रहे थे अब इस टॉपिक का मेजर टॉपिक कवर करने वाला है चैप्टर का तो बी रेडी गाइड जल्दी से पानी पी के आओ जो भी खाना है खा के आओ भाग के जाओ भाग के आओ ठीक है चलो तो गाइस शुरू करें तैयार हो जाओ आज तो बस अब तो तोड़ देना है ठीक है क्योंकि मेटोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं चलो बल चलो 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 बिना किसी देरी के मैराथन शुरू करें अब खत्म करते हैं टॉपिक अरे बच्चा पहुंचने तो दो दो बेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आएंगे आएंगे वो शुरू कर ले पहले वो खत्म कर ले ओहो ये क्या हो गया? चलो हम यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग पढ़ रहे थे आई एम लेट ओके आई एम लेट ठीक है हम आपसे हाथ जोड़ के माफी चाह रहे हैं कुछ सेकंड लेट होने के लिए लेकिन अब यह माफी दोबारा नहीं मांगनी पड़ेगी क्योंकि ब्रेक नहीं मिलेगा आपको राइट क्योंकि ब्रेक नहीं मिलेगा और हम सब कुछ खत्म करेंगे आज मजे आएंगे चलो हाँ बिल्कुल मिली हो बेटा अलग सा से मिली मैं चलो तो यहां पे हम ये पढ़ रहे थे कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइन होता है तब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एक का इलेक्ट्रॉन देना और दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है जब भी हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो कोवलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट यहाँ पे होता है आयनिक कंपाउंड की अगर बात करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और बेटा जो मैंने एक्वा बताया था वो सही है आई शेयर आई कन्फर्म वो सही है ओके okay? वहां पे आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हो वो चीज सही है मैम प्लीज इंक्रीज योर हाइट बेटा कॉम्प्लेन मिला नहीं था बचपन में अब पी के कुछ होगा नहीं तो मैम की इसी हाइट से काम चलाना पड़ेगा अगली बार से मैम हील्स पहन के आ जाएंगी आपके लिए इतना और कर सकती है तो वो मैम कर देंगे अब सारी बातों को छोड़ते हैं और यहां पे फोकस करते हैं क्योंकि बेटा अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है अब मस्ती नहीं मेटलर्जी में मस्ती नहीं मेटलर्जी समझोगे अच्छे से पहले पिंकी प्रॉमिस करो तब मेटलर्जी पढ़ाई जाएगी पहले पिंकी प्रॉमिस करो कि मेटलर्जी को बहुत अच्छे से पढ़ोगे और अगर नहीं पढ़ने के मूड में हो तो बता दो क्योंकि उससे तो नंबर में आने वाला है पांच नंबर का चार नंबर का कुछ भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है वहां से पक्का अक्का पक्का सारा प्रॉमिस है ना ओ मेरे छोटे छोटे बाल पक्का डन है शुरू करें पिंकी का प्रॉमिस मत करो बेटा पिंकी प्रॉमिस कर लो पिंकी बेचारी वो पढ़ भी रही होगी आप उसका प्रॉमिस करके आपने पढ़ाई करो दिक्कत हो जाएगी है चलो फिर रेडी है सब तो यहाँ पे बेटा सबसे बड़ी चीज हमने आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन देख लिया है एक आपके सिलेबस में है दैट इज सोडियम क्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर्स की बात किया जाएगा तो वो आपके सिलेबस में है एंड वो हमें पढ़ना है और एक और है आपके पास दो है आपके पास एक ये है और एक आपके पास है बच्चा मैग्नीशियम क्लोराइड का राइट एक सोडियम क्लोराइड का है एक मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ पे हमें क्या बनाना है स्ट्रक्चर्स बनाकर दिखाने हैं तो अगर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड का मतलब है इसका क्या होता है एन ए सी एल जो सॉल्ट हम खाते हैं वो है अब मतलब क्या है ये है ये किससे बना सोडियम से बना है और कैल्शियम पे क्लोरीन से बना है अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिकेशन लिखेंगे के एल एम के एल एंड एम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम लिखने जाएंगे तो दो आठ एक दो आठ सात सत्रह होता है और ग्यारह होता है नॉन मैटलिक ऑक्साइड का नेचर जो होता है बेटा एसडिक होता है या वो न्यूट्रल भी हो सकता है ठीक है क्योंकि सुनील सर बेटा आप चाह रहे थे कि वो मैं पढ़ा दूं वो भी पढ़ाएंगे टेंशन मतलब सुनील सर जल्दी आपको मिलेंगे दर्शन देंगे आपको तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है आपके पास सोडियम है कैल्शियम है अब यहां पे खेल आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन देगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा अब दाता कौन है और लेने वाला कौन है अगर हम सोडियम की बात करें यह आता है मेटल कैटेगरी से अगर हम कैल्शियम की यहां पे क्लोरीन सॉरी नॉट कैल्शियम इज क्लोरीन आई एम सॉरी इज क्लोरीन नॉट कैल्शियम और ये क्या है नॉन मेटल है तो क्लोरीन आ रहा है नॉन मेटल से मतलब क्लोरीन की प्रॉपर्टी क्या है वो लेगा इलेक्ट्रॉन्स को राइट right? क्लोरीन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को लेगा सबसे बड़ी चीज है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को देगा हमने कहा दे दो अपने को क्या दिक्कत है है चिल ठीक है ये एक इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रॉन लेगा दोनों का ऑक्टेट पूरा दोनों का मकसद पूरा हो गया जिंदगी में वो स्टेबल हो गए रिटायर हो गए अब कोई दिक्कत नहीं है तो एक्जैक्टली वही होता है सोडियम को हम लेते हैं यहाँ पे सोडियम के पास हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉन एक इसने एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया है और क्लोरीन के पास हमारे पास सात है हमारी प्यारी क्लोरीन एक दो तीन चार पांच छः सात अब सोडियम को देना है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को लेना है एक इलेक्ट्रॉन आ बेटा सैंपल पेपर पर पे अगर पे जाओगे न, इस ना इस बार ना पैटर्न बहुत चेंज हुआ है ठीक है क्वेश्चन का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है नॉट एस टू एस ओ फोर बेटा क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो एस टू एस ओ फोर से कहा से ला रहे हो बच्चा क्या कर रहे हो आप लोग राइट right? तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसने कहा ओके बहन जी आप ले लो टेडी डे है ना आज क्या डे टेडी डे ना तो ये अपना टेडी है इसका एक इलेक्ट्रॉन वो टेडी उसको दे रहा है मिस्टर मिस क्लोरीन को दे रहा है सोचा इंप्रेस हो जाएंगी मिस क्लोरीन लेकिन मिस क्लोरीन क्या करेंगी मिस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेंगी और निकल जाएंगी मिस क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेंगी और अपना फर करके उड़ गई खत्म किया काम इन्होंने अपना अलग हो, हो गई राइट यहां पर यह चीज हो गई बच्चा तो यहां पे यही हो रहा है कि सोडियम बना क्लोरीन है इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने इलेक्ट्रॉन लिया काम हो गया खत्म इस तरह से हमने इसको बना दिया अब इसमें कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो बताओ अगर यहां पे इसको और तरीके से बनाया जाएगा तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो ये जो गोल गोल है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है और सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था वो क्रॉस उधर गया है तो यहां पे इस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ है और यहां पे आ जाएगा माइनस का वन ये माइन प्लस का वन है माइनस का वन है ये हो गया अब इसमें किसी को कोई डाउट है ओके बढ़िया 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 अच्छी बात है तो अब ये फॉर्मेशन तो हो गया ये बन गया नमक अब नमक बन गया तो कुछ और भी ट्राई करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड एमजीसीएल टू होता है बेसिकली अभी मैं बता रही हूँ ये एडवांस है ये मैंने फ्यूचर बता दिया है अभी इस फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर बना कैसे ये ये आया कैसे राइट मैग्नीशियम क्लोराइड आया कैसे ये देखते हैं अभी तो ब्रेक से आए हैं बेटा फिर ब्रेक रे क्यों कर रहे हो स्पैमिंग बेटा देखो मैं सिंपल से एक बात बता रहा हूं आपको लॉजिकली समझ लो बोर्ड सिर पे हैं बिल्कुल सिर पे हैं यहां पे हैं आपके बोर्ड्स और अब नहीं कराना तब भी मार देगा ब्लोट्स राइट अब बिल्कुल तब भी मारने पर खड़ा है वो तो अब मस्ती छोड़ दो अब पीक टाइम है अगर अभी मस्ती में रहे तो गाली निकल जाएगी राइट अगर मैग्नीशियम की बात करें मैग्नीशियम 12 है तो अगर इसको हम देखते हैं मैग्नीशियम को लेंगे दो आठ एंड दो के एल एम क्लोरीन हमारे पास वही है तो दो आठ सात अब बेसिकली क्या है मैग्नीशियम को देने हैं दो इलेक्ट्रॉन अगर उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो बेटा आपको सैंपल पर मैं, मैं बताती हूँ अभी रुक जाओ बच्चा अभी मैं आपको बताती हूँ ठीक है अभिनव अभी है अभी ओनली अभी नव है ओके अभिनव बेटा मैं आपको बता दूंगी टेंशन मत लो अभी इस कॉन्सेप्ट फोकस कर लो मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज फोकस कर लो क्योंकि वहां से नंबर मिलेंगे समझ लो तो यहां पे क्या है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है जो देने हैं लेकिन क्लोरिन तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अब ऑक्टेट के ऊपर तो लेगा नहीं तो क्लोरीन ने सोचा कि मेरे को तो चाहिए लेकिन हो सकता है मेरी जो ट्विन है दूसी दूसी है दूसरी दूसरी क्लोरीन जगह रह रही उसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन एंड उसने कॉल किया उसने कहा हाँ भाई चाहिए इलेक्ट्रॉन उसने कहा हाँ हाँ चाहिए तो वो भी आ गई इनके साथ तो यहां पे क्या हुआ एक क्लोरीन आई दूसरी क्लोरीन भी आ गई दूसरी क्लोरीन की ट्विन है तो थोड़ा सा रंग बदल देते हैं राइट तो हो गया दो आठ सात तो दो क्लोरीन आ गई हैं अब दो इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के पास तो मैग्नीशियम बेचारा वो हो गया एकदम खिलाड़ी होता है ना खिलाड़ी खिलाड़ी यहाँ पे बेचारा मिस्टर मिस्टर खिलाड़ी और मिसेस दो आ गई मिस दो आ गए इनके पास तो इनके तो अच्छे दिन शुरू हो गए तो ये हो गए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब इनके अच्छे दिन शुरू हुए तो क्लोरीन ने कहा अच्छे दिन शुरू हुए हैं तो चलो कोई नहीं क्या कर सकते हैं हर इंसान का दिन आता है इसका भी आ गया सात इलेक्ट्रॉन है अब इन्होंने क्या किया ले लिया एक एक इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम पे आ गए टू पॉजिटिव क्लोरीन ठीक है ओके okay, तो दो यहां पे मैग्नीशियम दो ए, दो मैग्नीशियम का मतलब चार्ज दो है और ऐसे लिखते हैं ना क्लोरीन का चार्ज और मैग्नीशियम के चार्ज को ऐसे कर देते हैं जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो यहां पे इसका फ्यूचर क्या बन के आ गया एम जी सी एल मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया है हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम का ना चैनल पे जाके देखोगे वहां पे सैम्पल पेपर के ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है सैंपल पेपर के जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो पीडब्ल्यू का जो इंग्लिश चैनल है वहां पे जाके आप चेक कर लो आपको हेल्प मिल जाएगी ठीक है आप काफी देर से पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रही दू यूपी बोर्ड में तो आई डोंट थिंक सो ज़्यादा ऐसा कुछ है बट हां सीबीएसई का अवेलेबल है वहां पर ओके यूपी का मुझे नहीं पता बेटा लेकिन सीबीएसई का अवेलेबल है तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन है यहाँ पे अगर आप देखोगे बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या बनेगा बॉन्ड क्या बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में जल्दी बताओ क्या बनेगा यहां पे जल्दी आंसर दो बेटा फटाफट से आंसर दो जल्दी आंसर दो बेटा बता रही समझ नहीं आया तो समझा रही रुको एक्जैक्टली दैट इज आयनिक बॉन्ड ओके दैट इज आयनिक बॉन्ड डान है डान है डान है ओके okay, अब यहां पर क्या है आयनिक बॉन्ड में होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स यहां पे होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है बेटा कि इतना क्लोजली पैक्ड होने की वजह से ये सॉलिड स्टेट में ही होते हैं ठीक है ठीके? इनको तोड़ा ऐसे नहीं जा सकता है ये सॉलिड स्टेट में ही आपको मिलेंगे एग्जैक्टली exactly, यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है राइट right? और इसके अलावा बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड का भी हमने देख लिया आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ये आइनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए अब यहाँ पे फोकस करो जल्दी से स्क्रीन से हटो यहाँ पे आओ फिजिकल प्रॉपर्टी मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम बात कर रहे हैं फिजिकल पॉइंट की फिजिकल स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है सॉलिड होते हैं ब्रेक इंटू द पीस इज वेन प्रेशर इज अप्लाइड क्या आप बता सकते हो सॉलिड होने के साथ साथ ये ब्रिटल कैसे हैं कोई बता पाएगा हाउ दे आर ब्रिटल इन नेचर मेरा रिद्धि ज्यादा एक्सेप्शन है ही नहीं ज्यादा एक्सेप्शन तो है ही नहीं आपको एक दो फिजिकल प्रॉपर्टी में ही तो एक्सेप्शन है बाकी तो एक्सेप्शन कहीं है ही नहीं <coughs> हाय उदय बच्चा दे आर सॉफ्ट नहीं मैंने सॉफ्ट बोला नहीं रेड पेन दिखता नहीं है बेटा स्क्रीन पे रेड पेन यूज करने से दिखता नहीं है आप लोग को ओके okay? तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा ब्रिटन लिखा हुआ है मैंने बहुत ध्यान से देखो मैंने यहां पे ब्रिटन लिखा हुआ है क्यों लिखा है समझो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला मैंने मैंने क्या बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एनी कंपाउंड में सही है कि नहीं है बात सही बात है कि नहीं है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसमें बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अब क्या हो रहा है अट्रैक्शन इतना ज्यादा है यहां पे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां बनाते हैं इसको ओके थोड़े रंग बदलते हैं काफी देर से बोर हो गए कुछ रंग कोई कलर सजेशन ग्रीन लेते हैं थोड़ा सा ओके ग्रीन रेडी है ओके तो कुछ इस तरह से होता है चार्जिस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड वेरी क्लोजली पैक्ड एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड है अब हमने क्या किया यहां पर मारा दे हथौड़ा राइट right? हमने क्या किया हमने दिया बहुत बुरा बना है ड्रॉइंग पे कोई हंसेगा नहीं राइट right? ड्रॉइंग पे कोई हंसेगा नहीं हमने मारा

अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम जाते हैं इसलिए ब्रेक करता है पीसेस में टूटता है बिखरता है मेल्टिंग एंड बॉलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका मेल्टिंग एंड पॉइंट हाई होगा क्योंकि दोस्ती जितनी गहरी होगी तोड़ने के लिए उतने ही ज्यादा साजुश से करनी पड़ेंगी तो यहां पे उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसीलिए इसका हाई होता है सॉलिबिलिटी की बात की जाए तो सोलिब एंड वॉटर होता है पानी में डाला टूट गए पानी में डालते ही टूट गए सॉलेबल इन वाटर होते हैं लेकिन इनसॉलेबल कैरोसिन हो गया पेट्रोल हो गया इसमें इनसॉलेबल होते हैं इसमें ये कलर इन दिखता है इसमें ये इनसॉलेबल होते हैं अब अगर मैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें अरे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसे होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसे होती है सॉल्वेंट जिसमें डाल के बेटा घोल रहे सॉल्वेंट इतने बड़े बड़े लेक्चर इसलिए क्योंकि बेटा एग्जाम पे है अब लेने पड़ेंगे ओके क्रेजी गेमिंग ये कैसा नेम है बेटा ओके 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 डन है इनकम बेटा तब होगी जब तो दसवीं पास करोगे दसवीं पास करो तो फिर इनकम भी आ जाएगी जब दसवीं पास कर लोगे तब मैं आपको इनकम सी वी रिज्यूम है सब बनवा दूंगी आपका टेंशन मत लो अभी पहले दसवीं पास करो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे जरूरी है तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं राइट right? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिक लाइक इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरी हाँ एग्जाम कैसे लिखना है वही बता दूंगी मैं ठीक है टेंशन मतलब वही बता दूंगी मैं तो यहाँ पे बेटा क्या है मॉल्टेड स्टेट का मतलब है अगर वो जुड़े हुए हैं इस तरह से तो फ्री स्टेट में नहीं है जब वो फ्री स्टेट में नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं कर पाएंगे अगर फ्री स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे लेकिन वो फ्री स्टेट में है ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे मॉल्टेड का मतलब है मेल्ट कर दिया है राइट मॉल्टेड का मतलब है उनको मेल्ट कर दिया है अलग अलग कर दिया है तो मोल्टे स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हो पाती है ओके मोल्टे स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हो पाती है बाकियों में नहीं हो पाती अगर सॉलिड स्टेट में जाएंगे तो नहीं होगी ओके सॉरी सॉलिड में जाएंगे तो नहीं होगी याद रखना तो यहां पे क्या है कंडक्ट नहीं करता है सॉलिड फॉर्म में क्योंकि आयन जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते लेकिन हम जब डालते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एन अगर सॉलिड फॉर्म में लेके जाएंगे तो इट विल बी एन ये कंडक्ट नहीं कर पाएगा फ्री स्टेट में नहीं है लेकिन अगर इसको हम पानी में घोल देंगे तो एन ए प्लस सी एल माइनस बन जाएगा ये प्रॉपर आयंस बनेंगे और ये कैन इजीली मूव कुछ इस तरह से ये वॉक कर सकते हैं तो पार्क में वॉक करते हैं ना ये आराम से टहल सकते हैं इनको कोई दिक्कत नहीं है मस्त टहलेंगे ठीक है, ये हो गया अब नेक्स्ट चलते हैं अभी तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है जितना हमने प्री ब्रेक से पहले पढ़ा अभी पढ़ा सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है थैंक यू एनीमी वॉज इज शॉर्ट मैन अभी तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है

टू मिनट टू मिनट देंगे बिल्कुल देंगे एक बार मैं देख लूं आप लोगों का क्लियर है कि नहीं सारे कॉन्सेप्ट दो मिनट दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है शायरी प्लीज शायरी 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 कितनी शायरियां सुनोगे आप लोग हाँ दाना है सब कुछ क्लियर है किसी को कोई डाउट है प्लीज चैट सेक्शन में पूछ लो बेटा मैं देख रही हूँ चलो ठीक है ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू आप शुरू करते हैं मेटलर्जी, जितने स्टार लगा सकते हो जितने स्टार लगा सकते हो इंपॉर्टेंट के लिए उतने स्टार लगा लो इस टॉपिक में आप जितने स्टार लगा सकते हो इंपॉर्टेंट के लिए कि मैम इंपॉर्टेंट के लिए क्या होता है उतने लगा लो यह उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट जितने लगा सकते हो समझ लो बेटा शुरू तो करने तो प्रत्युष तब तो बताऊंगी इसलिए क्या है वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा एक बार अपना नेट चेक करो मैटर के बारे में बताइए बिल्कुल बताएंगे फिलहाल अभी इसको पढ़ते हैं बेटा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका चलो चलो शुरू करें रेडी हो बेटा थको मत अब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हुआ है यार अब तो मत थको अभी मत थको अच्छा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी अब मैं आपको शायरी सुनाऊंगी पक्का मस्ती शायरी सुनाऊंगी मैं आपको ठीक है डन है ओके तो अगर पढ़ने पढ़ोगे अच्छे से तो मस्त शायरी मिलेगी वरना फिर कुछ नहीं मिलेगा पढ़ाएंगे तो फिर भी चैप्टर तो फिर भी कम्प्लीट होगा नेम इज स्नेहा ओके चलो बेसिकली बेटा मेटलर्जी होती क्या है सबसे पहले यह समझो मेटलर्जी है क्या यह समझो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है मेटलर्जी है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो भी साइंस बोल सकते हो ओके okay? तो मेटलर्जी है कि हाउ कैन वी गेट द मैटर्स एक्सट्रैक्ट द मैटर्स अब ये सारा खेल है यहां पे समझने का आगे चलते हैं। सो डू यू हैव आइडिया अबाउट द सोर्स ऑफ मैटल क्या आपको सोर्सेस का आइडिया कहां से मिलता है मैटल आपको पता है कहां से मिलेगा मैटल प्रत्युष बेटा मैं इसको ना एज अ स्पैम काउंट करूंगी मैं आपको बोल रही हूं कि सारी चीजें कवर होंगी तो होंगी राइट होंगी तो होंगी टेंशन मत लो एक सीक्वेंस में चलो वरना दिक्कत हो जाएगी ओके तो फाइन बच्चा फाइन फाइन तो यहां पे अगर आप देखोगे कि आइडिया क्या है मतलब कहां से मिल सकता है बेटा और कहां से आएगा ये तो बता दो और तो बताओ कहां से आएगा क्या बोल रहे एक मिनट रुको जरा क्या बोला है मैं बता दूंगी पहले ही आपको ठीक है अर्थ क्रश में मिल सकता है या सी वाटर में भी मिल सकता है ऐसा नहीं है कि सी वाटर में अवेलेबल नहीं होगा सी वाटर में भी मिलेगा और अर्थ क्रस में भी मिलेगा आपको यहाँ पे सोसेस अगर हम बात करते हैं तो राइट तो यहाँ पे क्या होगा किसी भी फॉर्म में मिल है यहाँ पे एलिमेंट्री फॉर्म में मिल सकता है कंपाउंड फॉर्म में मिल सकता है तो अगर यहाँ की बात करें सी वाटर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है कंपाउंड फॉर्म में मिलता है सी वाटर में राइट right? जब भी हमारे मेटल्स है वो कंपाउंड फॉर्म में मतलब किसी साल कंबाइन हो रखे हैं ओके कंबाइन फॉर्म में मिल रहे हैं वहां पे बिल्कुल सॉन्ग गाया जाएगा बेटा शायरी भी सुनाई जाएगी टेंशन मत लो लेकिन अभी फिलहाल पढ़ लो मेरे बच्चों पढ़ लो पढ़ लो आगे बढ़ते हैं अब यहां पे बात कर रहे हैं लेट लाइक लेट्स स्टार्ट नोइंग मोर अबाउट द मेटल्स क्या है हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली हमने रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ ली उसके बेसिस में हमने रिएक्टिविटी के बेसिस में हमने एक सीक्वेंस भी क्रिएट कर दिया कैसे सीक्वेंस क्रिएट हुआ कैसे हमने उसको प्रूफ किया कि ये सीक्वेंस सही है हमने वो भी देख लिया अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो रिएक्टिव मैटल है फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी रिएक्टिव राइट ये क्या है आपके एक्स्ट्रो है राइट ये क्या है आपके एक्स्ट्रो right? है आपके अब जो एक्स्ट्रो वर्ड्स होते हैं वो दोस्ती जल्दी करते हैं कि नहीं करते बताओ जो एक्स्ट्रो वर्ड्स होते हैं वो कितने अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं। हा हाय हेलो हा, यस यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ऐसा होता ना ऐसा चलता है अब अगर ये चीज है बेटा यहां पे कि आपके एक्स्ट्रो वर्ड्स हैं आपके जो मैटल्स है हाईली रिएक्टिव मैटल है तो जब इतने एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो क्या वो कभी अकेले रहते हैं उनके पास हमेशा एक ग्रुप होता है हमेशा दोस्त होते हैं कि नहीं होते? होतेरिक होता है बच्चा जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर ले वो एम्फेटेरिक है राइट तो ये गए हमारे एक्सट्रोवर्ट्स और जो ये लो रिएक्टिव है ये इंट्रोवर्ट्स है ये दोस्ती करते हैं लेकिन कम लोगों से करते हैं राइट right? कम लोगों से करते हैं सबसे नहीं करते हैं और इसके भी बाप बताए कौन है इंट्रोवर्ट के भी बाप कौन है वो हमारे ये हैं, एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट दे आर एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट राइट देर एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट ये तो किसी से दोस्ती करेंगे ही नहीं मैं अकेला ठीक हूं मैं अकेले जिंदगी जी सकता हूं ये एक्सट्रीम लेवल है और ये जो बीच में हमारे पास है मीडियम रिएक्टिव ये क्या है इनका क्या नेचर होगा बताएगा कोई इनका नेचर क्या होगा बेटा सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे थर्माइट रिएक्शन भी पढ़ेंगे टेंशन मत लो यस एम बी वर्ड है किसी के साथ दोस्ती कर लेंगे किसी के साथ नहीं करेंगे ऐसा नेचर है तो इस तरह से जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते ही मिलते हैं अगर हम बात करते हैं मीडियम रिएक्टिव मैटर की तो वो कभी तो कंबाइंड मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे डिपेंडेंसी है इंटोवर्ड की होती है कि वो नहीं मिलते हैं और ये जो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ड है प्रजाति हमारी एक्सट्रीम की जो प्रजाति है वो तो दोस्ती करेगी ही नहीं कुछ भी हो जाए वो तो किसी के साथ बैठेगी ही नहीं उसने कसम खा रखी है राइट उसने कसम खा ली है वो नहीं बैठेगी तो ये जो दो होते हैं ये जो दो कैटेगरी हैं ये आपको कंबाइंड स्टेट में मिल जाएगी मतलब कंबाइंड होगी किसी के साथ अब जो होते हैं बेटा ये दोनों तरह से हो सकते हैं ये फ्री स्टेट भी मिलेंगे अगर चांस कोई दोस्त नहीं मिला बाई चांस इनको कोई वाइब मैच करने वाला नहीं मिला वाइब मैच नहीं हुई तो सिंगल रह लेंगे कोई दिक्कत नहीं है और अगर कोई मिल गया तो माशाल्लाह माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पे क्या है की अगर बात करें तो फ्री स्टेट की तो ये क्या है कंबाइंड स्टेट में, में मिलेंगे तो ये होगा right? क्योंकि ये तो दोस्ती करेंगे ही नहीं ब्रह्मा भी नीचे आ जाए कि भैया दोस्ती कर लो हमसे फ्रेंडशिप कर लो कहेंगे नहीं करनी ही नहीं है हमको करनी ही नहीं है तो ये तो करेंगे ही नहीं ये कर सकते हैं दोनों फॉर्म में और ये तो एक्सट्रीम लेवल है ये अपना कपल में रहते हैं सिंगल नहीं रहते हैं इनकी सिंगल लाइफ पॉसिबल ही नहीं है ये सिंगल रह सकते हैं कभी कभी ब्रेकअप हो गया तो सिंगल है नहीं हुआ तो रह लिया साथ में ये सिंगल है अखंड सिंगल इनका कोई लेवल ही नहीं मैच कर सकता है ओके आगे बढ़ते हैं चलो एक काम करते हैं शायरी सुननी ना सबको पढ़ना नहीं है ना शादी सुननी है बताओ शादी सुननी है आपको मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ मैं आती हूँ बेटा एक्सट्रीम इंटोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट ले लो पता नहीं आप बता दो कौन सी कैटेगरी में आएंगे चलो ठीक है तो शायरी है गालिब ध्यान दिया जाए ठीक है मैम की फर्स्ट शायरी है लाइव क्लास में ध्यान दे सब लोग ध्यान दे फोकस करें ओके तो बेटा अभी हम लोग अगर टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे ना आपके नंबर जाएंगे पक्का ओके तो स्टार्ट कर लें सबसे पहली जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि मिनरल्स एंड ओर्स क्या होते हैं ये क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है राइट right? इसका क्लारीफिकेशन बहुत जरूरी है कि ये क्या है मेरा नाम क्या है बैनामा आचल बच्चा okay? ओके चलो तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनरल्स क्या हैं और ऑर्स क्या हैं हमें ये पता है हम मेटल्स ओर से निकालते हैं तो अगर ओर से मेटल निकाल रहे तो फिर मिनरल क्या चीज है ये मिनरल्स हैं क्या तो ये देखते हैं बेटा एक बार तो यहां पे ध्यान दो बच्चा अगर हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओरस और मिनरल्स में मिनरल्स हम निकालते हैं जब भी हम अर्थक्रस्त से कुछ निकाल रहे हैं तो वो क्या निकाल रहे हैं हम मिनरल्स निकाल रहे हैं याद रखना अर्थक्रस्ट से हम क्या निकाल रहे हैं मिनरल्स निकाल रहे हैं अब से हमने निकाला तो हमें इतनी सारी चीजें मिली है उसमें से कौन सी हमारे लिए सूटेबल है किस जो हमें चाहिए किस पैरामीटर पे वो सूटेबल है उसके बेसिस में काम करेंगे तो अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं मिनरल्स क्या है जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो हम लोग माइनिंग कर रहे हैं खुदाई करके जो निकाल रहे हैं राइट खुदाई करके जो निकाल रहे हैं वो आप फ्री स्टेट में हो कंबाइंड स्टेट में हो कोई भी स्टेट हो अब हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने कुछ निकाला है अर्थ क्रस्ट से राइट तो यहां पे और उसमें क्या है मेटल है <coughs> ये कंडीशन उसमें क्या है मेटल है तो वो फ्री स्टेट में हो या कंपाउंड स्टेट में हो किसी में भी हो उसको मिनरल्स बोलेंगे याद रखो मिनरल्स क्या है हम क्रस से जो भी निकाल रहे हैं वो कोई भी स्टेट में हो फ्री कंबाउंड किस भी हो कोई लेना देना नहीं है अभी से भी यह है कि क्रस से निकाला मिनरल्स है अब जब मिनरल्स मिल गए तो मिनरल्स में से फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए सोडियम राइट सोडियम के मेरे पास है बहुत सारे मिनरल्स बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं लेकिन द पॉइंट इज दैट गाइज कि हमें चाहिए एक ऐसा सस्ता टिकाऊ ऑप्शन जिससे हमें कम पैसे लगा के ज्यादा मैटर मिल जाए हमें तो सस्ता टिकाऊ ऑप्शन चाहिए अब हमें काम करते हैं हमने सारे मिंडस लिए अब हमने मिंडस में एक प्रोसेस करना शुरू किया प्रोसेस में लगा पैसा प्रोसेस में लगा टाइम अब टाइम और पैसा जब लग गया है प्रोसेस में और हमें मिलकर रहा है आउटपुट इतू सा For example, आप पढ़ो इतनी देर तक और जाके एग्जाम में कुछ ना लिख के आओ दो नंबर का लिख के आओ तो क्या होगा आउटपुट बेकार है ना तो वही है मेहनत तो आपने पूरी करी आप एग्जाम देने भी गए आपने तीन घंटे का एग्जाम भी लिखा सब कुछ कर लिया नंबर नहीं आए तो आप क्या करें तो बेटा यहाँ पे यही कंडीशन होती है ध्यान दो कि किस वो होते हैं ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स ही होते हैं लेकिन और हम लोग पिक करते हैं जिससे हम अच्छे खासे परसेंटेज में कन्वेंशनली और इकोनॉमिकली अपने मेटल्स को लेके आ पाए इकोनॉमिकली का मतलब तो समझ गए होगे कि सस्ता टिकाऊ ऑप्शन हो हम अगर एक प्रोसेस करें तो एक प्रोसेस में हमें प्रॉफिटेबल अमाउंट का मेटल मिल जाए कन्वेंशनल का मतलब ये होता है बेटा जब भी हम अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं चीजें तो वहां पे प्योरिफाई तो लगा नहीं हुआ है कि मेटल प्योर होके निकल आएगा राइट वहां पे इंप्योरिटीज भी एड ऑन होंगी अब कौन सी इंप्योरिटीज को हटाना हमारे लिए इजी है या कन्वीनियंट है राइट इजी है या कन्वीनियंट है उसके बेसिस में हम यहाँ बात करेंगे तो ऑर्स होते हैं वो जो हमें इम्प्योरिटीज भी आराम से रिमूव करने दे देंगे और अच्छे खासे अमाउंट में मेटल भी दे देंगे तो ये हमारे बन गए ओर्स तो एक स्टेटमेंट याद रखो ऑल ओर आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर क्योंकि हम अर्थक्रस्ट से बेटा जो भी निकाल रहे हैं जो भी निकाल रहे, हैं, भी निकाल रहे हैं वो मिनरल्स है अब उस मिनरल से हम पिक कर रहे हैं उस मिनरल कैटेगरी से हम पिक कर रहे हैं क्या हमारे ओर्स को ओर्स को हमने कैसे पिक किया ओर्स को हमने कैसे सिलेक्ट किया वो इकोनॉमिकली अवेलेबल है अच्छे सस्ते में में मिल रहे हैं एंड यहाँ पे हमें उनकी इंप्योरिटीज रिमूव करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है तो ये हो गया ओर्स अब यहाँ पे अगर आप बात करते हो जैसे अल्मोनियम की बात कर रहे हैं तो अल्मोनियम के लिए हमारे पास बहुत सारे ओर्स अवेलेबल हैं हमारे पास बॉक्साइड भी अवेलेबल था हमारे पास चाइना क्ले भी अवेलेबल थी बट अगर हम बात करते हैं प्रोसेस के लिए जब भी हम ओर को पिक करते हैं राइट कोई मिनरल पिक करते हैं अल्मूनियम को निकालने के लिए तो हमेशा हमारा प्रेफरेंस रहता है, है बॉक्साइड को क्योंकि तो बॉक्साइड से अच्छे खासे अमाउंट में हमको मिनरल सॉरी अच्छे खासे अमाउंट में हमें मेटल मिल जाएगा काफी अच्छे अमाउंट में मेटल मिल जाएगा ओके अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट में तो यहां पे बेटा क्या है अब ओर जो होते हैं आपको तीन टाइप में मिलेंगे ओर जो है वो तीन फॉर्म में मिलेंगे या आपको ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे एक तो फ्री है फ्री स्टेट तो अलग हो गई फ्री स्टेट वालों की तो हम बात नहीं करें एक फ्री स्टेट में अगर हमारे पास ओर है इसको हटाते हैं तीन तरह के ओर होंगे या ऑक्साइड फॉर्म में होंगे आपके पास या सल्फाइड फॉर्म में होंगे या आपके पास कार्बोनेट फॉर्म में होंगे तो तीन तरह से और मिलेंगे आपको या ऑक्साइड बना ऑक्साइड बनाया होगा उन्होंने या उन्होंने बना दिया होगा कार्बोनेट या उन्होंने सल्फाइड बना दिया होगा क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर बन रहे हैं और जब बन रहे हैं तो उनके सराउंडिंग में और भी तो चीजें होंगी उनके इन्फ्लुएंस में तो आएंगे ही ना कनेक्ट तो करेंगे ही ना हम चाहें जितना ना चाहें लेकिन जो हमारी सराउंडिंग्स होती है उनमें जब रहते हैं तो कनेक्ट तो करते ही हैं ना मजबूरी ही सही कनेक्टिविटी तो दिखाते ही हैं तो वही चीज़ हो रहा है बेटा मजबूरी ही सही लेकिन कार्बोनेट और सल्फाइड्स या ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है ओके okay? नेक्स्ट में चलते हैं अब यहाँ पे कुछ कॉमन ओर्स के बारे में एक बार बात करते हैं बेटा ये याद कर लेना थोड़े से और कॉमन है इसलिए याद करने को मैं बोल रही हूँ आपको क्योंकि एग्जाम में बाई चांस एम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाई चांस अगर उनको थोड़ा सा लेवल सही रखना है ना सस्ता लेवल रखना है तो ये पूछ लेंगे लेकिन जिस हिसाब से अभी आपका आया है ना पेपर तो प्रैक्टिस पेपर में इन्होंने लेवल आपको आपको क्या आपका सिलेबस दिया ये राइट आपको सिलेबस दिया है ये सैंपल पेपर के सपने दिखा ये और अभी जो पेपर आ गया है आपका प्रैक्टिस पेपर वो है ये ये डिफरेंस है ये सिलेबस दिया है आपको राइट यहां पे आपको सैंपल पेपर था आपने सोचा सैंपल पेपर इजी है हम तो कर लेंगे ले बिल्कुल ही प्रैक्टिस पेपर तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स दे दिया है तो प्रैक्टिस पेपर को दिमाग में रख के पढ़ाई करनी है ठीक है क्योंकि प्रैक्टिस पेपर क्या है सबसे टफेस्ट लेवल बोल सकते हैं राइट सैंपल पेपर द ओके लेवल वहां पे आप लोग आराम से उसको अचीव कर सकते हो मुझे पता था वो आराम से हो जाएगा आपसे लेकिन अगर आप प्रैक्टिस पेपर की बात कर रहे हो और वहां पे हिट करना है तो बेटा प्रिपरेशन इस लेवल की ही रखनी पड़ेगी ये जो ग्राफ आपका ये चल रहा था ना इसको पीक यहाँ पहुंचा दो अब अगर पीक यहाँ नहीं पहुंचाई तो दिक्कत होगी आप बस कॉन्सेप्ट पढ़ो पीक ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगी टेंशन नहीं लेनी है सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है और पीक ऑटोमेटिकली वहां पर होगी आपके पास ठीक है तो यहां पे कुछ और से जो आपको याद करने हैं जैसे कि आप सोडियम का और सबसे ज्यादा जो है रॉक सॉल्ट है जो हम यूज करते हैं ये तो घरों में भी यूज करते हैं बेटा रॉक सॉल्ट हो गया आपका अल्मोनियम का हमारे पास बॉक्साइड यूज करते हैं जिंक के लिए जिंक ब्लेंड एंड कैलमिन भी, भी यूज करते हैं ये क्या है कैलमिन ये देखो यहां पे देखो डिफरेंस दिखेगा सल्फाइड और दिख गया ये ऑक्साइड और है राइट ये वाला ऑक्साइड और है आपका ये सल्फाइड और है ये कार्बोनेट और है जिंक के ही दो ओर हैं और एक सल्फाइड और एक कार्बोनेट है राइट तो तीनों तरह के ओर हो गए आपको यहाँ पे क्या मिल गया ऑक्साइड का ओर दिख गया सल्फाइड का और दिख गया कार्बोनेट्स का ओर दिख गया अब अगर हम आयरन की बात करेंगे तो हेमेटाइड और मैग्नेटाइड राइट हेमेटाइड और मैग्नेटाइड और दोनों ऑक्साइड्स और हैं आयरन के ऑक्साइड्स और हैं अब यहां पे अगर अगर बात करते हैं कॉपर ग्लांस की तो यहां पे सल्फाइड और सिल्वर में भी अगर बात करें सिनेबार की तो आपका क्या है सल्फाइड और है ये अब ये क्यों आया है वेरिएशन क्यों आया है क्यों जिंक ने सल्फाइड और कार्बोनेट्स और बनाया और बॉक्साइड ने आपका आयरन सॉरी ऑक्सीजन के साथ बनाया राइट ऑक्साइड बनाया तो यहां पे क्या है ऑक्साइड ओर है यहां पे, पे क्या है आपका सल्फाइड और कार्बोनेट है यहां पे भी आपके पास ऑक्साइड्स हो रहे हैं। यहां पे सल्फाइड्स है यहां भी सल्फाइड्स है अब आपको दिमाग में यही घंटी बज रही होगी मैम ऐसा क्यों कोई ऑक्साइड का ओर बना रहा है कोई ऑक्साइड बना रहा है ओर में कोई कार्बोनेट बना रहा है कोई सल्फेट बना रहा है ऐसा क्यों और सेम मैथर्ड दोनों तरह के भी बना रहे हैं अब ये सवाल आएगा दिमाग में तो जवाब भी मिलेगा अगर दिमाग में सवाल आया तो जवाब भी मिलेगा तो एक चीज याद रखना बेटा जो मोस्टली ओर्स होते हैं ना वो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे मोस्टली ओर्स मोस्टली ओर्स जो है आपको वो ऑक्साइड फॉर्म्स में मिलेंगे और ऑक्साइड फॉर्म में मिलना इसलिए मतलब इसलिए ऐसा बोल सकते हैं ऑक्साइड फॉर्म में, में ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है नेचर राइट ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर एंड ये जो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है ये क्या है अबेंडेंट है अर्थ में बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ में तो ये क्या करते हैं जो हमारे मिनरल्स होते हैं हमारे जो मेटल्स uh, होते हैं ये इनके साथ क्या करते हैं कंबाइन हो जाते हैं छिपक जाते हैं और इजली अवेलेबल है इजी वीजी लाइफ है तो क्यों कॉम्प्लिकेशन कर ली ऑक्सीजन ईजली अवेलेबल है तो ऑक्सीजन के साथ क्या किया कंबाइन करके दोस्ती कर ली काम हो गया आगे बढ़ते हैं अब यहां पे देखते हैं भाई लिख लो क्या पता एग्जाम में आ जाए यूपीएससी में आ जाए लिख लो यूपीएससी में आ जाएगा तो यहां पे क्या है मेटलर्जी क्या होता है बेटा अगर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो प्योर स्टेट में हमें एक्सट्रैक्ट करना है एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है खींच के निकालना एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है खींच के निकालना तो मेटलर्जी जो प्रोसेस है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है इन प्योर स्टेट हमें प्योर मेटल मिलता है एक्सट्रैक्शन के बाद पहले वो कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है जैसे ऑक्साइड है वो कंबाइंड फॉर्म में है

अब उसके लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे इतना पढ़ाई करनी पड़ेगी तो अब शुरू करते हैं कहानी बेटा अब यहाँ से शुरू हो रहा है ठीक है बिल्कुल तैयार हो जाओ आराम से बैठ जाओ कि भैया अब पढ़ने वाले हैं बहुत बढ़िया टॉपिक मजे आ जाएंगे तो यहाँ पे इस मेटल को निकालने के लिए जमीन से लेके हमारे घर तक का सफर ये कैसे मेटल कवर करता है हम वो देखने वाले हैं तो मल्टीपल स्टेप फॉलो होते हैं पहला स्टेप होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर जब हमने पिक कर लिया कि हम किस वाले मेटल से निकालेंगे मतलब किस वाले मिनरल से निकालेंगे अपना मेटल तो उसको नाम दे दिया ओर ओर अब उस को हम क्या करेंगे वो देखते हैं खिलवाड़ कहां शुरू होती है हमने ओर पिक किया सबसे पहला काम किया हम गए हमने अर्थ क्रश से मिनरल निकाला मिनरल में चेक किया ये वाला चाहिए ये वाला चाहिए ये वाला चाहिए उसे एक पिक किया और और लेके आए अब और के बेचारे को ये सारे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा और को देखो और को क्रशिंग और ग्राइंडिंग से निकलना पड़ेगा पहला स्टेप बेचारे के साथ फिर उसको कंसंट्रेशन करेंगे उसका देन हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर्स राइट right? एक्सट्रैक्शन करेंगे कंसिडर और से रिफाइनिंग करेंगे प्योरिफिकेशन बोल सकते हैं रिफाइनिंग बोल सकते हैं प्योरिफिकेशन बोल सकते हैं तो ये सारी चीजें हम करेंगे या फिर आप बोल सकते हैं यहां पे प्योरिफिकेशन करेंगे तो ये सारी चीजें आज करनी पड़ेंगी हमने को तब तो और को देख लो कितने स्टेप से फॉलो करना पड़ता है कितने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और ये सारे स्टेप आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि किसी भी स्टेप से क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा सारे स्टेप उसमें इन्वॉल्व होंगे और तब आप उसका आंसर निकाल पाओगे मनन आंसर निकाल पाओगे राइट एक बार बेटा ध्यान से देखो सारे स्टेप्स को ठीक है समझ आ रही है कोई दिक्कत ये रही बेटा मेटोलॉजी की डेफिनेशन देख लो एक बार कोई बात नहीं मांशु अभी मेरा टॉपिक स्टार्ट हुआ है ओके <coughs> okay. तो ये बेटा यहाँ पे हमने देख लिया कि हमें स्टेप फॉलो करने हैं। अब इन स्टेप को एक एक करके करेंगे देखो मैं पहले बता दूँ ये दो स्टेप सारे सारे कोई भी और ले आओ आप ठीक है आप ऑक्साइड का और ले आओ आप सल्फाइड का और ले आओ आप कार्बोनेट का और ले आओ या आप हेलाइट का और ले आओ आप कोई भी और लेके आ जाओ जेड कोई भी और ये दो स्टेप जो हैं ये क्या होंगे कॉमन होंगे राइट right? ये दो स्टेप क्या होंगे बेटा कॉमन होंगे आपके ये सारे में करना पड़ेगा दो स्टेप आप कोई भी मैटर ले क्या उसका कोई भी ओर है ये दो स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द ओर जो हमारे पास प्रेजेंट है ये दो स्टेप वेरी करेंगे राइट right? उसके बेसिस पे ये दो स्टेप क्या करेंगे वेरी करेंगे लेकिन ऊपर के दो स्टेप सब में कॉमन रहेंगे याद रखो ये चीज ओके okay? अब पहला स्टेप देखते हैं पहला स्टेप क्या है बेटा आपका दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग क्रशिंग का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे बेटा अगर फॉर एग्जांपल हम एक ओर लेके आ रहे हैं तो कुछ इस तरह का ओर है रॉ ओर है ये ये क्या है आपका रॉ ओर है किसी का भी ले लो एक्स जेड कोई भी ले लो आपको जो अच्छा लग रहा है वो सोच लो ठीक है अब क्रशिंग का मतलब क्या है इसको क्रश करना है एकदम ऐसे क्रश करना है ग्राइंड करना है पीस देना है बिल्कुल पाउडर बना देना है इसका एकदम पीस पास के इसका पाउडर बना देना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कुछ इस तरह से इसके डिफरेंट मैथड होते हैं वो हमें नहीं पढ़ने सिलेबस में हमारे नहीं है डिफरेंट मैथड तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे फोर्स लग रहा है ऊपर साइड यहाँ से सा भी फोर्स लग रहा है नीचे साइड और इसको क्या कर रहा है दबाया जा रहा है दबा के रोटेट कर देंगे और इससे इससे क्या बन जाएंगे? इससे बन जाएंगे जाएंगे हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े आ जाएंगे और के, और के क्या छोटे छोटे टुकड़े आ गए कैसे आए क्योंकि इसकी करी गई है क्रशिंग इसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग कर दी गई है तो यहाँ पे इसके छोटे छोटे टुकड़े आपको दिख गए हैं तो यहां पे आप इसको आराम से देख सकते हो क्या बन गया पार्टिकल्स का साइज हो गया एकदम छोटा सा तो यहाँ पे क्या किया आपने ग्राइंडिंग है और क्रशिंग है मतलब रखा और मसल दिया खत्म कर दिया काम उसका नेक्स्ट अगर जाएंगे बेटा टॉपिक पे ओके okay, नेक्स्ट में जाएंगे यहां पे क्या है एनरिचमेंट ऑफ ओर कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी बोल सकते हो आप तो बेसिकली यहां पे हम लोग इंप्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इम्प्योरिटीज का रिमूवल चल रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं स्टेप को कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी बोल रहे हैं कंसंट्रेशन ओर का मतलब क्या है कि जो अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट है उस ओर में वो बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो इंप्योरिटीज थी उसको निकाल के हमने दिया है फेक कैसे किया है तो यहां पर आप देख सकते हो रिमूवल किया है अनडिजायर्ड फॉरन इंप्योरिटीज का मतलब जो हमें चाहिए ही नहीं हमारे काम की नहीं है जैसे हमारे दोस्त होते हैं यूजलेस कभी कभी हमारे दोस्त होते हैं यूजलेस तो उनको क्या करना होता है उनको निकाल देना होता है राइट अगर कहीं ऐसे आके बैठ जाए तो उनको क्या गेट आउट तो वही होता है तो यहां पे क्या है फॉरेन जो होती है, बेटा इनको हमें निकालना होता है गेट आउट बोलना होता है और से तो गेट आउट बोल दिया तो वो फॉरेन इंप्योरिटीज क्या होती है बेटा सैंड होती है क्ले होता है रॉक की मटेरियल होते हैं मतलब छोटे छोटे रॉक जो होते हैं राइट ये क्या है आपके क्लास बेटा बहुत लंबी चलेगी साक्षी बैठ जाओ बेटा पानी लेकर बैठ जाओ क्लास लंबी चलेगी अभी तो गैंगुई पार्टिकल्स बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं गैंगुई पार्टिकल्स गैंग गैंग होते हैं ना गैंग पार्टिकल्स वैसे होता है गैंगुई पार्टिकल्स है ये तो ये क्या है सैंड क्ले और रॉकी मटेरियल बना रहे और इनको हमने रिमूव कर दिया है तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास हम लेके आए अपना और, हमने सिलेक्ट किया और को उसको किया क्रश उसको किया ग्राइंड जब क्रश और ग्राइंड कर दिया अब उसके अंदर से आलतू को, को निकाल के बाहर फेंक दिया उसके बाद क्या करेंगे अब जब बाहर फेंक दिया है इंप्योरिटीज को अब आ गया है ये चार्ट तो इसको ध्यान से देखो इस चार्ट को ध्यान से यहां पे देखो क्या चल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास कंसंट्रेशन और ओर ले आयो ये कॉमन है पॉइंट राइट ग्राइंडिंग कॉमन है कंसंट्रेशन कॉमन है ये लाइक दिस इज कॉमन फॉर एवरी ओर इधर इट कैन बी कार्बोनेट और सल्फाइड और ऑक्साइड सबके लिए कॉमन है अब क्या है आपके पास यहां पे कैटेगरीज है यू हैव मल्टीपल कैटेगरीज तो यहां पे अगर आप कैटेगरीज में जा रहे हो और कैटेगरीज को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी का एक कैटेगरी है मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के एक सीरीज में अगर आप देखोगे और एक आप देखोगे हाई रिएक्टिविटी जब ने सीरीज बनाई थी ना अपने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एमबीवर्ड की ये वही सीरीज के हिसाब से हम लेके आए हैं अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चा तो इनके पास किस किस तरह के ओर्स मिल रहे हैं मैंने बोला था वैरायटी ऑफ ओर अवेलेबल हो रही है वैरायटी ऑफ और किस बेसिस पे मिल रही है वो डिपेंड करता है वो कैसे मिल रही है पे पे रिएक्टिविटी के बेसिस जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एक्सट्रीम लेवल रिएक्टिव है नेचर वहां पे क्या है आपको मॉल्टेन और यहाँ पे आप मिल जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे हम लोग डायरेक्ट मिल जाएंगे फ्री स्टेट में मिल सकते हैं अगर हम बात कर रहे हैं आपके पास मीडियम रिएक्टिव की राइट मीडियम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो कार्बोनेट और मिल रहे हैं और सल्फाइड्स और मिल रहे हैं राइट right? तो यहाँ पे क्या है कार्बोनेट्स और हैं सल्फाइड्स और हैं अब हम बात कर रहे हैं लो रिएक्टिविटी की तो लो रिएक्टिविटी में भी आपको क्या मिल रहा है बच्चा सल्फाइड्स और मिल रहे हैं अब हमारे पास दिक्कत ये आ रही है कि अब करें क्या क्योंकि बेटा ऑक्साइड और से मेटल का निकालना तो आसान होता है लेकिन कार्बोनेट और सल्फाइड और से मेटल का निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है बड़ी दिक्कत हो जाती है अब इस दिक्कत को हम कैसे सॉल्व करेंगे हम इस दिक्कत को सॉल्व करेंगे रोस्टिंग के थ्रू जब भी हमारे पास सल्फाइड और होगा हम उसकी कर देंगे रोस्टिंग इनमें एक स्टेप एड ऑन हो रहा है हमने चार स्टेप पढ़े थे इस केस में एक स्टेप एड ऑन हो रहा है क्यों क्योंकि हमें चाहिए ऑक्साइड का ओर हमारे पास किसके ओर प्रेजेंट है सल्फाइड के ओर प्रेजेंट है हमें क्या करना है इसको ऑक्साइड की ओर में चेंज करना है इसलिए इसको इसको क्या क्या किया है 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 रोस्टिंग रोस्टिंग कर दिया है। इसको क्या बोला गया रोस्टिंग। ये एक एड-ऑन एड-ऑन स्टेप स्टेप कार्बोनेट और है, तो इनसे भी मेटल का एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट है। तो हमें इसको ऑक्साइड में लेके आना है राइट right? मेटल के ऑक्साइड में लेके आना है तो जब मेटल के ऑक्साइड में लेके आना होगा तो रिडक्शन होगा मेटल का रिडक्शन के बाद इसका प्योरिफिकेशन होगा राइट right? रिडक्शन के बाद इसका प्योरिफिकेशन होगा तो हर एक टाइप के ओर के लिए स्टेप्स वेरी करेंगे याद रखना चार स्टेप सब में नहीं होंगे स्टेप्स वेरी करेंगे कि कौन सा ओर है आपके पास और उसमें कौन सा वहां पर कौन सा ओर बन रहा है इसके बेसिस में आपके एवरी टाइप में क्या होगा वेरिएशन आएगा स्टेप में याद रखना स्टेप में वेरिएशन आएगा क्यों वेरिएशन आ रहा है बेटा क्योंकि डिफरेंट टाइप के ओर प्रेजेंट है हमारे पास बिल्कुल ध्यान रखो दिमाग में बैठा लो कि डिफरेंट टाइप के और प्रेजेंट है इसीलिए स्टेप्स में वेरिएशन है एक यूनिवर्सल अगर नम, लग, बोल थे स्टेप काउंट कर रहे हैं तो वो यूनिवर्सल नहीं है फॉर एवरी काइंड ऑफ ओर इट वेरीज राइट इट वेरीज तो यहां पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे लो रिएक्टिव मैटर्स के लिए मतलब कि एकदम लो रिएक्टिव मैटर्स तो पहला दूसरा स्टेप तो सब में कॉमन है हमने क्रशिंग करी है ग्राइंडिंग करी है कंसल्टेशन के थ्रू वहां से निकाले हैं इंप्योरिटीज अब यहां पे अगर हम बात करेंगे स्टेप वन इज कॉमन स्टेप टू इज कॉमन पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑल द बेस्ट हिमांशु फॉर योर बोर्ड बच्चा अभी बता रही बेटा कैलकुलेशन क्या होता है रुक जाओ कोई प्रॉब्लम है बेटा यहां पे जल्दी बताओ बच्चा यहां पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है आपको ओके okay, है अब स्टेप थ्री हमारा रोस्टिंग है स्टेप थ्री क्या है? हमारा रोस्टिंग है लो रिएक्टिव मेटल में हमें क्या मिलते हैं सल्फाइड्स और मिलते हैं तो हम ये बोलेंगे कि सल्फाइड्स ओर में हम कर रहे हैं रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स में हम कर रहे हैं रोस्टिंग रोस्टिंग क्या होता है मैं बता दूंगी अभी फिलहाल बस अब एक स्टेप एक बार देखो एक बार मैपिंग तैयार करो डिटेल अभी मिल जाएगी मैपिंग तैयार करो बस उसके बाद क्या करेंगे ये लो रिएक्टिव होते हैं इसलिए ऑटो रिडक्शन हो जाता है हम कुछ नहीं करना पड़ता हमने इसको हीट किया अपने आप अप रिडक्शन हो गया ऑक्साइड बना ऑक्साइड का रिडक्शन अपने आप अप हो गया हमें कुछ एड ऑन नहीं करना पड़ा कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालना पड़ा अपने आप अप काम हो गया और रिफाइनिंग मतलब प्योरिफिकेशन कर लिया हमने ओर का अब देखते हैं यहां पर आपने क्या देखा देखे, राइट अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं हमने लिया कॉपर हमने लिया कॉपर का ओर राइट ओर है क्रशिंग हो चुका है ये क्या है सल्फाइड्स ओर है ये क्या है सल्फाइड्स ओर है और ये सल्फाइड्स ओर जब रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन से यही होता है रोस्टिंग ओके इसे ही बोलते हैं रोस्टिंग तो यहां पे रोस्टिंग हुई है हीट किया है ये स्टेप का नाम क्या है स्टेप का नाम ही है रोस्टिंग क्योंकि तो सल्फाइड्स और में क्या करते हैं रोस्टिंग करते हैं कैसे याद रखोगे इसको कैल्शियशन इस फॉर सी कार्बोनेट्स फॉर सी कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट्स में और दूसरा सल्फाइड ही बचा है बेटा तो सल्फाइड में रोस्टिंग ही करोगे ना और तो कोई ऑप्शन है नहीं और रोस्टिंग कैसे याद रखोगे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है हम रोस्ट करके खाते हैं ना चीजें राइट रोस्ट करके खाते हैं तो रोस्ट क्या होता है ऑक्सीजन वहां पे गैस जो एयर होती, तो होती है उसके प्रेजेंस में तो रोस्टिंग होती है एयर की प्रेजेंस है तो रोस्टिंग होती है तो रोस्टिंग एयर की प्रेजेंस में हो रही है याद रखना कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स के लिए होती है सी सी से याद रखना ठीक है कैल्सिनेशन कार्बोनेट सी सी से याद रखोगे रोस्टिंग ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होती है क्योंकि रोस्ट करके हम खाते हैं चीजें राइट ओके okay. तब यहां पर अगर आप बात करोगे कर, सल्फाइड्स और में हमने रोस्टिंग कर दिया हमें ऑक्साइड और मिल गया यही हमारा मोटिव था हमें ऑक्साइड का ओर चाहिए था सॉरी ओर का ऑक्साइड और चाहिए था सॉरी ऑक्साइड और, और, और चाहिए था तो यहां पर रिएक्शन प्रोसीड हुई अब जब मिल गया ये तो यहां पे क्या होता है ऑटो रिडक्शन हो रहा है इनके बॉन्ड अच्छे नहीं होते हैं ऑटो रिडक्शन क्यों हो रहा है ये समझो क्योंकि इनकी दोस्ती अच्छी नहीं है ये ऑक्सीजन को पकड़ के रखना नहीं चाहते हैं राइट दे आर वेरी लो रिएक्टिव रहता है तो रो रह नहीं रहता तो जा कोई मतलब नहीं है अपने को ऐसा वाला दोस्ती है इनकी रह सकते तो रो नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं तो ऑक्सीजन कहता है फिर मैं यहाँ क्यों ही रुकू जब मेरे पास अदर ऑप्शन है द बेटर ऑप्शन देन राइट right? जब तुमको कदर ही नहीं है तुम रोकना है नहीं चाहते हो तो, तो, वही होता है तो हमारे जो को होल्ड करता ही नहीं है दोस्ती है ही नहीं जा रहा हूं मैं तो ये क्या करता है चला जाता है कॉपर को छोड़ के ऑक्सीजन चली जाती है तो यही होता है बेटा यहाँ पे भी कि अगर आप चीजों की कदर नहीं करोगे तो चीजें चली जाएंगी जैसे ये टाइम है आपका राइट right? ये एग्जाम का टाइम है ये वॉरियर बैच है आपके लिए अगर अभी नहीं समझोगे तो टाइम चला जाएगा तो वही होता है ऑक्सीजन साल यहाँ पे इनकी दोस्ती इतनी गहरी नहीं होती है टूट जाती है इसीलिए ऑटो रिडक्शन हो जाता है यहां पे हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं कि दोस्ती तोड़ने के लिए एफर्ट्स करें करना ही नहीं पड़ता ब्रेकअप के लिए एफर्ट्स ही नहीं करने क्योंकि ऑलरेडी डेथ रिलेशनशिप है ये मरा हुआ है इसको क्या जिंदा करेंगे तो ये क्या है ऑटो रिडक्शन है यहाँ पे राइट right? यहां पे क्या हो रहा है ऑटो रिडक्शन हो रहा है अपने आप रिडक्शन हो रहा है राइट right? ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होता है याद रखना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज राइट दैट इज रिडक्शन अब इसके लिए हम अगर रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करें ना करें वो डिपेंड करेगा लेकिन इस केस में हमें इसको यूज करना नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत लो रिएक्टिव है याद रखना लो रिएक्टिव है तो पकड़ के नहीं रखेगा चीजें क्योंकि उसके पास ताकत ही नहीं है समझ लो उसके पास ताकत ही नहीं है पकड़ के रखने की तो वो क्या बना देगा वहां पर लो रिएक्टिव है तो ऑटो रिडक्शन हो जाएगा अपने आप निकाल देगा जब हमें मिल जाएगा ये तो हम इसका प्योरिफिकेशन कर लेंगे रिफाइनिंग कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा तो कितने हो गए स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर राइट चार स्टेप में मिल गया हमें अब हम मरकरी का देखते हैं ओके okay, मरकरी का हमने लिया और मरकरी में भी सेम दो स्टेप कॉमन थे थर्ड स्टेप में लिया एक्सट्रक्शन लिया लो रिएक्टिव मेटल है ऑक्सीजन के साथ इसका क्या किया रोस्टिंग करिए याद रखना सल्फाइड्स ओर में रोस्टिंग होती है तो ये क्या हो रही है रोस्टिंग हो रही है और रोस्टिंग किसकी प्रेजेंस में होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है रोस्टिंग तो यहां ऑक्सीजन के पेज में रोस्टिंग करिए हमें ऑक्साइड और मिल गया और यही हमारा मोटिव था हमें ऑक्साइड और ही चाहिए था याद रखो हमारी रिक्वायरमेंट ऑक्साइड और की ही थी क्योंकि ऑक्साइड और से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज इजी तो यहां पे ऑक्साइड और थे और इससे एक्सट्रैक्शन करना था आसान अब अगर नीचे आएंगे और यहां पे देखेंगे कि सेल्फ रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे और ऑटो रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये दोस्ती रख ही नहीं पा रहा है तो ऑक्सीजन कहता है कि गेट लॉस्ट मैं तो जा रहा हूं टाटा बाय बाय तो वो कर देता है टाटा बाय बाय अपना अलग हो जाता है मरकरी बेचारा रह जाता है तो ये क्या हुआ मरकरी बच गया अब मरकरी और ऑक्सीजन यहाँ पे टूट गए यहां पे इसकी हीटिंग कर दी सेल्फ रिडक्शन हो गया काम हो गया हमारा अब नेक्स्ट में जाते हैं अगर हम उससे पहले कैल्सिन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग समझ लो अब इतना तो समझ ही आ गया होगा कि कैल्सिनेशन किसके लिए यूज करते, है, करते, है। किस करते हैं कार्बोनेट्स के लिए यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं बेटा सबसे पहले यहां पे ये चीज समझो में C है, में C है, तो में सी सी है है कार्बोनेट्स तो का यूज किया जाता है एक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एक में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है जब हीट कर रहे होते हैं दोनों में डिफरेंस ये मेजर है राइट तो यहां पर क्या है अब ऑफ एयर में होता है यहां पर प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है राइट स्ट्रॉन्गली हीटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट ना हो पाए मेटल इतना नहीं करना है कि मेल्ट ही हो जाए मेटल मेटल मेल्ट होने से थोड़ा पहले तक की कहानी है ये राइट मेटल मेल्ट होने की थोड़ा सा पहले की कहानी है ये उससे बात की नहीं है तो मेल्ट ना हो पाए तो जब कार्बोनेट है मेटल ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है सेम है ऑक्साइड बना रहे है, और अपने हिसाब से अगर वो क्या है कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है अब यहाँ पे याद क्या रखना है रोस्टिंग जो होती है वो सल्फाइड और के लिए होती है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है दोनों में हीट कर रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी बता है, में क्या मिल रहा है ऑक्साइड मिल रहा है राइट ऑक्साइड चाहिए था ऑक्साइड मिल रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड अगर सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ये तो याद रह जाएगा मैम लेकिन रोस्टिंग ऑक्सीजन का याद रखना थोड़ा मुश्किल है कि किसमें ऑक्सीजन किसमें नहीं है तो रोस्टिंग को याद करो रोस्ट करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर की प्रेजेंस में उसको को रोस्ट करते हैं ना गर्म गर्म हवा में रोस्ट करते हैं कहीं बोलते हैं ना रोस्टेड चीजें अच्छी होती है आपकी हेल्थ के लिए क्योंकि वो फ्राइड नहीं होती हैं वो हॉट एयर में आपकी रोस्ट हुई होती हैं इसलिए उसको रोस्टिंग बोलते हैं राइट right? तो ये इंपॉर्टेंट है अब देखते हैं मीडियम रिएक्टिव मैटर्स को मीडियम जो रिएक्टिव है क्रशिंग ग्राइंडिंग डन है कंसनट्रेशन डन है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन तो करना पड़ेगा अगर हमको मिल गया क्या मिल गया सल्फाइड मिल गया तो हम क्या करेंगे अच्छा बताओ सल्फाइड मिला तो हम क्या करेंगे अगर सल्फाइड मिला तो हम क्या करेंगे सोचो सल्फाइड मिला तो हम क्या करेंगे बताओ बच्चा सल्फाइड मिला तो रोस्टिंग करेंगे हम लोग ही कैल्चिनेट यहां पे कैल्चिनेशन करेंगे अगर हमें सल्फाइड और है हमारे पास और उसको ऑक्साइड बनाना है तो क्या करेंगे जल्दी बताओ रोस्टिंग करेंगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कैल्चिनेशन बेटा कैल कार्बोनेट्स में करते हैं सी फॉर कैल्चिनेशन सी फॉर कार्बोनेट्स ओके अब रोस्टिंग में एयर प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट करते हैं कि नहीं करते तो जल्दी बताओ बिल्कुल 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 सही है बेटा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कर रहे हैं क्यों क्योंकि क्यों, हमें क्यों ऑक्साइड बनाने हैं जब मेटल ऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे रिडक्शन करेंगे और हमें रिफाइनिंग मिल जाएगी और सी ये कुछ स्टेप है देखो सबसे पहले इसको कैसे याद करना है समझो अच्छा लास्ट में समराइज कर लेंगे ठीक है लास्ट में समराइज कर लेंगे इसको अब जिंक मैटर की बात कर रहे हैं हम लोग राइट जिंक मैटर की बात करें मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव ना कम ना ज्यादा बीच के हैं ये तो इनके पास दोनों हो सकते हैं सल्फाइड भी था कार्बोनेट भी था याद आया जिंक के दो थे जिंक ब्लेंड था एक याद आया जिंक के दो याद आया देखो मैं दिखाती हूँ हम लोगों ने जब और पढ़े थे तो हमने क्या लिखा था जिंक के दो थे एक जिंक ब्लेंड था एक कैलेमाइन था कैलेमाइन कार्बोनेट था और जिंक ब्लेंड सल्फाइड था मतलब दोनों तरह के मॉडरेटली जो रिएक्टिव होते हैं उनके पास दोनों तरह के ओर प्रेजेंट हो सकते हैं जरूरी नहीं कि एक तरह का ओर प्रेजेंट हो उनके पास राइट उनके पास दोनों तरह के ओर प्रेजेंट हो सकते हैं तो यहां पर अगर हम बात करेंगे बेटा तो जिंक का एक मिनट मुझे लग रहा है हाँ

एबसेंस ऑफ एयर में हीटिंग होती है याद रख लेना अच्छे से रोस्टिंग जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में होती है हीटिंग हीटिंग ही है लेकिन प्रेजेंस ऑफ एयर अगर रख रहे हैं तो उसको रोस्टिंग बोल देंगे और किसके लिए होगी रोस्टिंग होगी सल्फाइड के लिए कैल्सिनेशन होगी कार्बोनेट्स के लिए और इन द दब्सेंस ऑफ एयर हीटिंग होगी उसे बोलेंगे कैल्सिनेशन तो अब यहां पे क्या है रिडक्शन देखेंगे मेटल का लाइक मेटल ऑक्साइड बाय कार्बन स्मेल्टिंग बोलते हैं क्योंकि ये उसके अंदर होती है, में कर रहे है उसमें काम कर रहे हैं तो स्मेल्टर में स्मेल्टिंग बोल दिया जाता है स्मेल्टिंग में हो क्या रहा है बेसिकली रिडक्शन हो रहा है जब ने ऑक्साइड बनाया ना उसका रिडक्शन भी तो करना पड़ेगा ऑक्साइड बनाए हैं रिडक्शन होगा ऑक्सीजन निकलेगी तभी तो हमें अपना मेटल मिलेगा रिडक्शन में क्या होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हमारे पास ऑक्साइड है ऑक्साइड से अगर हम लोग ओटू रिमूव कर देंगे तो हमको मेटल मिल जाएगा आराम से मिल जाएगा तो अब जो ओटू रिमूव कर रहे हैं रिमूवल ऑफ जो ओटू होता है वो क्या होता है रिडक्शन ही तो होता है प्रोसेस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन राइट तो यहां पे क्या है मेटल है अब वही किया बेटा हमने सल्फाइड लिया है ऑक्साइड सॉरी जिंक का ऑक्साइड बना लिया है जिंक के ऑक्साइड बनाने के बाद जिंक का ऑक्साइड कैसे बना बताना जरा जिंक का ऑक्साइड कैसे बना बेटा जल्दी बताओ रेन स्पैमिंग ना करो तो बेटर रहेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग समझ क्यों नहीं रहे सीरियस क्यों नहीं हो रहा चीजों को लेके पंद्रह दिन बाद एग्जाम शुरू हो रहे हैं रोस्टिंग से है बिल्कुल सल्फाइड के लिए रोस्टिंग यूज कर रहे हैं और रोस्टिंग होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीटिंग तो यहां पे हमने वही किया सल्फाइड से ऑक्साइड तो बना दिया अब ऑक्साइड में हमने यूज किया है रिड्यूसिंग एजेंट अब कोई मुझे बताएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट यूज क्यों किया यहां पे ऑटो रिडक्शन क्यों नहीं हुआ यहां पे मैंने क्यों रिड्यूसिंग एजेंट को यूज किया है यहां पे ऑटो रिडक्शन क्यों नहीं हुआ बताओगे कोई अरे बता दो लाला कोई तो बता दो ना 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 मीडियम रिएक्टिव से क्या मतलब हमें क्या मतलब मीडियम रिएक्टिव से मीडियम से कैसे जस्टिफिकेशन होगा इसका बताओ कैन डिस्प्लेस ना और कोई तो बिल्कुल सही है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप जाओगे सीरीज में देखोगे जो कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है मेटल वो कार्बन उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता जो कार्बन के नीचे प्रेजेंट है उनको कार्बन हेल्प कर सकता है डिस्प्लेसमेंट में तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है जिंक से ऑक्सीजन निकला राइट सॉरी यहां पे गलत है ये जिंक होगा राइट जिंक से ऑक्सीजन निकला और कार्बन से अटैच हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जब डिस्प्लेस कर दे तो उसे बोलते डिस्प्लेसमेंट यहां डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है कुछ नया हो रहा है क्या डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये कुछ नया नहीं है यहाँ पे इट इज डिस्प्लेसमेंट वन अग्रीड बिल्कुल 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 वैशाली बेटा बिल्कुल इस टॉपिक को लाइटली मत लो इस टॉपिक से क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आएगा चाहे वो एमसी क्यूज के फॉर्म में आए चाहे वो स्केस बेस में आए इस टॉपिक से आना ही आना है क्वेश्चन पक्का से पक्का याद रखो इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बिल्कुल तो जो कार्बन के नीचे मेटल प्रेजेंट है उनके रिडक्शन में कार्बन हेल्प कर सकता है तो यहाँ पे वही करता है और ऑटो रिडक्शन क्यों नहीं हो रहा है यह बताती हूँ क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड जिंक और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक नहीं है हमें इनको कुछ हेल्प करना पड़ेगा इनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए मतलब खटास है अच्छी दोस्ती नहीं है लेकिन अभी भी दोस्ती है तो अगर इसको खत्म करना है ब्रेकअप कराना है तो कुछ हेल्प करना पड़ेगा राइट एक अच्छा इंसान लाना पड़ेगा और ऑक्सीजन कहेगी ठीक है मैं जा रही हूं यू आर वेरी टॉक्सिक राइट जिंक को बोलेगा यू आर वेरी टॉक्सिक आई एम गोइंग विथ कार्बन तो वही होता है हीट किया वो कार्बन के साथ निकल गई और जिंक बेचारा से अकेला रह गया तनहा दिल तनहा सफर अगर हम बात करते हैं यहां कि अल्मोनियम की बात करें अल्मोनियम की हेल्थ रिडक्शन हो रहा है अल्मोनियम को भी हमने यूज किया है एज रिड्यूसिंग एजेंट अल्मोनियम क्या है यहां है। अगर कोई चीज अब बाउंस बैंक होने लग जाए तो बता देना क्योंकि टॉपिक इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थैंक यू थैंक यू रोहित एग्जैक्टली exactly प्रखर थर्माइड पढ़ेंगे बेटा कैटलिस्ट्री बेटा रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें रिड्यूस करवाना है बेटा आप स्पैमी करते रह जाओगे प्रियांशु पता है आपको आप स्पैमी करते रह जाओगे गाड़ी निकल जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सात नंबर का आ रहा है आप लोग हल्के में ले रहे हो इस टॉपिक को क्योंकि अल्मोनियम बेटा क्या करेगा इनको रिड्यूस कर पाएगा अल्मोनियम रिएक्टिविटी में ज्यादा होगा जिस भी मेटल से अल्मूनियम ज्यादा रिएक्टिव है वो उसको वहां से डिस्प्लेस कर सकता है रिडक्शन का मतलब क्या ऑक्सीजन से हटा देना तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इनडायरेक्टली राइट रिडक्शन भी हो रहा है इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है दोनों चीजें हो रही हैं तो यहां पे वही हो रहा है अल्मोनियम क्या कर रहा है इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है और हमारे पास हीट भी निकल रही है तो यहां पे एक चीज समझो बच्चा बहुत आराम से चीजों को ध्यान दो अगर आप नोटिस करोगे तो याद रखना अल्मीनियम डिस्प्लेसमेंट भी दे रहा है ये क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है ये राइट ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है और एक्सोथर्मिक भी एट द सेम टाइम ट इज एक्सोथर्मिंग इन नेचर एज वेल एट द सेम टाइम बेटा प्रखर मैं बताऊं इस बार पैटर्न चेंज हुआ है इस बार पैटर्न पूरा चेंज हो गया है क्योंकि सैम्पल पेपर से जो प्रैक्टिस पेपर आया उसमें ही जमीन आसमान का डिफरेंस है तो अब कॉन्सेप्ट फोकस करो अभी सबसे ज्यादा फोकस करो कॉन्सेप्ट में वो स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने राइट सेम क्रोमियम के साथ हुआ है ऑक्साइड प्रेजेंट है इनके इस मेटल के ऑक्साइड प्रेजेंट है ये याद रखना इस मेटल का ऑक्साइड प्रेजेंट है और ऑक्साइड से मेटल का एक्सट्रैक्शन ईजी होता है ऑक्साइड से मेटल का एक्सट्रैक्शन ईजी होता है ये चीज ध्यान रखो अब वाइक नॉट यूज इन केस ऑफ एम एंड क्रोमिन क्रोमियम सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है क्यों ये हमने ऐसा बोला यहां पे इसको जल्दी बताओ बच्चा कोई तो आंसर दो सही तो आंसर दो कम से कम बिकॉज गैस रिएक्टिविटी सीरीज पे जाओगे बिल्कुल तो एलूमिनियम जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है अल्मोनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीज एंड क्रोमियम तो यहाँ पे अल्मोनियम को आराम से हम लोग यूज कर सकते हैं याद रखो यहाँ पे हम लोग अल्मोनियम को आराम से यूज कर सकते हैं नेक्स्ट में चलते हैं अब ये आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक डाट इज दो थर्माइट रिएक्शन थर्माइट रिएक्शन और ये होती क्या है बेसिकली थर्माइट रिएक्शन एक तरह की डिसप्लेसमेंट रिएक्शन भी है एक तरह की एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है और रिडोक्स रिएक्शन भी है तीनों तरह की रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट एक्जोथर्मिक और रिडॉक्स हो क्या रहा है हमने मेटल का ऑक्साइड लिया हुआ है हमने क्या लिया हुआ है ये मेटल का ऑक्साइड लिया हुआ है ये हमारे पास क्या है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो आप ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट जो है इसने क्या किया आयरन ज्यादा रिएक्टिव नहीं था अल्मोनियम से अल्मोनियम मोर रिएक्टिव था तो अल्मोनियम ने इसको डिस्प्लेस करके यहां बना लिया अल्मोनियम ऑक्साइड और आयरन यहां रह गया लेकिन याद रखना इसमें इतना एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है कि ये जो आयरन मिलता है ये मोल्टेड फॉर्म में मिलता है पिघला हुआ मिलता है मेल्टेड फॉर्म में मिलता है तो जो रेलवे ट्रैक्स कभी कभी क्रैक हो जाते हैं वहां पे इस तरह सेटअप बनाया जाता है और जब आयरन और इसका रिएक्शन करवाई जाती है तो मोल्टेड आयरन जो पिघला हुआ आयरन बनता है वो उस जगह पे जाके सेटल डाउन हो जाता है और क्रैक को क्या करता है जोड़ देता है कवर कर देता है समझे वन सेकंड वन सेकेंड कुछ पूछ रहे हैं शायद रिड्यूसिंग एजेंट ओनली अलमोनियम रिड्यूस नहीं बेटा कार्बन भी यूज कर रहे हैं ऐसा नहीं नहीं करते लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन देखेंगे हम लोग राइट जैसे अब थर्माइट रिएक्शन स्पेसिफिक इसकी बात कर रहे हैं ना तो अल्मोनियम के साथ करवाते हैं और यहां पे रिड्यूस होके हमारे पास अल्मोनियम ऑक्साइड बनता हो एनर्जी इतनी ज्यादा एक्सडा अमाउंट में निकलती है जिसकी वजह से वो मॉल्ट हो जाता है मतलब पिघल जाता है वहां पर कवर करवा देता है स्टोर करवा देता है ये वाला अल्मोनियम almoni... देखो हर एक रिएक्शन को नाम दिया गया है ना तो यहां पे इसको नाम दिया गया दैट इज थर्माइट रिएक्शन तो यहाँ अल्मूनियम को ही यूज करेंगे और कुछ और यूज उस करेंगे उसका रिएक्शन का नाम कुछ और रख देंगे राइट प्रोडक्ट से मतलब नहीं है रिएक्शन टाइप होता है एक रिएक्शन का नाम रखा जाता है ओके okay? तो वो चीज होती है अब यहां पे अगर हम ध्यान देंगे बेटा कि हम लोग कर क्या रहे हैं हमने किया पहला स्टेप दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंड लाइक ग्राइंडिंग राइट क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किया नेक्स्ट स्टेप में आएंगे कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन में क्या हमने यहाँ पे इम्प्योरिटीज हटाई हैं इम्प्योरिटीज हटा दी हैं मतलब कौन सी इम्प्योरिटीज हटाई हैं क्लेज गैंगुइज पार्टिकल गैंगुई पार्टिकल ओके यहां से हमने क्या किया है गैंगुई पार्टिकल रिमूव कर दिया दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप क्या है अगर ऑक्साइड और मिला कोई दिक्कत नहीं रिड्यूस किया रिफाइनिंग कर दी तो वन टू थ्री फोर फाइव स्टेप में हमारा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्साइड और मिला हुआ है तो हम पांच स्टेप में खत्म कर देंगे लेकिन अगर कहीं पे हमें ऐसा मिल गया है जैसे कार्बोनेट और मिल गए हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसको चेंज करना पड़ेगा रोस्टिंग करनी पड़ेगी कैल्सिनेशन करना पड़ेगा राइट कार्बोनेट्स और कैल्सुनेशन करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या है एक स्टेप यहाँ पे तो रहेगा लेकिन यहाँ पे एड ऑन हो जाएंगे स्टेप्स ये सल्फाइड्स का जो रिलोर है ये क्या है एड ऑन हो रहा है क्यों यहां पे हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वो है रोस्टिंग रोस्टिंग के बाद हमें ऑक्साइड मिलेगा राइट रोस्टिंग के बाद हमें ऑक्साइड मिलेगा तो हमारे लिए वन टू थ्री ये होगा और फोर ये वाला स्टेप होगा राइट फिर हम आगे जाएंगे पांचवे और छठे पे राइट तो अगर हम बात करते हैं अगर हमारे पास और ऑक्साइड में प्रेजेंट है तो पांच स्टेप में काम हो जाएगा यहां पर देखते हैं अगर और हमारे पास ये है तो कितने स्टेप में काम हो जाएगा बच्चा पांच स्टेप में काम हो जाएगा राइट कैसी वगैरह है तो छह स्टेप में होगा और यह भी किस में होगा छह स्टेप में हमें मेटल मिलेगा एक स्टेप कम हो जाएगा अगर ऑक्साइड और हमारे पास प्रेजेंट है तो ऑलरेडी बेटा कार्बन रखा गया था रिएक्टिविटी सीरीज में क्योंकि हम लोग रिड्यूसिंग हमें रिड्यूस करनी थी तो हम किस बेसिस में करेंगे उसमें रिएक्टिविटी को हमने कैलकुलेट किया और उसके बीच में हमने कार्बन को प्लेस किया जिससे हम रिड्यूस करवा पाए रिडक्शन एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही तो हो रहा है राइट right? तो वो रिएक्टिव ज्यादा होना चाहिए तभी वो डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा इसीलिए रखा गया उसको क्लियर बेटा अभी तो चल रही है क्लास काफी चलेगी राइट right? अब बात करते हैं फ्लक्स और स्लैग की ये होता क्या है फ्लक्स और स्लैग क्या होता है ये काफी बच्चे पूछ रहे हैं मैम फ्लक्स क्या है स्लैग क्या है देखते हैं अब एक बार बताओ क्या आपको लगता है अगर हमने गैंगुई पार्टिकल्स निकाल दिए तो कोई इम्प्योरिटी नहीं बचेंगी क्या आपको ऐसा लगता है अगर हमने गैंगुई पार्टिकल्स निकाल दिए तो कोई इम्प्योरिटी नहीं बचेगी जल्दी बताओ अगर हमने गैंगुई पार्टिकल्स निकाल दिए तो कोई कुछ नहीं बचेगा जल्दी बताओ क्या ऐसा लगता है आपको बेटा इतने प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग राइट इतने प्रोसेस कर रहे हैं उसके बाद भी आपको लगता है उसमें कुछ नहीं बचेगा ब्रेक देते हैं बेटा पक्का ब्रेक देते, ब्रेक देते हैं हैं इसके बाद करते ओके तो जो होता होता है फ्लेक्स क्या होता है क्या वो मिक्स करते हैं मोल्टेन ओर के साथ टू रिमूव द दी फ्रॉम इट राइट स्लैक्स क्या होते हैं जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है जब रिएक्शन करवाते हैं गैंगु फ्लक्स की मतलब क्या है जो बच्चा कुच्चा गैंग पार्टिकल है जो बचा कुचा गैंगवी पार्टिकल है उसको बाहर निकालने के लिए हम बाहर से और चीज ऐड करते हैं जो चीज हम ऐड कर रहे हैं वो है फ्लक्स फ्लक्स क्या करता है गैंगवी पार्टिकल के साथ कंबाइन हो जाता है और उसको हम एज स्लैग बोल के बाहर निकालते हैं ये हमारे पास क्या है फ्लक्स है फ्लक्स में हमने क्या किया इसको हीट किया हीट करने के बाद ये रिएक्ट किया हमारा गैंगुई पार्टिकल के साथ राइट ये बना इसने रिएक्शन दिया है गैंगुई पार्टिकल के साथ और जब ये बन जाएगा हमारे पास राइट जब ये बन गैस को क्या बोला स्लैग बोला है और स्लैग को हम क्या करते हैं आराम से रिमूव कर सकते हैं ये कम, ये कंपाउंड जो है इसको आराम से हम रिमूव कर सकते हैं तो हम इम्प्योरिटीज जो क्रशिंग जो कंसेंट्रेशन में बच गई थी जो नहीं निकल पाई वो स्लैग बना के हम बाहर निकाल देते हैं क्योंकि जैसे गया इस लाइक मैग्नेट ओके फ्लक्स इज लाइक मैग्नेट ओके गैंगवी पार्टिकल्स लाइक आयरन के पीसे जो थोड़े बहुत बच गए थे वो गया उसने सबको अपनी तरफ खींचा दबाया और हमने फिर क्या किया उसको उठा के अलग कर दिया तो वही हुआ है बेटा स्लग क्या है यहाँ पे बेटा स्लैग क्या है आपका उसका कंबाइंड फॉर्म जब आयरन में जो मैग्नेट है उसमें आयरन के पीसेस चिपक गए हैं तो वो कंबाइन फॉर्म समझो समझ आ गया अभी कोई डर कोई परेशानी गैंगुई पार्टिकल्स होते बेटा क्ले के पार्टिकल्स रॉकी पार्टिकल्स जो इंप्योरिटीज होते हैं उन्हें बोलते गैंगुई पार्टिकल्स बेटा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें था ओके okay? अब हाई रिएक्टिविटी देखते हैं हाई रिएक्टिविटी मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं ओके okay, एक बार बताओ अभी समझने के जोन में हो और नीड ब्रेक देखो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं मैं कंप्लीट कर लूंगी बेटा अभी ये लगा लो डेढ़ घंटा और है एक घंटा तो और आराम से है थर्माइड रिएक्शन में बताती हूँ बेटा व्हेन आयरन रिएक्ट विद एल्मोनियम ऑक्साइड

दस मिनट के ब्रेक के बाद हम मिलते हैं फिर से यहां से शुरू करेंगे और उसके बाद रुकेंगे नहीं बेटा क्योंकि उसके बाद हमें पढ़ना है कोरोजन प्लीज उसके बाद रुकना मत क्योंकि उसके बाद कोरोजन कंप्लीट करना है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरोजन इज आल्सो इंपॉर्टेंट एक काम करो पंद्रह मिनट का ब्रेक लो नहीं दस का ले लो पांच का मैं बाद में दे दूंगी ठीक है पांच का मैं बाद में दे दूंगी दस मिनट का ब्रेक लेते हैं जल्दी मिलते हैं ठीक है जल्दी से जाओ पानी वानी पी के आ जाओ फिर मिलते हैं Okay, break, 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 break. भाई सब बढ़िया देखो गया Enjoy! हम आ गए हम आ गए अब पढ़ना शुरू करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ लिया दो तरह से लो रिएक्टिव मीडियम रिएक्टिव अब हम पढ़ने वाले हैं हाईली रिएक्टिविटी के बारे में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे जो इसका रिडक्शन जो प्रोसेस हम कर रहे थे ऑक्साइड का रिडक्शन जो प्रोसेस कर रहे थे वो यहां पे थोड़ा सा अलग है और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है आपके सैम्पल पेपर में भी आ रखा है इसके अलावा आपके प्रैक्टिस पेपर में भी आ रखा है यहां से क्वेश्चन तो यहां पे अगर देखेंगे तो हमारे पास स्कैश लग... रखो रिएक्टिव मोर रिएक्टिव सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर और इनके एक्स्ट्रा हम बात करते हैं इनके किस लेवल पे मिलते हैं हैलाइड्स like और ऑक्साइड्स में इनके ओर मिलते हैं हैलाइड्स और ऑक्साइड्स में अब हमें मिल चुके हैं हैलाइड्स हमें मिल चुके हैं ऑक्साइड्स अब हमें इनका करना है रिडक्शन हमें बनाना है अपना मेटल तो यहां पर चीज याद रखो कि आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ और वी कैन बी यूज रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड थ्रू रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन ऐसा हो सकता है हाईली रिएक्टिव मेटल के केस में क्या हम ये चीज कर सकते हैं बताना 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 गाइस क्या हाईली रिएक्टिव मेटल के जो ओर्स होंगे हमारे पास ऑक्साइड्स होंगे या हेलाइट होंगे उनका रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हो जाएगा जैसे कि कार्बन या अल्मोनियम डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि इनका जोड़ फेबिकोल का जोड़ है उसको तोड़ने के लिए एक बाहर से जब रिड्यूसिंग एजेंट लेके आते हैं तो वो काम नहीं कर पाता है फेल हो जाता है तो द आंसर इज नो नॉट एट ऑल राइट द आंसर इज नो नॉट एट ऑल ये नहीं हो सकता है तो मैम अगर ये नहीं हो सकता है हम तो इसको कैसे लेके आएंगे हमें कैसे सोडियम मिलेगा हमें कैसे पोटेशियम मिलेगा क्योंकि हमारे पास तो है, हमारे पास तो प्रेजेंट है। अब हम कैसे लेके आए को? कैसे लेके आए सोडियम को कैसे लेके आए पोटेशियम को और कैसे लेके आए कैल्शियम को क्योंकि हमें मेटल भी चाहिए मेटल तो चाहिए चाहिए श्वेता बेटा गाड़ी बहुत पीछे निकल गई है मृंडा और पूछ रहे हो आप बेटा गाड़ी गई छूट गई तो बेटा यस वो है इलेक्ट्रिक यहां पे क्या है इलेक्ट्रोलेटिक रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता क्या है सबसे पहले ये समझो इलेक्ट्रोलेटिक रिडक्शन है बेटा जब हम लगा देंगे एकदम इलेक्ट्रिसिटी लगा देंगे और कहेंगे अब तो अलग होना पड़ेगा मतलब एकदम ऐसे जोड़ बना रखा है और इनको क्या दिया है? इनको दे दिया शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट दे दिया तो अलग होना ही पड़ेगा ऑप्शन नहीं बचेगा इनके पास जिंदा बचना है कि नहीं बचना है अगर जिंदा बचना है तो छोड़ना पड़ेगा हाथ को तो यही होता है बेटा तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस राइट इलेक्ट्रॉन्स घूम है, रहे हैं एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का ये खेल चल रहा है तो द तो ऑक्साइड तो और क्लोराइड ऑफ मेटल फ्यूज मॉटर स्टेट आर इलेक्ट्रिकली रिड्यूज बाय यूजिंग दिस मैथ इलेक्ट्रिकली रिड्यूस हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम पास थ्रो कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू और उसकी वजह से क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है राइट right? उसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है बेटा जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिडक्शन कर रहे हैं किसी भी ओर का ओके गिव मी वन मिनट ओके ओके हाय गाइस एम आई ऑडिबल राइट बेटा ओसवाल देख लो अगर आपको सैंपल पेपर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो सैंपल पेपर फिर आप ओसवाल के देख सकते हो लेकिन मैं अभी रिकमेंड यही करूंगी कि आप कॉन्सेप्ट फोकस करिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकली रिड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं सर्किट क्रिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक तरह तो का सर्किट क्रिएट हो रहा है तो ये क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिकली रिड्यूज हो रहे हैं याद रखो क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रिकली रिड्यूज हो रहे हैं बिल्कुल दिमाग में बैठा लो इस बात को अब यहां पे देखो अब समझ आएगा बेसिकली चल क्या रहा है मैं बोल क्या रही थी यहां इमेज आपकी क्लियर नहीं है इसलिए मैं यहां पे कर देती हूं इसको दोबारा लिख रही हूं राइट इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि ये इंटरफेयर नहीं करेंगी ये प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगी इनर्ट का मतलब है ये अपना काम कर रही है लेकिन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं कर रही है अब यहां पे क्या किया है हमने बेटा ये हमारी एनोड है और ये हमारी कैथोड है राइट ये हमारी एनोड है हमारी कैथोड है यहां पे हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं ये बैटरी है राइट अब यहां पे क्या है कैल्शियम हमारा कैल्शियम सॉरी कैल्शियम क्लोरीन राइट क्लोरीन आयन एंड सोडियम आयन यहां पे मूव कर रहे हैं कैथोड के टू अब यहां पे ना दो तीन चीजें बता रही हूं वो याद कर लो ओके तो मैं यहां पे आपको दो तीन चीजें बता रही हूं वो याद कर लो जैसे कि ऑयल ग ओके okay? याद करना है ठीक है मैं बता दू फिर कैसे याद करो, पाओ और ऑयल ये एक हो गया एनसीआर और रिग ये एक हो गया अब देखो यहां पे दिक्कत क्या है समझो ये है क्या चीज मैम ये क्या लिख दिया आपने शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चीज है समझ आ रहा है बता रही बेटा बता रही रुक जाओ पहले ये याद करो समझो ओके okay? तो ये क्या है बेटा पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन मतलब कि जो एनोड है जो इलेक्ट्रोड्स है दो तरह की इलेक्ट्रोड्स होती हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये दो तरह की होती हैं राइट दो होती है एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड अभी किस बेसिस पे एनोड है किस बेसिस कैथोड है वो बताती हूं मैं आपको हाँ बेटा तो वही बता रही रुक जाओ राइट हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोड्स है यहां पे इनर इलेक्ट्रोड का मतलब है कि इस प्रोसेस जो भी चल रहा है इसमें इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा ये किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करेगी बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेगी अब इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे किस बेसिस पे होती हैं जैसे कि आप बात करो पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस पे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके बेसिस पे हम इनका नाम रख देते हैं अगर हम बात करते हैं एनोड की एनोड होता है पॉजिटिव मतलब जो भी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी जो भी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी वो होगी आपकी एनोड और जो भी इलेक्ट्रोड आपकी नेगेटिव होगी वो आपकी होगी कैथोड राइट अब ये आपको याद कैसे रहेगा कि एनोड पॉजिटिव है कि कैथोड पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है वो आपको इस ट्रिक से याद रखोगे याद कर लो पाओ पाओ का मतलब पॉजिटिव एनोड पॉजिटिव एनोड और एनसीआर निगेटिव कैथोड एनसीआर मतलब निगेटिव कैथोड समझ आया अब समझ आ गया बेटा एनोड एना अच्छा एनायन एनोड बुक जो बता रही हूं मैं वो समझो अभी अभी फिलहाल इलेक्ट्रोड्स के बारे में समझो एनायन क्या है वो मैं बताऊंगी अभी फिलहाल इलेक्ट्रोड्स के बारे में समझो समझे इलेक्ट्रोड्स क्या है एनोड कैथोड पॉजिटिव निगेटिव ये समझ आ गया अभी तक इतना समझ आ रहा है इसमें कोई क्लियर है कोई प्रॉब्लम एवरीथिंग क्लियर इतना समझ आ रहा है बेटा बेटा विनय अभी यहाँ पे फोकस कर लो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही आप लोगों की बच्चा कि जब ये टॉपिक मैंने बोला है कि हंड्रेड परसेंट आना है पेपर लीक करवा रहे हैं पे पेपर के लिए पढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए ना अभी फिलहाल के लिए राइट यहाँ पे फोकस करो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी ब्रेक से आए हैं बेटा सनी तो ये क्या है बेटा पॉजिटिव निगेटिव अब इसको याद रखने का तरीका क्या है आप पाओ और एनसीआर से याद कर लो अब ये होना चाहिए कि जो हमारा कैथोड है जो हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड है वहां पे प्रोसेस कौन सा होगा अब वो कैसे याद रहेगा वो होगा ऑक्सीडेशन अगर एनोड की बात करेंगे तो वहां पे वहां पे ऑक्सीडेशन होगा अगर कैथोड की बात करेंगे तो वहां पे रिडक्शन होगा राइट या आप इस तरह से याद कर सकते हो ये याद करना जरूरी है क्योंकि अगर ये याद नहीं करोगे तो यू आर नॉट एबल टू राइट डाउन द दा रिएक्शंस राइट आई नो आई नो आई नो आई नो बच्चा अभी फिलहाल यहां फोकस कर लो ठीक है अब ये हो गया अब कोई बच्चा पूछा कैटायन और एनायन क्या है कैटायन और एनायन क्या है वो देखते हैं तो बेटा कैटायन और एनायन की अगर हम बात करें यहां पे तो ध्यान दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आय होते हैं राइट right? आयंस होते हैं आयन जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और आयन जो होते हैं वो निगेटिव भी होते हैं राइट right? अब इन दोनों दोनों प्रेजेंट होंगे, एक छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन दूसरा लेगा तो एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा तो ये दोनों की प्रेजेंस एट द सेम टाइम तो होगी ही होगी राइट right? इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस मतलब इन दोनों आयंस की प्रेजेंट तो ऑटोमेटिकली होगी ही होगी क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन किसने दिया है तो कोई तो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा राओ? किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो कोई तो इलेक्ट्रॉन लेगा ऐसा तो नहीं, नहीं लेगा कोई तो लेगा ही लेगा तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा इलेक्ट्रॉन दिया है इलेक्ट्रॉन लिया है इलेक्ट्रॉन दिया है इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहां पे वही बेसिस पे हम करते हैं इनको नेमिंग अब अगर हम बात करते हैं एनोड की राइट तो इधर कौन अट्रैक्ट होता है एनायन और अनोड है क्या पॉजिटिव है पॉजिटिव को रिवर्स कौन अट्रैक्ट होता है निगेटिव तो यहाँ पे ये इसका नाम क्या हो जाएगा एनायन हो जाएगा और पॉजिटिव वाला जो है ये क्या है कैटायन है राइट तो जो आयंस हैं उनका नाम कैटायन एनायन है जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैथोड और एनोड है कैथोड और एनोड में प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को करने वाले कौन है इलेक्ट्रो यहाँ पे कैटायन एनायन है मतलब समझो कि हम लोग एक रूम में हैं एक रूम में है तो वो रूम हमारा केत, लाइक एनोड है उसके अंदर आने वाले जो भी लोग हैं जो रुकेंगे आके वहां पे रहेंगे बात करेंगे घूमेंगे फिरेंगे और वहीं पे सोएंगे वो कौन है वो है आपके कैटायन और एनायन अभी क्लियर है वो क्या है आपके कैटायन और एनायन समझ आ गया ओके okay, कनिका बेटा भी समझ आ गया ये बताओ ओके okay, तो ये हो गया प्रोसेस अब हमें क्या करना है हमें ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है एनायन जो है निगेटिव है निगेटिव किधर अट्रैक्ट होता है निगेटिव अट्रैक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव राइट निगेटिव अट्रैक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है एनोड है तो ए फॉर एनोड ए फॉर एनायन ऐसे याद रहेगा। एनोर के साथ कौन नहीं रहता है कि ऑक्सीजन कैसा प्रोसेस लाइक जो हमारे पास ऑक्सीडेशन है वो कैसा प्रोसेस है तो आपको याद करना पड़ेगा ऑयल और रिग ऑयल का मतलब क्या है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसको बोलेंगे क्या ऑक्सीडेशन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसे क्या बोलेंगे रिडक्शन रिडक्शन इज अ इलेक्ट्रॉन। दैट इज रिडक्शन मेरे गले में क्या है मेरे गले में तुलसी माला है बेटा ये ओके okay? ये तुलसी माला है अच्छी होती है कभी आप लोग भी ट्राई करना ओके रोशन हाय बेटा बता रही हूँ बेटा रुक जाओ सांस लेने दो राइट right. अब यहां पे क्या हुआ है ध्यान दो ये सब कुछ समझ आ गया सेटअप समझ आ गया कि एनोड क्या है कैथोड क्या है एनोड पे कौन सा प्रोसेस होगा क्या एनोड के टूवर्ट्स आएगा क्या कैथोड के टूवर्ट्स आएगा ये सब कुछ क्लियर है Is it clear? Please mention CC on the chat box. Is it clear, guys? Please, please, please mention the chat box. Is it clear? Okay, clear is everyone. प्लीज मेंशन सीसी ऑन द बॉक्स ठीक है बच्चा तो यहां पे आप एक चीज समझ जाओ बच्चा एकदम ध्यान से कि आपको ये याद कर लेना है और ये याद करना है बेटा प्लीज इस माई हम्बल रिक्वेस्ट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है मिस आउट मत करना पढ़ के जाना मैंने सारे आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए राइट ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे एनोड अगर पॉजिटिव है तो इसके टूवर्ड्स कौन अट्रैक्ट होगा निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा अट्रैक्ट टूवर्ड्स एनोड सेम अगर हम कैथोड कैथोड की बात करेंगे निगेटिव इन नेचर है रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो कैटायन इधर अट्रैक्ट होगा ठीक है अब बता दे बेटा फिर से बता दिया तो अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में होता क्या है बेटा बेसिकली अंश कुमार ठीक है बच्चा अब यहां पे फोकस कर लो प्लीज तो यहाँ पे क्या रिफाइनिंग कर रहे हैं हमने देख लिया कैसे यहां पे मेटल हमें निकालेंगे राइट हमने ये देख लिया यहां पे मेटल कैसे निकाला जाएगा एक मिनट ओके okay. अब रिफाइनिंग की रिफाइनिंग का मतलब क्या है प्योरिफिकेशन इतने सारे प्रोसेस हुए हैं बेटा तो इतने सारे प्रोसेस में कुछ ना कुछ इंप्योरिटी तो छूट गई होगी एट द एंड कोई तो इम्प्योरिटी रह गई होगी अब उस इंप्योरिटी को निकालने के लिए हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे लास्ट जो प्रोसेस है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल तो उसके लिए हम करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कुछ इस तरह का सेटअप बनाएंगे अब यहां हो क्या रहा है समझो हमने क्या किया है प्योर मैटल लिया है एक राइट right? ये जो पतली से दिख रही है आपको स्टिक ये प्योर मैटल की स्टिक है ये जो मोटू हो रखा है ये आपका इम्प्योर मेटल है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है ये हमने एक्सट्रैक्ट किया है राइट right? ये हमने एक्सट्रैक्ट किया है इंप्योरिटीज प्रेजेंट है इसमें इसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट है कॉपर है बट विथ इम्प्योरिटीज है ये एक प्योर कार यहां पे प्योर कॉपर की रॉड है प्योर दोनों ही इलेक्ट्रोड्स हैं राइट दोनों ही इलेक्ट्रोड्स हैं इम्प्योर जो है ये एनोड पे डाल दिया है एनोड पे इंप्योर इंप्योर कॉपर जो है ये कहां डाला है एनोड पे डाला है मतलब ये आपका एनोड है पॉजिटिव से कनेक्टेड है राइट अब एनोड के हमने क्या पढ़ा था पॉजिटिव एनोड तो बैटरी के किस साइड से कनेक्टेड है पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव एनोड तो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है बैटरी के यहां पे रख दी है ओके अब धीमे धीमे प्रोसेस क्या होता है देखो क्या धीमे धीमे प्रोसेस ये हो रहा होता है बच्चा कि ये जो इम्प्योर मेटल है राइट ये इम्प्योर कॉपर मेटल है ये इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया है कॉपर सल्फेट जो मेटल हमको चाहिए वही एज इलेक्ट्रोलाइट लेंगे हम तो हमें कॉपर चाहिए था तो हमने कॉपर सल्फेट को लिया और एसिडिफाई कॉपर सल्फेट को लिया है एसिड का एड करने का रीजन क्या है यहां पे इससे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है मोशन आप बोलोगे मूवमेंट बढ़ेगा राइट right? क्या बढ़ेगा मूवमेंट बढ़ेगा आय का तो यहां पे क्या है बेटा हमने कॉपर सल्फेट लिया है इसमें थोड़ा सा एसिड डाल जिससे तो कॉपर सल्फेट टूटे इलेक्ट्रोलाइट जो है तो जो टूटे जो कि कॉपर टू प्लस एसओ टू माइनस बनेगा राइट right? राइट right? तो यहां पे ओके okay. तो यहां पे अगर आप आके देखोगे बच्चा ध्यान से देखो अब क्या हुआ है यहां पे टूटा यहाँ पे क्या है सी यू टू प्लस है इसके अंदर इस लिक्विड के अंदर और एसओ फोर टू माइनस है अब आपको पता है जो कॉपर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा जल्दी बताओ पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चा पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा निगेटिव के साइड राइट पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा निगेटिव के साइड और निगेटिव कौन सी होती है एनसीआर एनसीआर निगेटिव कैथोड निगेटिव कैथोड ये कैथोड है ये निगेटिव इन नेचर है तो यहां पे कौन आएगा कॉपर आएगा कॉपर टू प्लस आएगा राइट कॉपर टू प्लस आएगा तो यहां पे अगर हम बात करेंगे एट रिएक्शन क्या चल रही है वो देखेंगे राइट right? यहां पे अगर हम ध्यान देंगे एट ये क्या है बेटा एनोड एट एनोड पे मतलब कि पाओ पॉजिटिव एनोड मतलब निगेटिव आ रहा है राइट right? यहां पे क्या है निगेटिव आ रहा है और इसके अलावा क्या देख सकते हैं एनोड क्या था पाओ में ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां पे क्या है कॉपर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है लॉस कर रहा है और हमें क्या बना रहा है Cu2+ दे रहा है राइट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है समझ रहे हो समझ आ रहा है बेटा पाओ का मतलब क्या है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसने और एट एनोड पे क्या होगा सॉरी एट कैथोड पे क्या होगा एट कैथोड पे मतलब क्या है कैटाइन कैटाइन आ रहा है एनसीआर निगेटिव मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो ये सीयू टू प्लस जो यहाँ पे बना था ये सीयू टू प्लस आ रहा है और ये क्या है लॉस ऑफ यहाँ पे क्या है याद रखो अगर हम बात करते एनसीआर की रिडक्शन इज रिग डेट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहां से दो तो इलेक्ट्रॉन लेगा और हमें क्या बना के दे देगा कॉपर बना के दे देगा तो यहां कॉपर कलेक्ट होने लग जाएगा कॉपर कलेक्ट होने लग जाएगा और यहां पे क्या हो रहा है यहां से कॉपर टू प्लस निकल रहा है और जब कॉपर टू प्लस निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे मूव कर रहे हैं और ये किधर आ रहे हैं इधर आ रहे हैं और यही इलेक्ट्रॉन यहां पे कैथोड यूज कर रहा है कॉपर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए समझ आ गया मैं हूं बेटा यूपी बोर्ड से लेकिन अभी फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है तो यहाँ पे ध्यान दो बच्चा अभी आपको स्टेप समझ आ गया है एनोड पे क्या हो रहा है बेसिकली चल क्या रहा है कहानी क्या चल रही समझ आ गया एवरी थिंग इज क्रिस्टल क्लियर जो अभी तक हमने पढ़ा है जल्दी बता दो बच्चा अगर अगर सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है तो हम आगे बढ़े क्योंकि आगे हमें कोरोजन भी पढ़ना है एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर पक्का हाँ बता रही हूँ बेटा नोटबर्ट भैया आप लोग तो पीछे पड़ जाते टॉपिक के पहले कंप्लीट तो करने तो बता रही हूं नोटबर्ट रुक जाओ बच्चा तो बेटा जब इसमें हमने इसे निकाला है कॉपर और मैंने ये बोला था कि इसमें इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट है मैंने बोला था इसमें इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट है तो जो इंप्योरिटीज कहाँ जाएंगी जो इंसॉलिबल इम्प्योरिटीज होगी वो कहां जाएंगी सोलिबल तो इसमें मिल जाएंगी कोई दिक्कत नहीं घुल गई लेकिन इनसोलिबल कहा जाएंगी तो इनसोलिबल नीचे कलेक्ट हो जाएंगी और इसी को बोलते हैं एनोड मड राइट क्योंकि एनोड से इंप्योरिटीज निकल रही है और नीचे खट्टा होती जा रही है इसलिए इसका नाम रख दिया एनोड मड मड का मतलब मिट्टी काम की चीज नहीं है और लेकिन इसमें मिट्टी जो निकल रही है मड निकल रही है उसमें गोल्ड वोल्ड भी होता है ट्रेसेस होते हैं तो वो महंगी वाली मिट्टी है लेकिन वो नीचे कलेक्ट हो गई है समझ आ गया चलो आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक यहां पर रिफाइनिंग की अगर बात करेंगे तो इम्प्योर कॉपर एज एनोड और यहां पे कलेक्ट हो रहा है यहां पे साफ साफ दिख रहा है जो हमने प्रोसेस पढ़ा है अभी हमने एट एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है एट कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एसिड का इस्तेमाल क्यों किया गया है और कौन सी इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो रही हैं, हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं क्या या बिल्कुल श्योर आयुष अभी कोई किसी को डाउट है इसमें क्या अभी भी किसी को कोई परेशानी है इसमें तो मैं दोबारा बता दूंगी आपको बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं देखो क्या हो रहा है अच्छा पाओ और ये सारा क्लियर हो गया है एनोड क्या है कैथोड क्या है क्या हो रहा है प्रोसेस ऑक्सीडेशन क्या है रिडक्शन क्या है ये समझ आ गया है इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का बेटा बहुत नींद आ रही है तो नींद थोड़ा भगा दो मैम प्लीज सुन लो हाँ बताओ रूबी क्या हुआ बेटा नींद आ रही है नींद ना आए बेटा बेटर रहेगा क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है ये पढ़ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये रिडक्शन में बेटा हम तोड़ रहे हैं रिफाइनिंग में हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं डिफरेंस समझो रिडक्शन में हम मेटल लेके आ रहे हैं हमने रिडक्शन से ही ये मेटल लाए हैं जो इम मेटल लेके आए हैं रिडक्शन से ही लाए हैं ओके okay? कहीं और दुनिया से नहीं आ गया है लेके वहीं से आए हैं अब उसको प्योरिफाई कर रहे हैं हम रिफाइनिंग के थ्रू रिफाइनिंग इज अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस एसिड का यूज इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि मोशन मूवमेंट so no, तो में हेल्प करता है इधर से इधर जाना इधर से इधर जाना इसमें हेल्प करता है क्या कौन हेल्प करता है एसिड हेल्प करता है राइट कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पे एसिड हेल्प कर रहा है ओके okay? समझ आ गया अभी किसी को कोई डाउट क्लियर है सब कुछ एवरीथिंग इज क्लियर गाइस कोई डाउट किसी को बेटा अभी आप ये लगा लो वन आवर और चलेगा लगभग बेटा रिपीट और कितनी बार करूं रिपीट क्लियर हो गया ना देखो यहां से कॉपर निकला राइट यहां से कॉपर निकला और यहां पे कलेक्ट हो रहा है थोड़े टाइम के बाद क्या होगी जो इम्प्योर एनोड थी ये क्या हो जाएगी थिनर हो जाएगी पतली हो जाएगी और जो प्योर है ये थिकर हो जाएगी क्योंकि इसमें क्या हो रहा है लेयरिंग कलेक्ट होती जा रही है प्योर कॉपर की क्या हो रहा है इसमें प्योर कॉपर की लेयरिंग कलेक्ट होती जा रही है तो ऐसे क्या बोला है बेटा यहां पे थिकर हो रही है मोटी होती जा रही है बेचारी पतली होती जा रही है ठीक है बहुत कम अमाउंट डालना है बेटा एसिड का तो पानी में जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट बनाया वो डायल्यूट ही हो जाएगा राइट right? हमने बहुत कम अमाउंट डाला है अगर आप कंसंट्रेट भी डाल दो तो बहुत कम अमाउंट डालना है बहुत ज्यादा नहीं डालना मुश्किल है दो ड्रॉप बहुत कम तो वो कोई भी हो पानी में जाके मिल ही जाना है ओके तो बेटा यहां पे ये क्वेश्चन ना आपके प्रैक्टिस पेपर में आया था ये क्वेश्चन जो अभी आपका प्रैक्टिस पेपर आया ना उसमें आया ये प्रैक्टिस पेपर में एक क्वेश्चन आया है अब अगर प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन में जा रहे हो तो यहां पे इनकरेक्ट रिएक्शन बतानी है आपको राइट right? क्या बतानी है इनकरेक्ट रिएक्शन बतानी है ओके okay? अभी समझ आ गया सबको किसी कोई डाउट इसमें सबने बोला है ऑप्शन बी ओके okay? एक चीज याद रखो एक चीज मैं इसलिए बता रही हूं अगर कोई बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल है ओके okay, यहां पे ना बेटा इस तरह से लिखा होगा ओके okay? ये नीचे रहेगा कुछ इस तरह से लिखा होगा ये ओके okay? कुछ इस तरह से लिखा होगा ये एक साथ ही आ गए हो नहीं पाया शायद कॉपी पेस्ट ऐसा पेस हो गया तो इस तरह से होगा ठीक है क्यू आर इज इन करेक्ट ओके सामने बोला पी क्यू आर इज इनकरेक्ट अच्छा बच्चा ओके okay. चलो इसके बारे में सोचना इस क्वेश्चन के बारे में सोचना मैं बता रही पेपर में आया हुआ है ओके okay. ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में आया हुआ है आपका तो इसको एक बार ध्यान से देखना जरूर ठीक है सोचना क्या हो सकता है अभी हम आगे टॉपिक चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी ओके okay? अब देखते हैं यहां पे ये भी क्वेश्चन बेटा कहाँ आया है आपके सैंपल पेपर में सैंपल पेपर में नहीं आया जो प्रैक्टिस पेपर आया ना अभी उसमें आया है ये तो यहां पे अगर आप देखोगे कि कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल कॉपर लाइक एटम पे याद रखना एनोड लिखा हुआ है अब अगर हम एनोड पे जाते हैं तो हमें एनोड का पता है एनोड में क्या होता है बेटा पाव दैट इज पी ए ओ पाव राइट right? पाव में क्या होता है ऑयल मतलब यहाँ पे क्या है ऑयल इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑयल इज लाइक ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे क्या हो रहा है एनोड पे एनोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अब यहाँ पे एनोड पे आएगा कौन एनोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एनोड पॉजिटिव है तो उधर निगेटिव आना चाहिए न्यूट्रल आइटम तो नहीं आ रहा है आयन आ रहा है निगेटिव आ रहा है राइट तो यहाँ पे कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन टू तो बिकम न्यूट्रल कॉपर आइटम चलो ठीक है कॉपर आइटम यहां पे क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो गेन तो यहां लिखा है गलत गेन यहाँ लिखा है गलत ये दो ऑप्शन सीधे गलत हो गए क्योंकि वहां पे क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अब कॉपर आयन लॉस इलेक्ट्रॉन टू तो बिकम न्यूट्रल आइटम न्यूट्रल एम्स लॉस इलेक्ट्रॉन टू तो बिकम आय तो यहाँ पे क्या है एनोड पे है एनोड पे क्या है पाओ मतलब एनोड पे आ रहा है पॉजिटिव है कैथोड माइनस आएगा राइट right? माइनस जब आएगा तो वो क्या बना देगा अपना देखो मैं बता दू कैसे होगा आ, एक तो स्पेस नहीं है लिखने के लिए इसको ना स्टिक इस से याद रखो पाओ एंड ऑयल ठीक है यहां पे क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो फिक्स है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो यहां पे क्या है न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी तो वो बनेगा तो करेक्ट आंसर डी हो गया आपका न्यूट्रल लॉस right? करेगा इलेक्ट्रॉन आयंस ऑलरेडी बन चुका है वो कैसे लॉस करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे कॉपर से होगा ना तो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर गाइस अब हम लोग कर स्टार्ट करें कोरोजन भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आया है आपके दोनों सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके प्रैक्टिस पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है एनसीआरटी के थ्रू जो भी चीजें आई है ये दो टॉपिक उसमें आया है मेटलर्जी एंड कोरोजन बेटा किसने बोला कोरोजन आया है भैया पेपर में आ रखा है सैंपल पेपर में दिया हुआ है कोरोजन प्रैक्टिस पेपर में कोरोजन के क्वेश्चन आ रखे हैं किस दुनिया में हो बेटा ब्रेक ब्रेक नहीं मिलेगा बेटा आप खत्म करते हैं, बहुत देर हो गई है तो कोरोजन आपको पता है केमिकल प्रोसेस है हाँ भैया सुनील सर आ जाएंगे अभी फिलहाल मैम पढ़ा रही हैं तो पढ़े लो चैप्टर कितनी बार बोला जाए ये बात आपको हाँ कोरोजन पर ध्यान दो अभी कोरोजन पे फोकस करते हैं तो कोरोजन क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन है रस्टिंग कैसे हो रही है आयरन की केमिकल प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस में क्या होता है जब आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर से तो हमें कंपाउंड मिलता है विच इज ब्राउन इन कलर डार्क कलर से लिखते हैं, दिखेगा ब्राउन इन कलर रेडिश ब्राउन इन होता है वो होता क्या है आयरन ऑक्साइड राइट आयरन ऑक्साइड बन रहा है और इसी को हम क्या बोलते हैं रस्ट बोलते हैं इसी को हम क्या बोल रहे हैं बच्चा रस्ट बोल रहे हैं और इस प्रोसेस को बोल रहे हैं रस्टिंग, राइट बेटा सुनील सर आज नहीं है आज मैं ले रही हूं क्लास आज के लिए मैनेज कर लो थोड़ा आज आज की बात है मैनेज कर लो तो कंडीशन ऑफ रस्टिंग क्या होंगे आपको पता है अगर हम रस्टिंग की बात करेंगे तो हमें मॉइस्चर भी चाहिए क्योंकि बिना मॉइस्चर के नहीं हो पाएगी राइट right? यहां पे आप बोल सकते हो मॉइस्चर का मतलब पानी चाहिए ऑक्सीजन चाहिए और आयरन चाहिए और इससे हमें क्या मिलेगी इससे हमें मिलेगी रस्टिंग। इससे हमें क्या मिलेगी रस्टिंग मिलेगी राइट right? इससे क्या है रस्टिंग हो रही है तो ये कहेगा क्या है सर्कल है पूरा इसमें से एक भी स्टेप गायब हो जाएगा तो हमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा अगर इनमें से एक भी चीज गायब हो जाएगी तो हमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा ये तो फिक्स है एक भी चीज गायब तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा यह फिक्स है अब यहां पे देखो बच्चा यहां पे मुझे एक बार बताओ किस कंडीशन में रस्टिंग होगी कौन सी कंडीशन में रस्टिंग होगी वो बताओ यहां पे आपके पास तीन ऑप्शन है एक में बेटा क्या है एयर भी है मॉइस्चर भी है एक में बॉयल वाटर लिया है और ऑयल की लेयरिंग की गई है यहाँ पे क्या किया गया ड्राई किया गया है अब बताओ किस में रस्टिंग होगी ए बी सी में यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ तो जिससे आप लोग आंसर दे पाओ किस में रस्टिंग होगी जल्दी बताओ आंसर चार्ट बॉक्स में फटाफट से एक्स का मतलब है कितने क्रिस्टल हैं बेटा वाटर के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है वो है एक्स ए में होगी बिल्कुल होगी बेटा ए में इसलिए होगी क्योंकि यहां पे सारी कंडीशन है तो यहां पे रस्ट होगा यहां पे रस्टिंग होगी बस इस कंडीशन में अगर आप बात करोगे बॉइल करने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है पानी से और बाकी जो तो सराउंडिंग की ऑक्सीजन है वो ऑयल की लेयरिंग की वजह से नीचे नहीं आ पाई है राइट right? बाकी की जो ऑक्सीजन है वो ऑयल की लेयरिंग की वजह से इस पानी तक नहीं पहुंच पा रही है तो ब्लॉकेज हो गया है किसका यहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है मॉइस्चर प्रेजेंट है अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो नो रस्टिंग यहां पे नो रस्टिंग अब यहां पे बात किया जाएगा तो यहां पर ना तो मॉइस्चर है और ना ही एयर है क्योंकि डिहाइड्रेट लाइक डिहाइड्रेट का मतलब क्या है खींच लिया मॉइस्चर सराउंडिंग के मॉइस्चर को भी खींच लिया तो यहां ऑक्सीजन तो हो गई लेकिन मॉइस्चर नहीं है तो भी यहां पे नो रस्ट नो रस्ट विल फॉर्म इन दिस केस नो रस्ट विल फॉर्म तो दो केस में आपका रस्ट बनेगा एक केस में बनेगा और दो में नहीं बनेगा क्लियर है क्लियर है बिल्कुल ओके okay. अब बात कर रहे करें यहां की. की बात कर रहे हैं तो कॉपर की बात कर रहे हैं कॉपर बेटा किससे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है एंड किससे रिएक्ट कर रहा है आपका मॉइस्चर से मतलब किस कार्बन डाइऑक्साइड से भी रियाक्ट कर रहा है आपकी मॉइस्ट एयर से रिएक्ट कर रहा है ये क्या है मॉइस्ट एयर बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं मॉइस्ट एयर कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन और वाटर को बोलेंगे मॉइस्ट एयर क्योंकि उसमें क्या है मॉइस्चर प्रेजेंट है पानी प्रेजेंट है समझो पानी प्रेजेंट है इसलिए तो इसको क्या बोला है मॉइस्ट एयर बोल दिया गया है ऐड पार्ट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है रिजल्ट क्या बना है बेसिक क्योंकि हाइड्रोक्साइड है तो ये क्या बनेगा बेसिक कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा बेसिक कैल्सियम कार्बोनेट बेसिक क्यों बोला मैंने क्योंकि बेटा ये बेस है बेसिक क्यों बोला मैंने क्योंकि हाइड्रोक्साइड है विच इज बेस इस लेयर को क्या बोलते हैं ग्रीन लेयर बनाता है ये इस लेयर को क्या बना रहा है ग्रीन लेयर बना रहा है और इससे हम बोलते हैं पटीना इसको हम क्या बोल रहे हैं पटीना बोल रहे हैं राइट right? और यहां पे क्या टर्निशिंग हो रही है यहां रस्टिंग नहीं बोलोगे आप इस वाले में रस्टिंग नहीं बोलोगे आयरन में यू सेड रस्टिंग और जो प्रोडक्ट बना बना वो रस्ट बना। यहाँ पे इसको बोलेंगे टर्निशिंग थोड़ा सा चेंज करते हैं फॉर द नेम चेंज तो टर्निशिंग ओके एंड जो बन रहा है लेयर बन रही है उसे बोलते हैं पटीना वहां पे रस्ट बन रही थी यहां पे क्या बन रहा है पटीना बन रहा है ओके थैंक यू ओके थैंक यू प्रांजलि वेरी गुड थैंक यू बच्चा अब अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी कभी देखा ब्लैक ब्लैक सी लेयर बन जाती है अगर सिल्वर को खुला छोड़ दो तो ब्लैक ब्लैक सी लेयर बन जाती है वो क्यों बनती है टर्निशिंग की वजह से बनती है टर्निशिंग और सिल्वर की वजह से बनती है अब सिल्वर किससे रिएक्ट करता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और यहाँ पे सिल्वर यहाँ पे बोलेंगे आपका सिल्वर सल्फाइड बना रहा है और पानी बना रहा है और ये जो है ये क्या है ब्लैक इन कलर है तो इसको भी क्या बोलेंगे टर्निशिंग बोलेंगे प्रोसेस का नाम है टर्निशिंग और पटीना बन रही है ओके डन है अब एक चीज समझो ये पटीना होती है ना वेरी यूजफुल बेसिकली पटीना इज वेरी यूजफुल क्यों क्योंकि एक तरह की लेयर बना रही है कॉपर के ऊपर जब रस बन रही है ना तो रस क्या होती है लेयर बनी और वो रस निकल गई वो लेयर निकल गई रस बना वो निकल गया तो हमने क्या किया हमने अपने आयरन का लॉस किया और लॉस करने के बाद दूसरी लेयर पे फिर रस्ट हुई और फिर निकल गया लेयर बाय लेयर निकलता जाएगा लेकिन यहां पे क्या होता है जब लेयर बनी ऑक्साइड की लेयर बनी तो वो चिपक गई जब वो लेयर बनने के बाद चिपक गई वहां पे ओके पटीना बना पटीना चिपक गई तो वो क्या करेगी उसको प्रोटेक्ट करेगी एक तरह की सर्विसिंग प्रोवाइड कर देगी क्या किया इसने एक तरह की सर्फेसिंग प्रोवाइड कर दी है तो जब इसने सर्फेसिंग प्रोवाइड कर दी तो इसने प्रोटेक्ट कर दिया है अपने अंदर वाली लेयर को टर्निश होने से इसने क्या किया है इट प्रोटेक्ट दर लेयर फ्रॉम गेटिंग टर्निस्ट टर्निश होने से उसको क्या किया है रोक दिया है राइट right? तो यहां पे यही करते हैं लेयर अगर हमने बना दी पटीना प्रोड्यूस करवाते हैं हम लोग पटीना बनवाते हैं जिससे हम प्रोटेक्ट कर सके एक तरह की सरफेसिंग प्रोवाइड कर सके तो एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर गाइस अभी तक जो पढ़ा कहीं पे कोई डाउट है जो चीज समझ नहीं आई जल्दी बताओ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर गाइस एनी डाउट्स एनी प्रॉब्लम पटीना मतलब लेयर जो बन गई ना बेटा रस्ट बोला जंग लगना बोलता है तो उसको पटीना बोल देते हैं नाम है इसका बस कॉपर को कैल्शियम लिख दिया कहां लिख दिया कॉपर को कैल्सियम रुको देखने दो। कॉपर ही तो लिखा है कैल्शियम कहां लिखा है कॉपर ही तो लिखा है बेटा कुछ भी डन है अभी तक क्लियर है सब कुछ बेटा वो फिर अलग प्रोडक्ट्स है ओके? वो सब कुछ अलग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं यहां बेसिक रिएक्शन देख रहे हैं ओके, चलो आगे मूव करते हैं। आगे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम रस्टिंग को कैसे हम रोक सकते हैं रस्टिंग को तो रस्टिंग को हम रोक सकते हैं बेटा सरफेस अगर क्रिएट कर दे इसके चारों तरफ तो रस्टिंग रुक जाएगी अगर अंदर वाली लेयर तक ऑक्सीजन और मॉइस्चर पहुंच ही ना पाए तो क्या रस्सी रुक जाएगी अगर मैंने सरफेसिंग कर दी तो क्या रस्सी रुक जाएगी बताओ जल्दी बताओ मैंने पूछा अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल आयरन का है सिल्वर का है या किसी का भी है मैंने इसको कवर कर दिया एक सर्फेस क्रिएट कर दी इसके चारों तरफ तो क्या अंदर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूं टर्नीजिंग से या रस्टिंग से रोक सकती हूं उसको बिल्कुल तो यहाँ पे वही होता है बेटा बैरियर प्रोडक्शन एक तरह का सर्फेसिंग कर रहे हैं क्या है बताती हूं है? तो है? मतलब देते हैं बैरियर बना देते हैं जिससे अगर मान लो मैंने यहां पे एक बैरियर बना दिया है तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर उस लेयर तक पहुंच ही नहीं पाएगी जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर है उस लेयर तक पहुंच ही नहीं पाएगी समझ रहे हो समझे उस लेयर तक पहुंची नहीं पाएगी तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा ये लेयर है इसको नहीं पाए, तो हो हो गया ये? Right? ये हो गया ये ये राइट तो बेटा यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं या अप्लाई कर दे ग्रीस को या तुम तो इसको पेंट कर दे तो पेंट से एक सर्फेस क्रिएट हो जाएगी या इस ग्रीस लगा दे तो ग्रीस से एक सर्फेस क्रिएट हो जाएगी लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है तो बेटा नहीं ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि कभी ना कभी तो आपका हटेगा पेंट कभी ना कभी तो ग्रीस हसेगी हट जाएगी जब हट जाएगी तो फिर क्या होगा रस हो जाएगा हो जाएगी राइट तो ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है इसका अगर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है बेटा तो अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा और अपग्रेड जाते हैं तो थोड़ा सा अपग्रेड में क्या है यहाँ पे सेक्रीफाइस है सेक्रीफाइस करते हैं ना हम लोग अपने लिए दूसरों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे अपनी चीजों को सेक्रीफाइस कर देते हैं है है ना सेक्रिफाइस वही होता है। तो यहाँ पे यही होता है एक ऑब्जेक्ट को बताने बचाने के लिए हम दूसरे ऑब्जेक्ट की बलि चढ़ा देते हैं उससे उसको कवर करवा देते लेयर कर देते हैं जो कि ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर है तो यहाँ पे क्या होता है गैल्वनाइजेशन में हमेशा जिंक की लेयरिंग की जाती है आयरन के ऊपर जिंक की लेयरिंग की जाती है इसे बोलते हैं गैल्वनाइजेशन तो एक तरह से क्या है सरफेसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम एक सरफेस प्रोवाइड कर दे रहे हैं जो कि ज्यादा रिएक्टिव है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है नेचर तो जो भी सराउंडिंग में होगा वो जिंक से रिएक्ट करेगा और जिंक की सरफेस को खराब करेगा अंदर के आयरन को खराब नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि बाहर एक हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर तैयार बैठी है वो है जिंक तो ये बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू पेंटिंग एंड ग्रीसिंग बट परमानेंट नहीं हो सकता कभी तो लेयर हटेगी राइट right? तो ये परमानेंट नहीं है बट हा अ बेटर ऑप्शन देन पेंटिंग और ऑयलिंग, उसे बेटर ऑप्शन है तो यहां पे अगर एक बात बताओ फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है आयरन का राइट right? इस पर मैंने जिंक की लेयरिंग की थी राइट right? जिंक की लेयरिंग की थी और ये जिंक की लेयरिंग यहां से टूट गई यहां से जिंक की लेयरिंग गायब हो गई तो अब जब भी आएगा अटैक होगा मॉइस्चर का या फिर वॉट या फिर एयर का ऑक्सीजन का तो क्या ये ऑब्जेक्ट रस्ट हो जाएगा क्या इसमें रस्टिंग होने लगेगी आयरन में ये आयरन है और इसमें जिंक की लेयरिंग की गई थी तो अगर ये टूट गया जिंक का लेवल ब्रेक हो गया एक लेयर एक जगह से टूट गई है तो क्या आयरन पे अटैक हो जाएगा क्या आयरन पर रस शुरू हो जाएगा सोच के बताओ तो द आंसर इज नो नहीं होगा क्यों क्योंकि जो भी मॉइस्चर आएगा या पानी आएगा वो जिंक उसको अपने साथ रिएक्ट कर लेगा क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इन नेचर राइट जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इन नेचर तो उसको क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा टूवर्ड्सल राइट right? अब देखते हैं अलोइंग ये बहुत बच्चे पूछ रहे मैम अलॉइंग क्या है अलोइंग क्या है अलॉइंग क्या है और मैं फॉर यूर कन्फर्मेशन ये इंपॉर्टेंट भी है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं पहला इंपॉर्टेंट रीजन ये है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा यहां पे क्वेश्चन के साथ साथ अलॉइंग में एक चीज और इंपॉर्टेंट है इट्स अ परमानेंट सोल्यूशन इट इज अ परमानेंट सोल्यूशन ओके एक ये परमानेंट सोल्यूशन है तो एलॉय अगर हम बात कर रहे हैं तो दो या दो से ज्यादा मेटल के साथ अगर हम नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि ये क्या हो गए अलॉयज बन गए हैं मेटलॉयस अलग होते हैं अलॉयज अलग होते हैं याद रखना मेटेलॉयज की प्रॉपर्टीज होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच की और अलॉयज होते हैं मिक्सचर्स मेटल 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 नॉन मेटल का मिक्सचर होता है एटलीस्ट वन मेटल का होना इंपॉर्टेंट है वेन वी आर डूइंग द अलॉइंग जब भी हम अलॉय बना रहे हैं तो एक मेटल की प्रेजेंस तो इम्पोर्टेंट है ही है बिना मेटल के अलॉइंग नहीं होगी अच्छा हम मिक्स कर देंगे तो जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज थी उन मेटल्स की या नॉन मेटल की वो खत्म हो जाती है फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन की यहाँ पे क्या थी उसकी प्रॉपर्टी क्या थी रस्ट बनाने की लेकिन जब उसका अलॉय बना देंगे तो वो रस्ट बनाने की जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो जाएगी याद रखना वो क्या होगी खत्म हो जाएगी तो अगर प्योर आयरन की बात करें तो वो सॉफ्ट होता है नेचर याद रखना वो सॉफ्ट होता है एंड वो बहुत जल्दी आराम से स्ट्रेच हो जाता है एंड रस भी करता है रस बनाता है आराम से खिंच जाता है टूट जाता है ब्रेक हो जाता है सॉफ्ट होता है नेचर में तो अब हमने देखा आयरन तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है अब क्या करें तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं मिक्स करते हैं आयरन में अलॉइंग होती है अलॉइंग किसकी होती है कार्बन एड करते हैं कार्बन हमारा एक नॉन मैटल है याद रखो कार्बन हमारा एक नॉन मैटल है कार्बन हमारा एक नॉन मैटल है. है जो इसको प्रोवाइड करता है हार्डनेस एंड स्ट्रांग बनाता है जो इसको हार्डनेस एंड बनाता है इससे भी क्वेश्चन आपके आया हुआ है बेटा राइट right? ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि आयरन को स्ट्रॉन्गनेस या फिर स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है वाइल डूइंग द अलोइंग डेट इज कार्बन ओके दैट इज कार्बन तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके नेक्स्ट में मूव करते हैं तो अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की हमारे घरों में जो यूज होता है वो स्टेनलेस स्टील है सिर्फ स्टील नहीं है याद रखना स्टेनलेस स्टील है सिर्फ स्टील नहीं है क्योंकि स्टील में रस्टिंग होती है स्टील में जंग लगती है लेकिन स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगती है क्यों स्टेनलेस स्टील किसका कॉम्बिनेशन होता है आयरन क्रोमियम और निकिल का तो ये स्टेनलेस स्टील में बेटा रस्टिंग नहीं होती पहली चीज दूसरी चीज क्या है इसको बर्तन बनाने के लिए यूज करेंगे रस्ट नहीं होगा तो हम खा सकते हैं खाना कोई दिक्कत नहीं है और क्रोमियम क्या काम करता है आयरन के साथ मिक्स करने पे क्या काम करता है क्रोमियम कोरोजन को रोकता है और जब कोरोजन रुक गया तो फिर वहां पे स्टेन नहीं हो रहा स्टेनलेस का मतलब कोई दाग धब्बे नहीं दाग से दूर और निकल क्या करता है प्रोवाइड करता है हार्डनेस निकल क्या करता है प्रोवाइड करता है आपको हार्डनेस तो इसको याद रखना है राइट अगर सिर्फ आयरन अगर कर रहे हैं आयरन को कार्बन से मिक्स कर दे रहे हैं तो बन रहा है स्टील जिसमें रस्टिंग भी होगी रस्टिंग होगी इसमें तो हम लोग स्टील को यूज नहीं करते हैं हम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं जो कि मिक्सर होता है आयरन क्रोमियम निकिल का निकिल क्या काम करता है हार्डनेस प्रोवाइड करता है और क्रोमियम क्या काम करता है क्रोमियम प्रोवाइड करता है यहां पे कोरोजन हो रहा है और स्टेनलेस बना रहा है मतलब दाग धब्बों से दूर ओके okay? नेक्स्ट अगर गोल्ड की बात करें बेटा ये क्वेश्चन आपका, आपका आया हुआ है गोल्ड वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है गोल्ड की अगर प्योर गोल्ड की बात करें ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड की बात करें वो सॉफ्ट होता है उससे कुछ जेवर वेवर नहीं बन सकते ज्वेलरीज नहीं बन सकते उससे तो यहां पे क्या होता है इसमें मिक्सिंग की जाती है ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड का मतलब है कि ट्वेंटी टू पार्ट जो है वो गोल्ड है और दो पार्ट उसमें सिल्वर मिक्स किया गया है या कॉपर मिक्स किया गया है मिक्सिंग है प्योर गोल्ड नहीं मिलता है प्योर गोल्ड से जेवर नहीं बन सकते ज्वेलरी नहीं बन सकती याद रखो तो इस बात को तो यहां पे क्या दो पार्ट बाय वेट कॉपर और सिल्वर डाल दिया 22 पार्ट बाय वेट गोल्ड एडेड है यहां पे राइट बेटा पढ़ रहे हो ना सब समझ आ रहा है तो बेटा ये ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में क्योंकि ये टॉपिक आप लोग मिस कर देते हो कभी नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने राइट और इससे ही उन्होंने क्वेश्चन दे दिया सीधा क्वेश्चन दे दिया यहां पे आपको पता था था, 18 कैरेट गोल्ड में टोटल ट्वेंटी फोर होता है टोटल ट्वेंटी फोर होता है एटीन कैरेट गोल्ड में अगर परसेंटेज निकालना है गोल्ड का तो इट कैन बी सेवेंटी फाइव परसेंटेज राइट इट कैन बी सेवेंटी फाइव परसेंटेज यहां पे आप इसको देख सकते हो राइट right. और इसमें क्या मिक्स होता है क्रोमियम मिक्स होता है एंड या देखो यहाँ पे क्या है क्रोमियम मिक्स हो रहा है इसके अलावा क्या होता है बच्चा यहाँ पे इससे पूछा क्या क्या मिनट को ओके गोल्ड प्योर आयरन इज ऑल्सो कंपेटिवली ठीक है आयरन की बात है अभी हमने पढ़ा है बेटा आयरन में मिक्स क्या करते हैं निकिल मिक्स कर रहे क्रोमियम मिक्स कर रहे हैं राइट right? निकिल हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है और क्रोमियम रेजिस्टेंस दे रहा है रस्टिंग से कुछ कॉमन एलॉयज हैं बेटा जो याद करने पड़ेंगे आपको एंड मर्कुरी के एलोय को मर्कुरी के अलॉय को अमेलगम्स बोलते हैं मतलब मर्करी एक नॉन मेटल है जब सॉरी मर्कीज मेटल सॉरी 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 ओके एम सॉरी गाइस मर्क्रीज मेटल ओके मर्करीज मेटल जब मर्करी के साथ हम लोग सोडियम मिक्स कर दे फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम मिक्स कर दिया तो क्या बन जाएगा सोडियम अमेलगम बन जाएगा इन्हें क्या बोलते हैं अमेलगम्स बोलते हैं जो हमारे डेंटिस्ट यूज करते, करते हैं ना right? वो भी अमालगम्स का यूज करते हैं राइट वो भी अमेलगम्स का यूज करते हैं हमारी फिलिंग्स करने के लिए तीत की फिलिंग्स करने के लिए ओके okay? तो ब्रास ब्रॉन्स लाइक जर्मन सिल्वर सोल्जर्स इनके प्लीज ये याद कर लेना बेटा क्योंकि क्वेश्चन क्यों जिस हिसाब से आया है तो हो सकता है यहां से भी आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या बनता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन आ सकता है यहां से भी राइट right? आपने बोला अलॉय की डेफिनेशन दिखा दो ये रही अलॉय की डेफिनेशन बेटा किसी को कोई डाउट क्या किसी को कोई और डाउट है इसमें दो बाय वट पेट का मतलब वेट का मतलब है बेटा कि अगर ऐसे मान लो हमें ट्वेंटी फोर कैरेट बनाना है तो ट्वेंटी टू पार्ट है वो क्या होगा आपका गोल्ड होगा और दो पार्ट जो होगा वो उसमें सिल्वर या कॉपर मिक्स करेंगे समझे ठीक है वाह बेटा व्हाट इज मेटल वेरी गुड वेल डन प्राउड ऑफ यू ओके okay, बच्चा फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ओके आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हैं एंड बच्चा आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखो टेंथ एक बार आएगा एग्जाम एक बार आ रहा है आपने साल भर की मेहनत है उसको संभालो लास्ट मोमेंट है फोकस करो सब चीजें डन करो ये चैप्टर में आप सेवन मार्क्स ला सकते हो आराम से अगर आज आपने एक बार अच्छे से देख भी लिया होगा ना आपको कहीं ना कहीं माइंड में ये चैप्टर बैठ जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आने हैं वो भी ट्रिक्स बता दिए हैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी बता दिए गए हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी चीजें आपके पास अवेलेबल है यू हैव ईच इन एवरी थिंग आईज यू हैव ईच इन एवरी थिंग वॉट यू हैव टू डू जस्ट स्टडी अभी सब चीजें छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो सोशल मीडिया हर एक चीज छोड़ दो एंड फोकस कर लो आफ्टर एग्जाम यू विल डेफिनेटली गेट ईच एंड एवरी जो आपको एंजॉय करवाएगी लेकिन अभी एग्जाम पे फोकस करो गिल्ट रिग्रेट नहीं रहेगा अगर अभी मेहनत कर लोगे तो ठीक <laughs> है बच्चा ओके बच्चा ध्यान रखो सब लोग सब कुछ समझ आ गया किसी को कहीं कोई डाउट तो नहीं तो आई टेक योर डाउट इफ यू एनी डाउट योर डाउट मेरा सीबीएससी वालों ने तो लगा दी है सिंपल सी बात मैं सीधे बोलूंगी सीबीएससी वालों ने लगा दी है उन्होंने आपको सिलेबस तो ये दिखाया था राइट दिखाया ये दिया ये और लास्ट में बंप हो रहा है जो आपके लिए ना प्रैक्टिस पेपर का तो बम फोड़ दिया है तो लेकिन डरना नहीं है क्योंकि हम आपके साथ हैं आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है आपकी सारी फैकल्टीज आपके साथ हैं हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना मैक्सिमम एक्सटेंड तक आपको चीजें करवाई जा सके प्रिपेयर करवाई जा सके वो सारी चीजें करवा रहे हैं बस अभी बेटा ट्रस्ट करो और पढ़ाई करो लग जाओ जुट जाओ एकदम लास्ट टाइम है ये इलेक्ट्रो वन सेकेंड स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन ओके डेंसिटी बेटा मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो को डेंसिटी बोलते हैं ओके तो आई थिंक आज के लिए डन करते हैं हाँ तुलसी की माला है बेटा वो देखो बेटा पेपर टफ आएगा नहीं आएगा इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है सीरियसली कोई सर्टेनिटी नहीं है लेकिन आप अपने एंड पे मैक्सिमम एक्सटेंड तक प्रिपेयर होके जाओ किसी सी बी अगर कुछ भी खेल रहा है लास्ट मोमेंट पे राइट कुछ भी गेम खेलता है आपके साथ कि पेपर टफ दे देता है या इजी दे देता है आप हर एक मोमेंट के लिए प्रिपेयर हो पीडब्ल्यू के बच्चे हो बेटा पीडब्ल्यू से पढ़े हो आप उसके बाद आपको टेंशन लेने की क्या बात है आप बस ट्रस्ट करो सारे कॉन्सेप्ट कवर करते जाओ जितना हम लोग करवा रहे हैं आपको डेफिनेटली हेल्प होगा आपके एग्जाम में ओके आई थिंक अभी के लिए डन करते हैं तो गाइस गुड नाइट टेक केयर बी सेफ स्टडी हार्ड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एकदम फोड़ देना तोड़ देना बिल्कुल एग्जाम में छोड़ना नहीं है फुल मार्क्स लेके आने हैं जितना मैक्सिमम कर सकते हो जुट जाओ अब लास्ट टाइम है ठीक है जल्दी मिलते हैं तब तक अपना ध्यान रखो बाय बाय ऑल द बेस्ट